इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ना मुझे इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम थोड़ा सा फिजिकल केमिस्ट्री में टफ लगता है हमको ये है ना पहले ऑर्गेनिक बड़ी टफ लगती थी अभी तो नहीं लगती एकदम मस्त मस्त प्रैक्टिस हो गई है फिजिकल केमिस्ट्री पे फोकस कर रहे हैं इन दिनों हम ठीक है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आज का सेशन हम में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं रेजिस्टेंस कंडक्टेंस रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी और उसी के साथ साथ कुल लॉ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी सब एकदम मस्ती वाला सेशन मस्त वाला सेशन खूब सारा इसके अंदर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस में करवाने वाली हूँ और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ वैल्यूज वगैरह सब चेंज करके रखी है इसलिए कॉपी पेन लेके बैठना पड़ेगा और वैल्यूज़ को कॉमेंट बॉक्स में रिपोर्ट करना पड़ेगा सो कैन यू सी मी प्रॉपरली हाई संध्या रितेश अनिशा गुंजन हर्ष उत्क्रेश प्रतिभा भव्य अनुराग ज्योतिका सो मेनी ऑफ यू हैव ज्वाइंट जल्दी जल्दी शेयर कर दो भाई साहब एनर्जी देखो मतलब इलेक्ट्रो केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री का सेशन है है ना एनर्जी इज एकदम हाई रखो मजा आने वाला है, है पता है कैसे वो मैथ्स करते हैं ना पता ही नहीं चलता टाइम का निकल जाता है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट करते जाते हैं आंसर आता जाता है सवाल निकालते जाते हैं आंसर आता जाता है तो बस उसी कुछ अंदाज में हम लोग को आज का ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेशन करना है थ्योरी अच्छे से समझाऊंगी थ्योरी कराते ही निमारकल फिर थ्योरी कराते ही निमारकल इस तरह से हम करेंगे ठीक है तो अभी तक लगता है कि अभी तक शेयर नहीं किया सेशन को ठीक है, तो मैं आगे प्रोसीड करती हूँ जब तक और स्टूडेंट्स हमको ज्वाइन करते हैं सो माई नेम इज मोनिका बेदी आई डन पी एच केमिस्ट्री एंड आई है ना, एंड आई एम ऑल्सो मंग कैंडिडेट क्वालिफाइड नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर लेक्स कंडक्टेड बाई सी एस आई आर

क्विकली देर नहीं करो मिस नहीं होंगे कोई भी सेशन मिस नहीं होगा जो भी आपको कोई शिद्दत से पढ़ा रहा है जिसको भी आप ढंग से फॉलो करना चाहते हो तो आपका कोई भी सेशन मिस नहीं होगा अलार्म की तरह काम करेगा इसके अलावा स्पेशल क्लासेस अन अकेडमी की ऐप पे अगर कोई बच्चा आया नहीं है तो मैं बता दू अनडमी की ऐप पे ना एक कंटेंट होता है जो फ्री होता है बिल्कुल तो आ, 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 आप ऐप पे आके देखो ऐप पे और भी मजेदार क्लासेस होती है जिनको हम बोलते हैं स्पेशल क्लासेस यहाँ स्टूडेंट टीचर कनेक्टिविटी और भी ज्यादा स्ट्रांग होती है ठीक है इसमें आने का तरीका अनक अकेडमी की लर्निंग आपको डाउनलोड करके गोल सेलेक्ट करके और फिर आपको मेन्यू बटन में जाके स्पेशल पे क्लिक करना है मेन्यू बटन ऐसे टॉप लेफ्ट कॉर्नर होता है इसमें आपको क्लिक करोगे तो प्लस कोर्सेज फ्री कोर्सेज स्पेशल क्लासेस ऐसा ओपन होगा तो स्पेशल में आप अनक अकेडमी इज मेकिंग एजुकेशन डेमोक्रेटिक हर बच्चे तक एजुकेशन पहुंचेगी हर बच्चे तक नॉलेज पहुंचेगी कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि भाई अच्छी एजुकेशन जो होती है अच्छी कोचिंग जो होती है तो बहुत महंगी होती है लाखों रुपए लग जाते हैं ऐसा देश का कोई बच्चा नहीं कहेगा दिस इज वॉटमीज ऑल अबाउटी की ऐप पे आ जाओ ये सब मैं पढ़ा चुकी इसको अच्छे से पढ़ना है आपको सिर्फ जो मैंने प्रॉपर प्रो, ये बताया कि मेन्यू बटन पे आके आपको स्पेशल क्लासेस पे क्लिक करना है फिर मेरा नाम लिखना है अब कोई भी अगर आप क्लास खोल रहे हैं, नहीं खुल रही एम बी लाइव कोड डाल दो मास्टर ब्लास्टर कोड एम बी लाइव कोड तुरंत खुल जाएगी क्लास ठीक है एंड ये सारे सेशंस डिटेल मिल जाएंगे तो फर्स्ट टाइम लर्नर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है टाइम है दो महीने टाइम अब वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है ना अब useful, अगर तुम्हें लगता है कि नहीं भाई या तो बहुत ही अच्छे से पढ़ाई होती है कि होती है ठीक है तो या जो बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है तो तुमको एक अप क्वालिटी वर्जन मिलेगा विच इज नोन एज प्लस प्लस पेड होता है ठीक है हालांकि चार्जेस ज्यादा नहीं है बहुत अफोर्डेबल है बहुत कॉस्ट फ्रेंडली है तुम देख सकते हो वन मंथ का सब्सक्रिप्शन सिर्फ ट्वेंटी सेवन हंड्रेड में थ्री मंथस का सब्सक्रिप्शन सिर्फ सिक्स थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी में और ये चार्जेस ऑल सब्जेक्ट के चार्जेस है अब यहाँ पे आने का तरीका क्या है वही अकेडेमिक ऐप्स के थ्रू आ जाएगा गेट सब्सक्रिप्शन में घुस गेट सब्सक्रिप्शन में जाके आपको ई एम आई इसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं ये सारे सब्जेक्ट के चार्जेस हैं फॉर द ड्यूरेशन गिवन इन इन ड्यूरेशन के लिए ये ऑल सब्जेक्ट चार्जेस है रेफरल कोड एम बी लाइव यूज करने के बाद एम बी लाइव रेफरल कोड यूज करने के ये बाद के चार्जेस हैं प्लस क्यों बेनिफिशियल है प्लस पे आपको क्लासरूम वाली फील आएगी प्लस पे प्रॉपर कोर्सेज होते हैं शुरुआत से लेके अंत तक पढ़ाया जाता है हर चैप्टर का टेस्ट लिया जाता है बीच बीच में एनसीईआरटी अच्छे से कराई जाती है जैसे इन इंटेक्स एक्सरसाइज और आपका एग्जाम्पल्स uh, उसके अलावा आपको वर्कशीट्स एंड असाइनमेंट्स ढेर सारे देते हैं टीचर्स ताकि आप अच्छे से मेहनत करो और आपको जो भी डाउट्स आते हैं तो वो आप डाउट क्लास में पूछ सकते हो डाउट क्लास क्लास हर तीन के बाद में होती ही होती है ठीक है तो ये हमारे प्लस प्लेटफॉर्म का खूबसूरती है फीचर है तो आप आओगे तब आपको एक्सपीरियंस होगा कि प्लस प्लेटफॉर्म क्या है इसके अलावा एक और अनाउंसमेंट है रिवाइज बैच फॉर साइंस बोर्ड लॉन्च हो रहा है ट्वेंटी ट्वेंटी बोर्ड्स के लिए एंड डेढ़ महीने का ड्यूरेशन है इसका वन पॉइंट फाइव मंथ्स का बेसिकली ये बैच आपको बोर्ड्स को अच्छे से अच्छे मार्क्स में लाने के लिए बहुत मदद करने वाला है क्योंकि यहाँ जो भी टॉप एडुकेटर्स है वो इस बैच को ले रहे हैं जैसे ये देखो बायोलॉजी मेरा टाइमिंग जो है वो सिक्स टू सेवन थर्टी रहेगा इस बैच में ठीक है और ये आपका डेढ़ महीने का टोटल कोर्स रहेगा इसमें आपके प्रॉपर सारे सब्जेक्ट्स के बायोलॉजी के केमिस्ट्री के फिजिक्स के मैथ्स के सारे कोर्सेज बहुत अच्छे से पूरे होंगे आप पे ध्यान दिया जाएगा आपके डाउट्स अच्छे से देखे जाएंगे कंप्लीट एनसीआर करवाई जाएंगी मतलब हर वो काम होगा जिससे आप ढंग से मार्क्स ला सके ठीक है एंड uh, भूलना नहीं कि आपको रेफरल कोड एमबी लाइव यूज़ करना है टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट दीज आर द ड्यूरेशन दीज आर द चार्जेस अब आप अपने जूनियर्स को भी रेकमेंड कर सकते हैं क्योंकि मैं मार्च में uh, मतलब जो न्यू कमर्स है इलेवन टू ट्वेल्थ मूविंग स्टूडेंट्स उनके लिए भी कोर्सेज लॉन्च करने वाली हूँ तो मैं खुद पढ़ाने वाली हूँ तो आप अपने छोटे भाई बहन आपके सिबलिंग्स आपके कजन्स आपके फ्रेंड्स आपके स्कूलमेट्स सबको एकदम हल्ला करके बता देना ठीक है कि सब्सक्रिप्शन ले लें एक साल का ले लें एक साल के पूरे साल मैम विल टेक केयर ऑफ यू है ना तो इस तरह से आप बता दें ठीक है आइकॉनिक में आपको पर्सनल मेंटर मिल जाता है एंड पर्सनल मेंटर आपका बहुत अच्छे से ध्यान रखता है आपकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है जैसे जिम के अंदर पर्सनल ट्रेनर होता है वैसे अन अकेडमी में एक पर्सनल मेंटर होता है जो आपको कहीं भी अटकोगे आप ऑनलाइन स्टडीज में सपोज अटक गए कोई तरीका कोई चीज आ नहीं रही आपको आप पर्सनल मेंटर से तुरंत मैसेज करेंगे या फोन करेंगे वो आपसे कॉन्टेक्ट में बने रहेंगे तो ये एक हाथ पकड़ के चलने वाली चीज है तो अगर आपको ये समझ में आए तो ये रहे ड्यूरेशन वो रहे चार्जेस ठीक है तो आपको मैंने सारे ऑप्शंस रख दिए पे क्लासेस होती हैं स्पेशल क्लासेस होती हैं फिर प्लस क्लासेस होती के लिए बच्चे फोकस कर रहे हैं तो उनको कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए क्योंकि इन सब्सक्रिप्शन को लेने से आपको क्लास इलेवेंथ क्लास ट्वेल्थ नीट के एंड जेई के जो टॉप लेवल एडुकेटर्स ऑफ द नेशन है जो रैंक प्रोड्यूस करते हैं हर साल साल दर साल साल दर साल उनको आडमी अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आ चुका है एंड आपसे उनको कनेक्ट करने का पूरा मतलब तैयारी है आपको सिर्फ कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेने हैं घर बैठे ट्रैवल कॉस्ट को बचाते हुए हो जो आपके हॉस्टल्स का रेंट है उनको बचाते हुए आप इन सब्सक्रिप्शन को लेके तैयारी बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं टेल्यू अगेन मैं बोलूंगी रेफरल कोड एम लाइव को नहीं भूलें क्योंकि एम लाइव रेफरल कोड आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट दे देगा इन सब्सक्रिप्शन में ठीक है एंड uh, यहाँ पूरे प्रॉपर चार्जेस लिखे हुए हैं आफ्टर डिस्काउंट एंड ये ड्यूरेशन लिखी हुई है सो आपको मनी स्पेंड करनी है आप सोच समझ के करिए मैं सिर्फ आपको ये श्योरिटी दे रही हूँ कि हाँ ऑल एडुकेटर्स आर वेरी वेरी गुड एंड दे विल गुड दे विल टेक अ गुड केयर ऑफ यू अब ऑनलाइन ऑफलाइन की बात करें तो ऑफलाइन वर्सेज ऑनलाइन में मैं प्रेफर करूंगी ऑनलाइन क्योंकि बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होता पेरेंट्स का बहुत नॉमिनल से चार्जेस में डेडिकेटेडली पढ़ाई हो जाती है एंड ज्यादा डिसिप्लिन के साथ होती है अभी अगर किसी बच्चे को पढ़ना नहीं है तो वो फिर अगर कहते हैं ना ऑनलाइन में टेंशन नहीं बैठ रही तो भाई साहब और टेंशन तो फिर बहुत सारा नाइन्टी परसेंट बच्चों की ऑफलाइन में भी नहीं बैठती आई हैव बीन आई हैड बीन एन ऑफलाइन एडुकेटेड फॉर द लास्ट सो मेनी ईयर्स आई नो कि हंड्रेड परसेंट बच्चा टेंशन लेकर नहीं बैठा होता जो बैठा होता है वो ऑनलाइन में भी अटेंशन देगा ऑफलाइन में भी देगा ठीक है तो इट्स नॉट ऑनलाइन और ऑफलाइन इट्स ऑल अबाउट योर फोकस योर अटेंशन योर हार्डवर्क योर एम इन लाइफ ठीक है तो ये बिल्कुल आ, कम से चार्जेस में सब्सक्रिप्शन है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं और पेरेंट्स के पैसे बचा सकते हैं लेट अस स्टार्ट विद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेट अस गेट स्टार्टेड फटाफट पड़ से स्टार्ट करें जल्दी से स्टार्ट करें पानी वानी पी लेते हैं सांस फूल गई माम की कौन-कौन ज्वाइन कर चुका है विशाखा आस्था प्रियंका अनुराग रोशनी दीक्षा सोनिया कुशल अनुजा श्रयांश सबा शाबाश बच्चों प्रैक्टिस के लिए कॉपी लिया है प्रैक्टिस कॉपी लिया तो थम्स अप कर देंगे जल्दी से प्लीज मैम सॉल्यूशन का भी एक सेशन ले लें बेटा मैं तो इतने चक्कर लगा रही हूँ केमिस्ट्री के इतने चक्कर लगा रही हूँ जो बच्चे शुरू से साथ है मेरे उनके तो बहुत सारे रिजन हो रहे हैं और जो नए नए जुड़ रहे हैं उनके भी कोर्स में हर दो महीने में पूरा पूरा कम्पलीट कर रही हूँ है ना डोंट वरी नो मतलब देर इज नो फेयर वन मोनिका मैम इज देर ऐसा मेरे बच्चे कहते हैं ठीक है शुरू करें कॉपी ले आए लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ अब देखो थोड़ा मैं थ्योरी पे फोकस करूंगी अच्छे से आपको समझाऊंगी फिर जो न्यूमेरिकल्स हम कर रहे हैं वो बिल्कुल न्यू है मतलब न्यू मतलब देखो न्यूमरिकल्स तो वैसे ही होते हैं जैसे बोर्ड में हर साल बनता है पैटर्न पर मैंने वैल्यूज वगैरह बदली है तो आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा ठीक है सो वट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज दैट एरिया ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी ना वट इज दिस ऑल अबाउट यार ये मैम ये तो बुक में भी लिखा है बुक में ये नहीं लिखा कि जब हम कोई मोबाइल फोन यूज करते हैं ये देखो इसमें तुम्हारी चैट्स फोड़ती हूँ ठीक है थीके? लेकिन ये किसी भी सोर्स ऑफ एनर्जी से आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी से कनेक्टेड नहीं है मतलब इसकी बैटरी में कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसको हम जिसकी एनर्जी को हम इस डिस्प्ले को यूज करने में काम में ले रहे हैं जिसमें तुम्हारी चैट्स आ रही है ठीक है समझे बात को मतलब बैटरी में ऐसी कोई केमिकल chemical... गिरना जाए कल भी गिर गया था बहुत जोर की ये फोन तो बैटरी में ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है और वो केमिकल रिएक्शन के जरिए से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहे हैं तो अगर चेमिक, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन की एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल के काम में लाओ तो ये भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हुई और सपोज कर लो कि इसकी बैटरी गई खत्म अभी हो गया स्विच ऑफ अभी बैटरी खत्म का क्या मतलब है कि जितने भी रिएक्टेंट्स बैटरी में थे वो प्रोडक्ट में बदल चुके ठीक है अब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में नहीं बदलते जो प्रोसेस एक गिवन डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस होती है ना बेटा मैं यहां लिख के बताती हूं कि अगर रिएक्टेंट अगर अगर रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में बदल रहे हैं और प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है ठीक है तो रिवर्स डायरेक्शन में वो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगी कैन यू गिव मी एनी रूटीन लाइफ एग्जाम्पल क्या मुझे तुम कोई रूटीन होती है तो वो उसके में नहीं होगी. मतलब अपने आप नहीं होगी इलेवन का स्टूडेंट पढ़ाई कर सकते हुआ? बिल्कुल कर सकते हो चंदन बिल्कुल कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है वेलकम टू माई क्लास बेटा धारवी दुबे कह रही फॉलिंग ऑफ रिवर ठीक है अंजलि यादव हॉट्टी का एग्जाम्पल दे रही है एग्जाम्पल मैं भी क्लास में काफी देती हूँ है ना रेस्टिंग ऑफ आयरन बिल्कुल सही पानी का ठंडा होना भव्य बिल्कुल सही तो बेटा मैं बोलू स्लाइड झूली तो फिसल पट्टी एक फनी सा एग्जाम्पल दे रही हूँ फिसल पट्टी नहीं होती स्लाइड हम लोग अपने राजस्थान में फिसल पट्टी बोलते हैं तुम पता नहीं क्या बोलते हो जो वो झूला होता है ना जरूर से नीचे से ऐसे मतलब फिसल के गिरते हैं वैसा झूला खाया तुमने ऐसे सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाते हैं फिर फिसल के नीचे जाते हैं तो फिसल के नीचे ऐसे हाथ ले रहा हो हल्का सा पुश दो तो ऐसा फिसल के अपन नीचे जाते हैं लेकिन नीचे ऐसे हाथ ले रहा हो तो ऐसे फिसलते हुए ऊपर थोड़ी आ सकते नहीं आ सकते चाय पड़ी पड़ी ठंडी हो जाती है गर्म का गर्म कप का चाय जो है वो भी जैसे मैं तुम्हारी क्लास रही तो मेरा ध्यान हट जाता है ठंडा पानी मैं मस्त गर्म करके लाती हूँ ठंडा हो जाता है क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ ये पानी पड़े पड़े अपने आप गर्म हो जाए आई के नॉट एक्सपेक्ट दैट क्योंकि अगर कोई भी प्रोसेस फिजिकल हो या केमिकल हो किसी गिवन डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है तो वो उसके रिवर्स डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस नहीं होती और एक बढ़िया एग्जाम्पल दू हमारी सूरतें जो होती है ना वो पड़े पड़े घर में सपोज करो बिगड़ती जा रही है बिगड़ती जा रही है तो वो बिगड़ना स्पॉन्टेनियस है फिर मुंह धोके तैयार होना पड़ता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस सुधरना नॉन स्पॉन्टेनियस है हमारा रूम हम समेटे नहीं तो स्पॉन्टेनियसली बिगड़ता ही जाता है बिगड़ता ही जाता है मम्मी कहती क्या कमाल करते हो यार रूम तुम्हारा रोज बिगड़ा हुआ होता है क्यों लेकिन वो बिगड़ता है खुद बिगड़ता है तो वो अपने आप बिगड़ रहा है मतलब हम एफर्ट थोड़ा जान पूछ के कमरे को तहस नहस थोड़ी करते हो तुम तुम तो रूटीन में बस सफाई नहीं कर रहे कमरे की तो बिगड़ रहा है लेकिन उसका रिवर्स आने के लिए मतलब अच्छा साफ सुथरा रूम के लिए तुम्हारा को एफर्ट लगाना पड़ेगा यानी कि नॉन मोन्टेन तो कोई प्रोसेस अगर गिवन डायरेक्शन में अपने आप हो जाती है तो रिवर्स डायरेक्शन में अपने आप नहीं होती है वही चीज मोबाइल फोन की बैटरी के साथ होता है कि मोबाइल फोन की बैटरी के अंदर ये बैटरी है बैटरी के अंदर रिएक्टें प्रोडक्ट्स में जब तक बदल रहे हैं एनर्जी रिलीज कर रहे हैं और वो जो एनर्जी रिलीज हो रही है ठीक ठीक है है वो तुम डिस्प्ले के फॉर्म में यूज कर रहे हो हु। अब हुआ ये कि सारे रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो गए किसमें प्रोडक्ट में सारे के सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए खत्म अब तुम बोलो भाई मैम क्या करें सारे के सारे रिएक्टन खत्म इनिशियल फुल थी अभी जीरो हो चुकी है सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल चुके हैं

मोबाइल फोन अपना नॉर्मल कंडीशन में फिर वो सीढ़ी चढ़ के चढ़ के चढ़ के चढ़ के एफ मार के ऊपर आता है फिर जरूर से नीचे फिसल जाता है तो जब से जरूर से नीचे फिसलता है वो स्पॉन्टेनियस है फिर सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना नॉन स्पॉन्टेनियस फिर स्पॉन्टेनियस फिर नॉन स्पॉन्टेनियस तो मोबाइल फोन जब चार्जर से कनेक्टेड नहीं है स्पॉन्टेनियस फिर चार्जर से कनेक्ट करते हो बैटरी चार्ज करते हो उसमें

एफ बी पे लाइक्स का होगा मुझे यूट्यूब पे लाइक्स का है यार देखो कितने स्टूडेंट्स अभी लाइव हैं थ्री हंड्रेड एंड सिक्स चलो ठीक है यार अच्छा नहीं पढ़ा रही होंगी वहाँ पे और अच्छे एग्जांपल्स देने की कोशिश करती हूँ ठीक है चलो हाँ दोबारा से इलेक्ट्रो शुरू कर दिए बेटा सब कुछ दोबारा से ही पढ़ा रही हूँ मैं अभी जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछो छठी छठ प्रियंका तो सातवीं बार ऑर्गेनिक पढ़ रही है ठीक है तो नए नए बच्चे जुड़ते जाते हैं और पुराने भी ढंग से पढ़ते नहीं है तो दोबारा से ही पढ़ाना पड़ता है सब कुछ

कर, बहते हुए करंट को रोकने के लिए जो ताकत है इट द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट कि एक टेंडेंसी होती है ना कि बहता करंट क्या है बहते हुए इलेक्ट्रॉन्स बेहतर इलेक्ट्रॉन्स रुक रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स रुक रहे हैं तो वो जो रुकावट आ रही है ना इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में वो क्या कहलाता है रेजिस्टेंस जैसे पूरा ग्रिड एक ग्रिड होता है प्रॉपर वायर है जैसे ग्रिड है उस ग्रिड के स्ट्रक्चर में कहीं न्यूक्लियस भी हो सकता है कहीं स्ट्रक्चरल ग्रिड में भी उबड़ खाबड़ हो सकता है

पांच सेकेंड में ये सब चले गए लेकिन अगर इसके ग्रिड स्ट्रक्चर में रुकावट आ गई तो ये इसको टाइम लग रहा है देखो सारे कंचों को बहने में कितना समय लग रहा है साढ़े नौ साढ़े नौ सेकेंड ठीक है अब मैंने इसका इसका क्या किया इसको दबा दिया दिया एरिया कम कर दिया। तो अब तो और भीड़ मचेगी यार अब तो और स्लो हो गया तो देख रहे हो इसमें टाइम लग रहा है कैन यू सी दैट सारे कंचों को साफ होने में करीब करीब दस सेकेंड लगे तो ये क्या है ये रेजिस्टेंस है ग्रिड स्ट्रक्चर में आने वाली रुकावट क्या है रेजिस्टेंस है अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कम कर दें कहीं सड़क जैसे सड़क होती है ना रोड होती है तो रोड कहीं जब सकड़ी होती है ना कहीं चौड़ी रोड भी किसी पर्टिकुलर जगह जाके सकड़ी हो जाती है यू मस्ट हैव कि वहां ट्रैफिक जाम हो जाता है वो रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस समझ गए ना सिंपल सी चीज है रेजिस्टेंस क्या है अब रेजिस्टेंस को हम कहते हैं प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया लेंथ के प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा जितनी सकड़ी रोड होगी जितनी पतली रोड होगी उतनी ही रेजिस्टेंस ज्यादा होगी you can see that. होगी यू कैन सी दैट जितनी सकड़ी रोड उतना ही ट्रैफिक होगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना कम होगा उतना ही रेजिस्टेंस ज्यादा होगा जितनी लंबी और पतली सड़क उतना ही रेजिस्टेंस ज्यादा क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा होंगे ट्रैफिक जैम ज्यादा होगा तो ये हमें पता है यूनिट क्या है इसकी यूनिट इसकी ओम है ठीक है यूनिट क्या है ओम है आगे बढ़ते हैं रेजिस्टेंस अच्छे से समझ में आ गया रेजिस्टिविटी

मतलब रेजिस्टेंस जब तुम बात करते हो ना देखो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ समझा रही हो धीरे धीरे पढ़ा रही हो जब तुम रेजिस्टेंस की बात करते हो तो तुम एक ओपनली जनरलाइज वो करते हो जैसे अभी अभी मैंने स्पेशल क्लास में एक स्टेटमेंट यूज किया था कि अगर मैं मेरे बच्चों की बुराई कर रही हूँ सपोज करती नहीं हूँ पर कर रही हूँ और मैं कह रही हूँ बिल्कुल बेकार है पढ़ते लिखते नहीं है बिल्कुल ध्यान नहीं लगाते पढ़ाई में सपोज मैं ऐसा बोल रही हूँ तो मैं एक जनरलाइज बात कर रही हूँ बड़ी रुकावटें इनकी पढ़ाई में तो हर वक्त इनके पास कुछ ना कुछ एक्सक्यूज है ये मैं क्या बोल रही हूँ जनरलाइज बात कर रही हूँ पूरे बैच की को बोला जाएगा जब आप किसी और करती मैं किसकी बात कर रही हूं मैं किसी पर्टिकुलर बच्चों के नाम लेके अरे यार बाकी सब तो बहुत अच्छे ये बर्बाद है किसी का नाम लो क्या ऐसा मेरा कोई स्टूडेंट नहीं है बाकी सब तो बहुत अच्छे हैं ये बहुत बर्बाद है बच्चा है ना ये का खराब कर रहा है तो ये क्या है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस इज ओपन टर्म खुली बुराई कर रहे हैं अपन रेजिस्टिविटी इज चुन चुन के बुराई कर रहे हैं स्पेसिफिक बुराई कर है. ये गड़बड़ ये गड़बड़ ये गड़बड़ ये रेजिस्टिविटी गड़ 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 तो रेजिस्टेंस इज ऑब्स्ट्रक्शन टू द रुकावट विच इज ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट एंड रेजिस्टिविटी इज नपी तुली रुकावट मतलब

मार्कर में इंक खत्म हो गई और ऑफलाइन बच्चा अरे बेटा बातचीत कर लो मैं इंक तो भर लेती हूँ ओहो तो भाई मचा देंगे बच्चे क्लास में इतनी बातें करेंगे ठीक है तो हाँ बैक टू तो तो बैटिंग स्टार्ट करते हैं रेजिस्टिविटी क्या है ओम होती, होती है मुझे बताने की जरूरत है रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हुई ओम इनटू एरिया लेंथ का स्क्वायर सेंटीमीटर का स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर लेंथ सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा व्हाट विल बी द यूनिट ओम इनटू कोई भी लेंथ यूनिट जैसे ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर ओम लेंथ ओम लेंथ ठीक है आगे बढ़ते कंडक्टेंस बेटा कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा रेजिस्टेंस रुकावट टू द फ्लो ऑफ करंट कंडक्टेंस आसानी कितनी आसानी से करंट फ्लो कर सकता है ये क्या कहलाता है कंडक्टेंस कहलाता है रेजिस्टेंस का एग्जैक्टली exactly उल्टा अभी थोड़ी देर पहले मैं बुराई कर रही थी ना बच्चों की पढ़ते नहीं है टाइम वेस्ट करते हैं इधर उधर की चीजों में टाइम वेस्ट करते हैं मैं तारीफ कर रही हूं मेरे बैच की क्यों, अब ये दिल से जैसे मैं अपने बैच की ऑफ तारीफ करती हूँ ऑनलाइन स्टूडेंट्स की बहुत बढ़िया बच्चे हैं जब भी बुलाऊ आते हैं छ छ बार भी रिविजन करते हैं मस्त वाला और बहुत मन लगा के पढ़ते हैं अब ये मैं क्या करूं खुला अपने सब बच्चों को बोल सकता है दो चार ऐसे ना हो

कंडक्टिविटी नेक्स्ट पेज पे स्पेसिफिक तारीफ कुछ कुछ बच्चों की तारीफ समझे बात को तो कंडक्टेंस को क्या बोलोगे आप करंट कंडक्टिविटी कितनी आसानी से करंट फ्लो कर जाता है, है, तो, है. कर जाता है? ठीक है? क्योंकि कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा है जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी इज इक्वल्स टू वन अपॉन आर ठीक है तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी ओम इन्वर्स, ओम इनवर्स को हम साइमंस भी बोलते हैं भी बोलते हैं अगर तुम्हें पता तो ये इसकी हो तो देखा इधर देखा हमने रेजिस्टेंस रो इज इक्वल्स टू आर अब बेटा इस रो का उल्टा होता है, ये ये क्या? है ना स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को अपन ने क्या बोला रेजिस्टिविटी बोला

किसी पर्टिकुलर सेल के लिए किसी पर्टिकुलर एपरेटिस कभी नहीं बदलेगा अगर मैं केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ और किसी पर्टिकुलर कोई uh, कांच का कुछ मशीन लेके कर हूँ वो कांच की मशीन की लेंथ और एरिया कभी नहीं बदलेगी जो जो बच्चा तुम आकर के उसमें अपने सॉल्यूशंस भरोगे मैं डालूंगी मेरे हिसाब से एक्सपेरिमेंट के लेकिन वी बोथ विल बी टेकिंग लेंथ एंड एरिया सेम सो इट इज नोन एज सेल कॉन्स्टेंट सो कप्पा इज इक्वल्स टू सेल कॉन्स्टेंट अपॉन आर ठीक है cell constant अपॉन आर एंड टॉकिंग अबाउट इट्स यूनिट इट्स यूनिट विल बी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या साइमन मीटर इनवर्स ठीक है ओम इनवर्स ओम साइमन भी बोलते हैं ना 1 अपॉन रेजिस्टेंस हो गया तो 1 अपॉन रेजिस्टेंस ओम इनवर्स या साइमन और cell constant की यूनिट क्या होती है मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स हमने अभी-अभी प्रूव किया ना कप्पा इज इक्वल्स टू कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी का उल्टा और इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर 1 अपॉन आर हो गया ओम इनवर्स

जब तुम सवाल लगाओगे तो ध्यान से सुनना बेटा हम आपस में बातें नहीं करो हाँ भाई क्या बातें हो रही है जरा नोट्स में ऐड किए जाए एग्जाम्पल्स ये वाले ऐसे एग्जाम्पल स्कूल में लिख लिख के आओगे ना तो फिर तुम्हारे एग्जाम्पल देने पड़ेंगे मुझे आने वाली जेनरेशंस को ये तो तुम्हें समझाने के लिए दिए जाते हैं मैम आप कितने लेक्चर्स लोगे फॉर राइट नाउ आई एव प्लान थ्री तीन लेक्चर्स लूंगी एनीथिंग एल्स तीन लेक्चर्स लूंगी चलो इलेक्ट्रोलिटी <coughs> कंडक्शन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन सबसे पहले मैं कह रही हूँ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन अब मैं बात धीरे धीरे फिजिक्स से केमिस्ट्री की तरफ तुम्हें ड्राइव करके लिखा आऊंगी जब हम तारों की बात करते हैं वायर्स की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस कंडक्टेंस कंडक्टिविटी ये सब क्या होती है मेटेलिक होती है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है जब हम सॉल्यूशंस की कंडक्टिविटी करते हैं तो वो आयंस की वजह से होती है तो अब मैं केमिस्ट्री की तरफ ला रही हूँ मैं सोल्यूशन बनाने वाली हूँ एक बीकर मैंने लिया है एक बीकर मैंने लिया है इसमें मैंने दो इलेक्ट्रोड डिप कर दिए हैं दो इलेक्ट्रोड्स डिप कर दिए प्लस माइनस ठीक है इस बीकर के अंदर मैंने इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन भर दिया है ठीक है ये मैंने इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन भर दिया है अगर मैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन को मोलारिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस करूं मोलारिटी के टर्म्स में यानी मोल्स पर लीटर केमिस्ट्री की तरफ आ रहे हैं बेटा तो ऐसी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी जिसमें इलेक्ट्रोड्स को यूनिट डिस्टेंस अपार्ट रखा गया है ऐसे सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को हम यानी कि मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी जिसका फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इन टू थाउजेंड अपॉन मोलारिटी ये मेन इसका फॉर्मूला है प्लीज ट्राई टू रिमेंबर इट ठीक है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इन टू थाउजेंड अपॉन मोलारिटी फॉर्मूला तुम्हें ये ध्यान में रखना है कि जो कप्पा है, के के है। यू नहीं की तुम्हें क्वेश्चन के अंदर साइमन मीटर इन वर्स में दिया और तुमने चेप दिया साइमन मीटर इन वर्ष में बर्बाद हो जाएगा सवाल ठीक है तो लिख लो इसके साइड में दूनिट ऑफ कप्पाजू बी इन साइमन सेंटीमीटर इन वर्स ठीक है पहली चीज दूसरी चीज इस सॉल्यूशन के लिए व्हाट इज कप्पा एंड व्हाट इज डेलम अगर मैं एक यूनिट वॉल्यूम की एक छोटा सा वॉल्यूम मार्क कर रही हूं मैं इसके अंदर एक छोटा सा वॉल्यूम मार्क कर रही हूं इसके अंदर जितना भी सॉल्यूशन समाया है इस पर्टिकुलर यूनिट वॉल्यूम में जितना भी सॉल्यूशन समाया से इट इज वन सेंटीमीटर क्यूब सपोज जितना भी सॉल्यूशन समाया है उसकी कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होगी भाई फिजिक्स के केस में तो हम वायर लेते हैं ना वायर तो वायर के लिए हम क्या बोलते हैं यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के कंडक्टेंस को हम क्या बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी यहां तो कोई तार तूर है नहीं ना यहाँ तो सोल्यूशन है तो सोल्यूशन के अंदर तुम यूनिट वॉल्यूम की कंडक्टिविटी को क्या बोलोगे पप्पा बोलोगे पूरे सोल्यूशन की कंडक्टिविटी को क्या बोलोगे लैमडेम बोलोगे डिफरेंस समझ में आया एक छोटे से छोटे से एक वॉल्यूम की कंडक्टिविटी को आप क्या बोलोगे कप्पा पूरे सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को क्या बोलोगे लैमडा एम कितनी आसानी से इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है कप्पा कितनी आसानी से इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर करंट फ्लो कर रहा है लैमडा एम आई होप यू हैव गॉट इट यू हैव गॉट द डिफरेंस वेरी करेक्टली एंड लेट अस मूव टुवर्ड्स फॉर्मूलाज नाउ फॉर्मूलाज खाली पेज पे लिख लेते हैं आप लोग भी लिखिए सबसे पहले लिखिए जी स्टार जी स्टार क्या क्या है सेल सेल है है लेंथ अपॉन एरिया ऑफ अ एक apparatus, एक एपरेटस 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 समझते हो लैब के अंदर जो होती यानी कि जो कांच की डिवाइस होती हैं उसका लेंथ और उसका एरिया जिसमें तुम लिक्विड सॉल्यूशन भरने वाले हो लेंथ अपॉन एरिया इट्स अ अंस्टेंट फॉर अ सेल इसको हम क्या बोलते हैं जी स्टार सेकेंड फॉर्मूला हमने पढ़ा कंडक्टिविटी कौन सी आई स्पेसिफिक कंडक्टेंस ये वाली

लिटी समझते हो जिसका रायता क्लास इलेवेंथ में घुसते ही मचा दिया था बुरी तरीके से अपन ने तो नॉर्मैलिटी तो ऐसे सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को लैमडा इक्व बोलते हैं जिसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस इन टू थाउजेंड अपॉन नॉर्मैलिटी नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला होता है एन फैक्टर इन टू मोलैलिटी अगर तुम्हें मोलैरिटी पता हो तो एन फैक्टर क्या चीज है एसिड के अंदर एच प्लस का नंबर और बेस के अंदर ओ एच माइनस आइंस का नंबर एन फैक्टर कहलाता है तो मोलैरिटी गिवन है तो हम नॉर्मैलिटी इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं और डेल इक्स इन टू थाउजेंड अपन एन यानी पूरे सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी जिसकी कंसंट्रेशन नॉर्मैलिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस हो उसको हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहते हैं लेकिन इसके अंदर अगर मैं एक छोटी सी डिबिया नुमा स्ट्रक्चर बनाऊं और इसकी कंडक्टिविटी नापने की कोशिश करूं तो मैं इसको कप्पा बोलूंगी तो कप्पा इन टू थाउजेंड अपॉन नॉर्मैलिटी से आप पूरे सोल्यूशन की इक्वेलेंट कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं थम्स अप इन द कॉमेंट बॉक्स इफ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू सॉल्ट में ऋषभ तिवारी पूछे सॉल्ट में बेटा सॉल्ट में वैलेंसी ठीक है मेटल आयन के ऊपर जो वैलेंसी होती है वो ठीक है बेटा पढ़ाई कर लो थोड़ी तीन क्लासेस थ्री क्लासेस थम्स अप इन द कमेंट बॉक्स एंड लाइक द सेशन क्लियर है वाह मस्त लाइक रखी है पूरी की पूरी चार सौ चालीस शानदार <coughs> हाँ बेटा बिल्कुल खुशी कर सकते हो मैम कैन वी डू दिस बेटा मैं तो बहुत धीरे चल रही हूँ मैं हर बार बहुत आराम आराम से ही पढ़ाती हूँ ठीक है और लेकिन अगर तुमको अभी ये स्पीड फास्ट लगती है तो फिर इट्स योर ओपिनियन तो उस केस में फिर तुम छोड़ देना सेश ठीक है बेटा अगर ये स्पीड फास्ट लगती है मेरी तरफ से मैं काफी स्लो चल रही हूँ चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट <coughs> है कैलकुलेशन uh, ये सब तो हमने कर लिया ये पूरा हमने लिख लिया है अब बेटा सवाल लगाने शुरू हो जाओ फटाफट से कॉपी खोल लो और जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दो क्वेश्चन नंबर वन है जल्दी क्विकली जल्दी से बता दें इसके बाद कुछ नहीं इसके बाद बस रोश लॉ लेंगे और सेशन ओवर सवा दस तक छोड़ दूंगी ट्वेल्थ का न्यू बैच कब से स्टार्ट होगा बेटा अगर तुम इलेवेंथ के एग्जाम से फ्री हो गए हो तो मर्ज हो जाओ वैसे तो जल्दी स्टार्ट होने वाला है फिर भी मर्ज हो जाओ इसी में पढ़ना शुरू कर दो आंसर निकालो जल्दी से मैं आगे से हट रही हूं अभी ना मुझे तो लगता है ये पहले से ही पॉइंट टू फाइव पे ही चल रहे हैं अपन हाँ भाई आंसर निकालो फटाफट क्या पूछा है इसमें

कुशल का खुश खुशहाल का आ गया सूर्यांश का आ गया विभूति का आ गया हरिंदर का आ गया वेरी नाइस nice. काफी बच्चों के आंसर्स आ गए हैं अच्छा इसमें भी अपने आपको मार्क्स देना बेटा हर सेशन में खुद को किया करो ऑनलाइन है सामने बैठे होते मैं नंबर देती तुम्हारी कॉपी में नहीं बैठे हो हम वी विल नॉट मेक एनी डिफरेंस वी ऑन द प्लेटफॉर्म ट्राई टू मेंटेन द डेकोरम ठीक है नंबर दो खुद को ईमानदारी से देना दो नंबर का सवाल है पढ़ाए हुए मैं पूछ रही हूँ तो कपाइन टू आर यूनिट नहीं लिखी आधा नंबर काट लेना तो कप्पा इंटू आर कप्पा क्या चीज है जीरो पॉइंट टू फोर सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस थ्री इन टू थाउजेंड तो यही तो कैंसिल हो गया इसमें कुछ था ही नहीं इज इक्व टू जीरो तो पॉइंट टू फोर सिक्स यूनिट क्या होएगी जी स्टार की लेंथ अपॉन एरिया है ना सेंटीमीटर इनवर्स ठीक है पॉइंट टू क्यों आ गई पॉइंट होगा ना पॉइंट किसने कहा पकड़ो 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 0.246 सेंटीमीटर फाइनल आंसर अगला क्वेश्चन करो नेक्स्ट सवाल करो जल्दी जल्दी क्विकली माय डियर स्टूडेंट्स थैंक यू दुर्गेश कुमार सिंह थैंक यू सो मच स्वदेश पूछ रहे टू जीरो टू टू के लिए कब से शुरू होगा बेटा मेरे ख्याल से यूट्यूब पे अपन आ, जल्दी शुरू कर देंगे एंड अप्रैल में तो हो जाएगा फर्स्ट वीक में है ना ठीक है स्वदेश इधर मार्च लास्ट वीक और अप्रैल फर्स्ट वीक व्हाट इज योर आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सोनिया का आंसर आ गया फोर नाइनटी थ्री थैंक यू भूमिका बिटू नेक्स्ट कौन है हु इज द नेक्स्ट वन टू आंसर थैंक यू जादना सोनिया का फोर नाइन्टी थ्री आ रहा है जबकि योगेश कौशिक का पॉइंट टू फोर सिक्स आ रहा है पॉइंट टू फोर सिक्स पिछले वाले का आंसर है बेटा धार्वी का आ रहा है आंसर आयुष का आ रहा है दिव्यांशी बेटा पॉइंट जीरो फोर 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 आ रहा है लेट मी सी की क्या ज्यादातर बच्चों का फोर नाइनटी थ्री आ रहा है तो लेट मी जस्ट चेक की वॉट इज बिन क्या प्रॉब्लम है द कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी ऑफ इज दिस मतलब कप्पा है ये ऐसे कर लिया करो तुम मैम से इतना तो सीख गए ना स्टाइल स्मोलर कंडक्टिविटी ये कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है और मोलर कंडक्टिविटी होती है लैमडा एम सी लैमडा एम सी मतलब किसी भी कंसेंट्रेशन पे नापी गई कंडक्टिविटी तो लैमडा एम सी को हम कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे कप्पा सबसे पहले बेटा फार्मूला लिखना है क्योंकि फॉर्मूले के नंबर होते हैं तो कप्पा इन टू थाउजेंड अपॉन मोलारिटी आप कप्पा वहां से कॉपी कर लो है ना क्योंकि वो कंडक्टिविटी इज कप्पा तो जीरो पॉइंट वन फोर एट अच्छा रहेगा अगर यूनिट्स भी डाल दो तो इन टू थाउजेंड अपॉन जीरो पॉइंट थ्री जीरो नहीं भूले बेटा ये भी दो नंबर का सवाल है जिसने विद यूनिट आंसर अपनी कॉपी में सही से लिखा है वो अपने आपको दो नंबर देगा जिसने विदाउट यूनिट बस फोरटी थ्री लिख दिया है वो टू में से वन एंड हाफ मार्क्स देगा नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू क्विकली डू इट फटाफट फटाफट करते जाए बहुत सारे सवाल है आज की क्लास में सोनिया यू वर राइट एंड यू वर द फर्स्ट वन टू आंसर वेरी गुड खुशाल बेटा आकृति बोर्ड्स के लिए और जेई के लिए कुछ अलग नहीं होता इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दोनों में कॉमन है मैं एनसीआरटी का बेस स्ट्रॉंग कर रही हूं मतलब मैं बोर्ड्स के लिए पढ़ा रही हूं मैं नीट के लिए पढ़ा रही हूं मैं जेई के लिए भी पढ़ा रही हूँ है ना बेटा इलेक्ट्रो दोनों में है ना तो मैं दोनों के लिए पढ़ रहा हूँ मैं एन पे फोकस कर रही हूँ थैंक यू रोहित कश्यप थैंक यू बेटा मैम आपके पढ़ाने से सब कुछ समझ में आ जाए वरना ये सब्जेक्ट बहुत टफ लगता है नहीं बेटा टफ नहीं लगेगा स्टे स्टे कनेक्टेड विद मी फॉर योर एंटायर सेशन करिए आंसर कितना आ रहा है वेलकम मीत खंडेलवाल ऋषभ तिवारी कह रहे थ्री सिक्स थैंक यू समीक्षा नायक थैंक यू मिर्जा थैंक यू मेरे बच्चों थैंक यू भूमिका तो प्यारे प्यारे कॉम्प्लीमेंट्स करोगे तो फिर मैं क्लास लेते ही जाऊंगी लेते ही जाऊंगी लेते ही जाऊंगी छोड़ूंगी नहीं फिर क्लास कितना आ रहा है तो चलो let us see. Point one है मैंने इतना दिस इज इजार्ट क्या होता है उसका फॉर्मुला लिख दो क्लैरिटी रखोगे ना न्यूमैरिकल कभी टफ नहीं लगेगा उसने तुम्हें मोलर कंडक्टिविटी निकालने बोला उसका फॉर्मुला होता है कप्पा

ठीक है कर लो मैम इनऑर्गेनिक हाँ बेटा इनऑर्गेनिक भी पढ़ाएंगे सब पढ़ाएंगे बिल्कुल चिंता करने का बिल्कुल नहीं ठीक है तो वन फोर्टी थ्री पॉइंट कितना आ रहा है कर लो कैलकुलेट इजी सही है ये तो ये सही कैलकुलेट किया है क्या पॉइंट थ्री सिक्स सेवन डिवाइड ये एक बार चेक भी करना चेक भी करना बेटा वन फोर्टी थ्री आ रहा है हुँ. वन फोर थ्री ये वन फोर थ्री आ रहा है क्या चेक कर लो इसको मतलब इस तरीके से ही होगा ये इतना कोई टफ नहीं है It's very simple. One, one, point one four eight नहीं है ये point one four three है। है ये इसको मिटा देते हैं मैंने गलत लिख दिया It is one point one four three. ठीक है? हाँ? अब ये सॉल्व कर लेना इससे आंसर आ जाएगा एंड बी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स ठीक है बेटा नेक्स्ट ये वाला करो कैलकुलेट द इक्वेल इंट कंड ऑफ टू एम एच टू फोर सोल्यूशनिटी इज दिस तुम लोग सॉल्व करो हम्म hmm. ठीक है कितना आ रहा है नेक्स्ट वाले का ब्लर नहीं है बेटा वो जो तुम्हारा वीडियो चल रहा है उसके ऊपर तीन बिंदु दिख रही होगी उसपे क्लिक करो वहां तो तुम्हें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रेजोल्यूशन दिखेंगे सात सौ बीस पे क्लिक कर दो ब्लर बिल्कुल नहीं है सिक्स पॉइंट टू फाइव आ रहा है मी जस्ट चेक क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर आई विल चेक एंड और... सिक्स पॉइंट टू फाइव इज एब्सोल्यूटली करेक्ट शुड आई टेल यू द मेथड शुड आई टेल यू द मेथड टू एम एच टू एस ओ है हाइड्रोजन का नंबर टू है तो ऐसे में नॉर्मैलिटी होती है ये जो n इन टू मोलैरिटी एन फैक्टर कितना है टू मोलैरिटी कितनी है टू एम सो नॉर्मैलिटी इज इक्वल्स टू फोर एन अब बहुत सिंपल है आपको इक्वल इन कंडक्टिविटी निकालनी है विच इज इक्वल्स टू कप्पा इन टू थाउजेंड अपॉन नॉर्मैलिटी कप्पा की वैल्यू कितनी है हुज कंडक्टिविटी इज दिस ये कप्पा है बेटा टू पॉइंट फाइव इंटू टेन की पावर माइनस टू इंटू थाउजेंड अपॉन नॉर्मैलिटी फोर ठीक है टेन की पावर माइनस टू से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे यानी कि डिवाइडेड बाई फोर कितना .25 unit cm2, uh, है सिक्स पॉइंट टू फाइव यूनिट होगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स है ना इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स ये भी दो नंबर का सवाल है आगे चलते हैं what would be the equivalent conductivity of a cell in which 0.5 n salt solution offers a resistance of 40 ohm whose electrodes are 2 cm apart and 5 cm square in area quickly question number 5 karo fadafat jaldi just mark your answer quickly my dear students and like the session oh priyanka net nahi chal raha स्पेशल uh, क्लास में भी प्रॉब्लम हो रही थी कोई बात नहीं बेटा थैंक यू उत्कृष्ट एम यू आर दैट डायमंड विच शाइन्स इन द डार्क फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स उत्कृष्ट आई एम सो लकी टू गेट सच स्टूडेंट्स इन माई लाइफ जो इतना रिस्पेक्ट करते हैं इतना uh, मतलब इतना लव इतना रिस्पेक्ट जो मेरे स्टूडेंट्स मुझे देते हैं ना वो मुझे और ज़्यादा और ज़्यादा काम करने के लिए मोटिवेट करते हो तुम तुम्हें लगता है ना तुम मुझे मोटिवेट नहीं करते तुम लोग भी बहुत करते हो क्या है? खुशाल कह रहे हैं बी और सबसे पहले खुशाल ने दिया। ने दिया दिया तुषार भी बी दिया है विशाल चौधरी ने सी दिया प्रियंका बी दे रही है सारे बी दे रहे आंसर हर्षु बी दे रहा है पेपर हो चुका है अगला करेंट फटाफट 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 जल्दी 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 मजा आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं मैं आगे से हट चुकी हूं जल्दी से आंसर माफ करें तरुषी कह रही है बी प्रिया कह रही है बी आज कितना कवर होगा प्रवीण कुमार पूछ रहे बेटा आज कुल रोश लॉ तक कवर करने की कोशिश करूंगी सवा दस तक जितना कवर हो जाएगा टेन फिफ्टीन तक जितना कवर हो जाएगा मेरे हिसाब से मैं कुल रोश कवर करूंगी फिर ऑर्गेनिक क्विज लूंगी बी लग रहा है मिर्जा तो बिल्कुल सही बी इज द करेक्ट आंसर सारे बच्चों का बी आ गया तो दस नंबर का पेपर यहाँ तक हो चुका है मोलर कंडक्टिविटी इतना की इफ इट्स कंडक्टिविटी बेटा कप्पा दे रखा है कप्पा दे रखा है कॉन्ट्रेशन दे रखी है आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है इज़ डायरेक्ट फॉर्मुला दो सौ चार ठीक है फाइनल तो नेक्स्ट अब हम पढ़ रहे हैं रोश की तरफ बढ़ रहे ठीक है हम पंद्रह मिनट अब थ्योरी पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे वापस से एक बार

क्शन वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद कंसन कुछ नया भी पढ़ाने वाली हो तुम एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में कंडक्टिविटी मेजर कर रहे हो मतलब ईज विद विच द करंट कितनी आसानी से करंट बह जाता है वो मेजर कर रहे हो और अब सोचो कि हम उसमें पानी डालें पानी डालें और अब उसकी कंडक्टिविटी हम मेजर करें यही अभी का टॉपिक है कि कंडक्टिविटी पे क्या असर पड़ता है कंसंट्रेशन uh, के साथ ठीक है तो कब रिफर्स टू मैंने तुम बताया था ना वन सेंटीमीटर क्यू एक बीकर के अंदर छोटी सी डिबिया ले ली हमने एक बीकर के अंदर छोटी सी डिबिया ले ली इस डिबिया ये डिबिया क्या है वन सेंटीमीटर लेंथ वन सेंटीमीटर हाइट वन सेंटीमीटर तो इसकी कंडक्टिविटी को हमने कप्पा बोला है अगर मैं एक सोल्यूशन लेती हूँ अगर मैं पूरे बीकर में भरा हुआ सोल्यूशन लेती हूँ इस डिब्बी को जरा नीचे शिफ्ट करते हैं देखो ध्यान से सुनना जो पहली बार पढ़ रहा है वो भी जो दोबारा पढ़ रहा है वो भी आधा भरा हुआ बीकर है इसमें एक छोटी सी डिबिया की कंडक्टिविटी हम मेजर कर रहे हैं अब मैंने इसमें पानी डाल दिया इसे मैंने पानी डाल दिया पानी डालते ही जितने भी चार्ज कैरियर्स तुम्हें पता ना केमिस्ट्री के अंदर सॉल्यूशन के अंदर आयंस चार्ज कैरियर होते तो पता होगा तुम्हें आयंस यहां से वहां वहां से वहां मदमस्त घूमते हैं तो वो कंडक्टिविटी को कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं तो इसके अंदर भी क्या है आयंस जो कंडक्टिविटी को कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पर जैसे ही जैसे ही मैं इसमें पानी डाल के इसके कंसनट्रेशन को हाफ या वॉल्यूम को डबल कर देती हूँ तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स जो कि इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में आ रहे थे वो कम हो जाएंगे बहुत सिंपल सी बात है एक जेब में मैंने बहुत सारे नोट वो ठूस रखे हैं और मुझे लग रहा है ये जेब बहुत मोटी हो रही है तो मैं आधे नोट इसमें डाल दूंगी आधे इसमें अपने आप अप डाइल्यूट हो जाएगा या मैंने बहुत सारे टॉफीज डाल रखी अपने पॉकेट में या चॉकलेट डाल रखी है तो मैं आधी चॉकलेट इधर आधी इधर आधे एरिया बढ़ते डायलूट हो जाता है ठीक है तो इस पर्टिकुलर डिबिया में नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कम हो जाएंगे और क्योंकि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कम हो जाएंगे कप्पा भी कम हो जाएगा कंक्लूजन कप्पा डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन आप पानी डालेंगे कप्पा कम होगा क्योंकि चार्ज कैरियर्स कम होंगे समझ में आया सबको सी इज द राइट आंसर क्या मेरे पास बी रिपोर्टेड है पिछले वाले का रिपोर्ट तुम कैलकुलेट कर लो बेटा जो भी आए है, है ना कैलकुलेट कर लो कप्पा कितना दे रखा है मैं कैलकुलेट करूंगी जीरो पॉइंट जीरो हाँ वन जीरो ना फिर थैंक यू सोनिया बेटा पॉइंट पॉइंट है ना तो फिफ्टी डिवाइडेड बाई पॉइंट करोगे ना तुम ठीक है ठीक है ठीक है कैलकुलेट कर लो कोई दिक्कत की बात नहीं है आगे कॉन्सेप्ट ध्यान दो अभी वो तो माइनर कैलकुलेशन है कॉन्सेप्ट ध्यान दो विद द इंक्रीज इन डाइल्यूशन नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कम हो जाएंगे इस डिबिया में और कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी हाँ बेटा मैंने करेक्शन करवा दिया हाँ खुशाल मैं उसका आंसर सीखा मैं कितनी देर से चिल्ला रहा हूँ बेटा मैं चैट बॉक्स अब ही नहीं मैं पढ़ाने में ध्यान है ना फाइनली करवा दिया छोटे से कैलकुलेशन के हाथ धो करके पीछे पड़ गए हो हैं सोनिया ने मेरे को सोनिया का कमेंट दिख गया बस कल खत्म समझ में आ गया करेक्शन कर दिया ठीक है सी होगा लास्ट का मैं कितनी देर से चिल्ला रहा हूँ सारे बच्चों कितनी देर से कितनी देर से कितनी देर से अरे मैं चैट बॉक्स देख ही नहीं रही थी बेटा तुम्हारी तरफ देख रही थी तुम्हारी तुम्हारी तरफ देख रही थी चैट बॉक्स की तरफ नहीं देख रही थी ठीक है हाँ हाँ हा, सी है सी है सी है तो चलो कप्पा कम होगा आगे बढ़ते हैं अब कप्पा की बात तो हो गई मोलर कंडक्टिविटी की बात कर लेते हैं मोलर कंडक्टिविटी तो पूरे सोल्यूशन की प्लीज पे अटेंशन ना मोलर कंडक्टिविटी तो पूरे सोल्यूशन की कंडक्टिविटी होती है ना मोलर कंडक्टिविटी तो पूरे सोल्यूशन की कंडक्टिविटी होती है ठीक है अब पूरे सोल्यूशन की कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें और तुम उस सोल्यूशन में पानी पटक दोगे तो क्या हो जाएगा तुम वो सोल्यूशन में पानी पटक दोगे तो पूरे सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा वो बढ़ेगी क्योंकि जब तुम पानी पटकोगे तो घूमने के लिए उसको वॉल्यूम ज्यादा मिलेगा ना पहले इतना पानी था या सॉल्यूशन इतना था तुमने पानी डाल के सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ा दिया मतलब जैसे एक खेल का मैदान है क्रिकेट खेल रहे हो छोटी सी पिच है परेशान होके खेल रहे हो टक करके भागते हो रन लेने के लिए तो जरा सा भागने पर वो आ जाता है ठीक है फिर वापस भाग तो मजे ही नहीं आ रहे हैं किसी ने तुम्हें बोला है काम कर मैदान बड़ा करते हैं बड़े मैदान में खेलो तो, तो, तो क्या होगा मोबिलिटी के साथ क्या होगा मोबिलिटी बढ़ जाएगी पिच बड़ी कर दी ना मस्त तो भाग रहे हो रन लेने के के तो के लिए के लिए लिए ठीक है तो पे भी इलेक्ट्रॉन्स आयंस हमने पिच बड़ी कर दी मस्त तो घूम रहे हैं मतलब मोबिलिटी बढ़ रही है आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू मस्त घूम रहे हैं क्योंकि मोबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो जैसे हम अगर बात किसकी करते हैं मोलर कंडक्टिविटी की बात करते हैं

रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ है तो अगर मैं ग्राफ इसका खींचूंगी तो आएगा ये y इज इक्ल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी वाई इज इक्वल टू माइनस माइनस एम एक्स प्लस सी अब तुम ये देखो कि इसका स्लोप नेगेटिव है पता है ग्राफ आते हैं स्लोप नेगेटिव है नेगेटिव स्लोप है तो नीचे उतरता हुआ ग्राफ है नीचे उतरता हुआ ग्राफ है इंटरसेप्ट क्या है डेल एम नॉट तो देखो यहाँ पे मार्क किया हुआ है तुम्हारा डेल एम नॉट ये डेल एम नॉट हो गया

स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को आप डिफाइन ही ऐसे करते हो द इलेक्ट्रोलाइट विच इज ऑलरेडी डिसोसिएटेड इज नोन एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अब तुम तो उसमें पानी डालोगे तो उससे नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स नहीं बढ़ेंगे लेकिन क्या होने वाला है पानी डालने से उनके क्रिकेट की पिच बड़ी हो जाएगी तो भागेंगे बहुत शानदार वो यानी मोबिलिटी बढ़ेगी अब मोबिलिटी भी बढ़ती है तो भी तो कंडक्टिविटी बढ़ती है यार सॉलिड एन क्यों इंसुलेटर होता है क्योंकि उसके आयंस में मोबिलिटी नहीं होती है और मोल्टन क्यों कंडक्टर होता है क्योंकि उसके आयंस मोबाइल होते हैं विच मीन की यार कंडक्टेंस जो है वो मोबिलिटी पर डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन भी तो चलते फिरते हैं तभी तो कंडक्टेंस को कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं तो यहाँ आयंस का भी कॉन्ट्रीब्यूशन वैसे ही होगा तो जैसे ही तुमने बाल्टी आधी भरी थी बाल्टी पूरी भर दी तो आयंस के लिए तो बड़ा मजेदार पिच होगी मोबिलिटी बढ़ गई मोबिलिटी बढ़ी कंडक्टिविटी बढ़ी कंडक्टिविटी बढ़ी तुम पानी और डाले मतलब कंसनट्रेशन और कम की तो ये देखो कंडक्टिविटी बढ़ी कंडक्टिविटी बढ़ी कंडक्टिविटी बढ़ी तुमने कुछ रीडिंग्स नोट की तुम बोलोगे तुमने कहा अरे भाई और रीडिंग्स नोट नहीं करनी है हमको अब मैं एज अ टीचर तुमको पूछती हूँ कि वॉट इज द मैक्सिमम लिमिट सुपर कंडक्टर थोड़ी हो जाएगा पानी पटकते जा रहे हो कंडक्टिविटी बढ़ती जा रही पानी पटकते जा रहे हो क्या नदियां बहा दोगे क्या क्या करोगे कोई तो लेवल आएगा जहां इसकी कंडक्टिविटी इसकी हैसियत के हिसाब से चरम पे पहुंच जाएगी कि इससे ज्यादा कंडक्टिविटी ये नहीं दे सकता तो तुमने कहा मैम कौन पानी पटकता रहेगा कौन बार बार कंडक्टिविटी नोट करता रहेगा हम तो स्मार्ट बच्चे हैं तो हम इसी ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे और जीरो कंसेंट्रेशन पे ले आएंगे क्योंकि जीरो कंसेंट्रेशन का मतलब ही क्या हो जाएगा जीरो कंसेंट्रेशन का मतलब हो जाएगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब नदियां बहा दी तुमने कंसेंट्रेट इतना पानी पटक गया इतना पानी पटक गया कि प्रैक्टिकली उसकी कंसेंट्रेशन ही जीरो हो गई यानी उसमें सॉल्यूट ना के बराबर रह गया इज दैट क्लियर इज दैट क्लियर टू एवरीवन वन तो उसमें सॉल्यूट कैसा रह गया ना के बराबर रह गया तो तुमने स्मार्टली एक्ट किया और तुमने कहा हम तो ग्राफ एक्सेप्ट प्लॉट कर देते हैं हम ना पानी पटक रहे हमसे ना हो पाएगा ठीक है तो ये तुमने ग्राफ एक्स्ट्रा प्लॉट कर दिया और ये जो वैल्यू आई है ये जीरो कंसनट्रेशन पे आई है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आई है दिस इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी विच इज ऑल्सो नोन एज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अब मैं तुमसे कह रही हूँ कि ये जो ग्राफ खींचा हुआ है ये हकल टॉन्स इक्वेशन के बेसिस पे है जिसको हम बोलते हैं डेलम में भी जेई में काम में आ सकता है नीट में काम में आ सकता है डेल एम इजिकल्स टू डेल एम नॉट प्लस माइनस ए सी ए कॉन्स्टेंट है वो सोल्यूशन के डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट और उसके विस्कॉसिटी पर डिपेंड करता है तो इतना तो मैं डिटेल में नहीं जाना बट क्या ये इक्वेशन वाई इजिकल्स टू माइनस सी जैसी दिख रही है विच मीन्स की वाई ये रहा वाई डेल एम वर्सेज खींचा ना तुमने ग्राफ डेल एम वर्सेज रूट ऑफ सी सी रूट ऑफ सी दिस इज रूट ऑफ सी ठीक है तो तुमने खींचा तो स्लोप नेगेटिव आया तो ये ग्राफ नीचे उतर रहा है और इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट की वैल्यू डेल एम नॉट है मतलब ये जो इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या कहलाती है ये ये की वैल्यू कहलाती थी। है 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 इंटरसेप्ट ठीक तो दिस इज ऑन से सेगर इक्वेशन पे बेस्ड ग्राफ है और ये स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है फिर मैं कह रही हूँ व्हाट अबाउट वीक इलेक्ट्रोलाइट मी एज ए टीचर तुमसे पूछती है वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में एक्सप्लेन करो बोले मैम वीक इलेक्ट्रोलाइट में खासियत ये थी कि वो पूरा डिसोसिएट ही नहीं हुआ था तो पानी डालने से क्या हुआ पानी डालने से ना केवल उनको पिच बड़ी बड़ी मिली उनको खिलाड़ी भी ज्यादा मिले जब इनमें पानी डाला तो ना केवल इनके पास स्पेस बढ़ गई इनको खिलाड़ी भी ज्यादा मिले पता है क्यों क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट तो कंप्लीटली डिसोसिएट डिसोसिएट होते है, नहीं, होते नहीं पार्शियल और तुम पानी पटकते जाओगे पटकते जाओगे पटकते जाओगे तो उसका डिसोसिएशन होगा आई होप यू नो दैट पानी के पटकने से वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन बढ़ता है तो खिलाड़ी भी बढ़ रहे हैं और पिच का साइज भी बढ़ रहा है तो रन तो पड़ेंगे ही छक्के चौके तो लगेंगे ही समझे इसका मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में तेजी से बढ़ेगी क्योंकि तो बढ़ दूसरा कौन सा पानी डालने से जो इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट नहीं हुआ था वो भी डिसोसिएट होने लगा है तो चार्ज कैरियर्स का नंबर भी बढ़ गया तो चार्ज कैरियर्स का नंबर भी बढ़ गया और उनके खेलने का स्पेस भी बढ़ गया तो फिर मो... कंडक्टिविटी तो बढ़ेगी ही तो बड़ी ऐसी कि बिल्कुल मतलब ऐसी अब मैं पूछती हूँ बोलो लिमिटिंग निकालो स्टूडेंट्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मतलब जो खूब सारा पंड डालने पर जो उसकी एक्सट्रीम वैल्यू आती है मैक्सिमम द मैक्सिमम विच इलेक्ट्रोलाइट कैन कॉन्ट्रीब्यूट तुम कहते हो मैम वो कैसे पता लगाए पिछले ग्राफ में तो हमने एक्स्ट्रा प्लॉट कर लिया था हम होशियार बन गए थे इसको कैसे एक्स्ट्रा प्लॉट करें तो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वाई एक्सिस के पैरेलल जा रहा है इसको कैसे हम एक्स्ट्रा प्लॉट करें हम कैसे बताए कि जीरो कंसंट्रेशन पे क्या कंडक्टिविटी होगी ये तो ऐसे एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है फंस गए यही तुमको निकालने के लिए इस दिक्कत से इस प्रॉब्लम से कौन आया कोलोरोस आया ठीक है तो मीन वाइल जस्ट आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन द मोलर कंडक्टिविटी इज मैक्सिमम फॉर द सोल्यूशन ऑफ कंसेंट्रेशन द मोलर कंडक्टिविटी इज मैक्सिमम फॉर द सोल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्विकली स्टूडेंट्स ये तुम चुपचाप बैठे हो कि ये चैट रुकी हुई है इतने तो चुप नहीं रहते तुम्हें हम्म बी सो सोनिया ज्योतिका दिव्यांगी बिल्कुल तो करेक्ट आंसर है बी क्योंकि जितना कम कॉन्सेंट्रेशन होगा ना उतनी ही ज़्यादा बेटा मोलर कंडक्टिविटी होगी जितना कम कॉन्सेंट्रेशन होगा उतनी ही कम मोलर कंडक्टिविटी होगी है ना मोलर कंडक्टिविटी की बात पूछो ना हमेशा ही जब तुम पानी डालोगे वो बढ़ती है स्ट्रॉन्ग के लिए भी बढ़ती है वीक के लिए भी बढ़ती है समराइज कर दे टू टाइप ऑफ कंडक्टिविटीज़ यू हैव स्टडीड वन इज कप्पा वन इज मोलर कंडक्टिविटी कप्पा डिक्रीज विद पानी डालना बिकॉज विद डायल्यूशन नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इन पर्टिकुलर छोटी सी डिबिया डिग्रीजेस एक छोटे से घरों में एक छोटे से घराने में एक छोटे से वॉल्यूम में नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कम हो जाएंगे जैसे ही तुम पानी डालोगे इसलिए कंडक्टिविटी कब हमेशा गिरेगी लेकिन वॉट अबाउट डेलम वो हमेशा बढ़ेगी क्योंकि तुम तो पूरे सोल्यूशन की कंडक्टिविटी है तुम पानी डालोगे चार्ज कैरियर्स भी बढ़ सकते हैं मोबिलिटी तो पक्का बढ़ेगी फिर उसका फर्दर क्लासीफिकेशन है फॉर वीक और स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग के केस में धीरे बढ़ती है स्ट्रेट लाइन फॉर्म में वीक के केस में डबल इंपैक्ट चार्ज कैरियर्स भी बढ़े मोबिलिटी बढ़ी है से बढ़ गई ठीक है तो हम फंस ये गए कि हमसे लिमिटिंग कंडक्टिविटी यानी नॉट अब दो चीजें आ गई हैं एक होता है डेल एम सी और एक होता है डेल एम नॉट व्हाट इज डेल एम सी किसी पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे निकाली गई मोलर कंडक्टिविटी को हम डेल एम सी बोलते हैं जिसका फॉमुला होता है कप्पा इन टू थाउजेंड अपॉन एम लेकिन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मतलब इतना पानी डालो इतना पानी डालो इतना पानी डालो कि उसके बिल्कुल मैक्सिमम सामने आ जाए कि एक्सट्रीम क्या है उस इलेक्ट्रोनिटिक सॉल्यूशन की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो मैक्सिमम कंडक्टिविटी आती है उसको हम डेलम नोट कहते हैं ठीक है थीके? उसकी एक्सट्रीम कंडीशन क्या वो कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है टूवर्ड्स कंडक्टिविटी वो डेलम नोट है किसी भी कंसेंट्रेशन पे कितना कर रहा है वो डेलम सी है ठीक है तो आगे चलते हैं सेल कॉन्सेंट ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल सेल कॉन्स्टेंट ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल क्विकली हाँ फिर खुशहाल का दोस्त कुलरोश आया कुलरोश की स्पेलिंग भी मुश्किल खुशहाल की स्पेलिंग नाम की स्पेलिंग भी मुश्किल डी शाबाश बच्चों वेरी गुड थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस इसकी मैं क्यों करवाती हूँ क्योंकि तो बोर्ड इस बार बोर्ड्स में ऑब्जेक्टिव टाइप आने के चांसेस है ना इसलिए मैं करवाती रहती हूँ अब आए भाई कुलरोश अंकल

तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा डालेंगे तो वीक भी को करके उसकी स्पीड को कम करने की कोशिश करे या इसी तरह से ऑपोजिटली चार एक दूसरे की स्पीड को कम करें या टकराने की वजह से स्पीड कम हो जाए लेकिन जब हम बहुत ज्यादा पानी डालते हैं तो कुल रॉश अंकल कहते हैं कि हर आयन अपना अपना मैक्सिमम देता है मैक्सिमम और सारे आयन्स के मैक्सिमम जो दे रहे हैं अपने इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन को सम अप करोगे ना तो तुम्हारे पास उस इलेक्ट्रोलाइट का मैक्सिमम कंडक्टिविटी आ जाएगा आई विल शो यू हाउ ये इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट है लॉ बोर्ड्स में अगर आता है तो आपको लॉ भी लिखना है मैथमेटिकल स्टेट मतलब ये इस तरह का एक्सप्रेशन भी लिखना है भले पूछे भले ना पूछे प्लीज बी क्लियर पूछे या नहीं पूछे बोर्ड्स में आपको लॉ भी लिखना है आपको ये स्टेटमेंट भी लिखना है नहीं तो आंसर में वट नहीं पड़ेगा वैल्यू एडिशन करनी है आंसर की ठीक है अब ये है क्या चीज एग्जाम्पल समझते हैं सपोज करो तुम बी ए सी एल टू बी ए सी एल टू तो पहले तो तुम इलेक्ट्रोलाइट को डिसोसिएट करना बी ए टू प्लस प्लस टू सी एल माइनस इसके लिए कोई रॉश लिखना है तो हम कह रहे हैं कि लेमडा एम नॉट विच इज इस इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फानेट डाइल्यूशन इज इक्वल टू कितना बेरियम है एक बेरियम है तो लैमडा नॉट बेरियम small लैमडा नॉट बेरियम प्लस टू लैमडा नॉट क्लोराइड आयन समझ में आया मैंने क्या किया <clears throat> समझ में आया बेटा मैं ये कह रही हूँ परिवार का हर सदस्य अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दे तो पूरे के पूरे परिवार का मैक्सिमम निकल के आता है मेरा भी एक परिवार है और तुम हो मेरा परिवार तुम भी अपना मैक्सिमम एफर्ट डालो बोर्ड्स की पढ़ाई में हर बच्चा हर एक स्टूडेंट जो उससे बन पड़े अपने करियर मेकिंग के लिए वो वो करे तो मोनिका मैम का जो बैच है जिस पे हम तुम मिलके मेहनत कर रहे हैं उसका मैक्सिमम आउटपुट निकल के आएगा पता लगेगा एकदम ब्लास्ट की तरह की यार साढ़े तीन सौ चार सौ बच्चे रेगुलर पढ़े या पांच सौ बच्चे रेगुलर पढ़े मोनिका मैम से उन पांच सौ में से इतने सारे बच्चों के नाइनटी फाइव से ऊपर नंबर है ब्लास्ट की तरह आएगा तो हर इंसान जब अपना अपना मैक्सिमम देगा तो फैमिली का कॉन्ट्रीब्यूशन भी कैसा आएगा मैक्सिमम आएगा आई बात समझ ठीक है कुशहाल क्या बोल रहे हैं मगर ग्राफिकली देखा देख जाए तो डेलम नॉट फॉर वीक इलेक्ट्रोड डजेंट एग्जिस्ट फुल रॉश से कैसे निकल वही तो बता रही हूँ कुशहाल पेशेंस तो रखो बेटा वही तो बता रही हूँ सुनो तो सही ठीक है हम्म तो ये हो गया हमारा इसी तरीके से तुम ले लो उसका एक और एग्जांपल ले लो एन ए इसका होल थ्राइस पहले इसको डिसोसिएट करो ठीक है इसको डिसोसिएट करो तो डिसोसिएट करो नहीं होल थ्राइस क्यों हो जाएगा एन फोर होगा ना गलती कर दी हमसे एन ए टू एस फोर अब डिसोसिएट करोगे तो क्या होगा टू एन ए प्लस प्लस एस फोर टू माइनस ठीक है अब इसके लिए कोलरॉश लिखोगे तो कैसे लिखोगे डेल नॉट एम फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग इज टू नॉट एन ए प्लस प्लस नॉट सल्फेट आयन तो ये कोलोरास कहता है कि हर आयन जब अपना अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन देता है हर आयन जब अपना अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन देता है तो पूरे इलेक्ट्रोलाइट का भी मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी निकल के आता है परिवार का हर सदस्य जब अपना मैक्सिमम एफर्ट लगाएगा तो वो परिवार की ग्रोथ भी चरम पे होगी मोनिका मैम के बैच जो कि मोनिका मैम का परिवार की तरह है उसका हर बच्चा अगर अपनी पूरी मेहनत और लगन से पढ़ाई करेगा अपना मैक्सिमम एफर्ट लगाएगा तो मोनिका मैम के बैच के जो रिजल्ट आएंगे ना वो भी ऐसे बम करते हुए आएंगे मतलब मैक्सिमम समझे बात को यही कोलरोश ने कहा अब कोलरोश हमारी किस तरह से मदद करेगा वीक वीक इलेक्ट्रोलाइट में पंगा गया था ग्राफ ऐसे चला गया था ना हम नहीं निकाल पा रहे थे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हम नहीं निकाल पा रहे थे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी समझ गए उसकी मैक... किसी इलेक्ट्रोलाइट की मैक्सिम कितनी बस की है वो हम ग्राफिकली नहीं निकाल पा रहे थे ठीक है अभी ना क्या कह रहे हो बिट्टू हम्म पढ़ लो यार तुम्हें क्या पता नहीं आपस की बातें करते रहते हो पढ़ते नहीं हो ढंग से फिर कैसे हमारा परिवार अपना मैक्सिमम रिजल्ट लाएगा ऐसी बातें चलती रहेंगी तुम्हारी आपस की तो हम्म कंडक्टिविटी ऑफ का तरीका सुनना जैसे कोई वी एसिटिक एसिड वी इलेक्ट्रोलाइट है सी एच थ्री सी डब्ल्यू एच अब ग्राफिकली तो मुश्किल है निकालना ठीक है ग्राफिकली तो मुश्किल है तो मैंने पहले इसको डिसोसिएट कर दिया सी एच थ्री सी डब्ल्यू माइनस प्लस एच प्लस मैंने इसको डिसोसिएट कर दिया अब इसके लिए मैं कोलोराश लॉ लिख रही हूँ तो कैपिटल लेमडा नॉट एम इज इक्वल्स टू स्मॉल लेमडा नॉट सी एच थ्री मतलब एसिटेट आयन एक सदस्य है और हाइड्रोजन आयन दूसरा सदस्य है इन दोनों की लिमिटिंग आयोनिक कंडक्टिविटीज के सम के बराबर है एसिटिक एसिड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मतलब परिवार के सदस्य के मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन के बराबर है इस परिवार का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन अब मैथमेटिक्स में ना किसी भी सेम चीज को एड और सब्ट करना अलाउड होता है तो वॉट आई विल ट्राई टू डू मैं इसमें एक पंगा करने वाली हूँ मैं इसमें सेम इलेक्ट्रोलाइट एड और सब्ट्रैक्ट करूंगी पहले मैं एन ए करूंगी और सी एल माइनस भी एड करूंगी फिर मैं इन्हें मतलब सब ट्रैक करूंगी और सी एल माइनस भी सब्ट्रैक्ट करूंगी एड कर दिया दोनों चीजें मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी ठीक है सब्ट्रैक्ट ऑल राइट right. अब मैं जोड़ियां बनाऊंगी जोड़ियां बनाने का खेल खेलेंगे अब. ठीक है नाउ वी विल मेक पेयर्स का क्वेश्चन भी आता है कंफ्यूज करने बेटा हर्ष राजू सेम क्वेश्चन हो गया ठीक है अब मैं जोड़िया बनाऊंगी और ये क्योंकि मेरे पास टोटल आयंस हैं मैं उठ तरीके से दो दो को ज्वाइन कराऊंगी और मेरा मोटिव ये होगा कि मेरे पास जो भी इलेक्ट्रोलाइट बने वो इस बार स्ट्रांग बने तो मैं सी एच टी सी डब्बल्यू एन ए को ज्वाइन कर देती हूँ इन दोनों को ज्वाइन करने से मेरे पास बन रहा है देखो लैमडा नॉट सोडियम एसिडेट सी एच टी सी डब्ल्यू एन ए विच इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ठीक है अब मैं ज्वाइन करती हूँ एच सी एल मतलब हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन जो इसको हम समप कर देते हैं कोलरॉश के अकॉर्डिंग हम ऐसा कर सकते हैं तो डेल नॉट एच सी एल फिर मैं एन को ज्वाइन करके माइनस कर देती हूँ ये लेमडा नॉट एनए क्योंकि मेरे पास में अब तीनों की मतलब स्ट्रोंग के टर्म्स में वीक का फॉर्मूला आ गया है वीक का फॉर्मूला तुम निकाल रहे हो इन टर्म्स ऑफ स्ट्रोंग ठीक है तुम वीक का मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू इनफाइनेट डाइल्यूशन पे नहीं निकाल सकते तो तुमने तिगड़म लड़ा के वीक को स्ट्रॉन्ग की टर्म्स में फॉर्मूला डेवलप कर लिया अब तुम इसका निकाल सकते हो ग्राफिकली खुशहाल इसका निकाल सकते हो इसका निकाल सकते हो और या फिर तुम किसी कॉन्स्टेंट्स की किताबों में strong के वैल्यूज गिवन हो तो इनमें जस्ट पुट करके आप वीक का निकाल सकते हैं तो आपको कोई एक्सपेरिमेंट करके तो निकालना नहीं होता है आपको तो बोल दिया जाता है भाई इन तीन की यही कंडक्टिविटी है वैल्यूज हैं इनफाइन डाइल्यूशन पे आप इसकी निकालो तो आपको मैथ करनी होती है आपको कोई एक्सपेरिमेंट थोड़ी करना होता है आपको मैथमेटिक्स करनी होती है कि यार इन तीनों में क्या ऐसा रिलेशन है कि इसकी कंडक्टिविटी आ जाए तो उसको करने का मेथड समझते हैं इस कुल रॉश लो का सवाल कर रहे हैं

हाँ आ, शिक्षा कुमारी पूछ रही मैम कौन, कौन सा सॉल्ट ऐड होगा कौन सा माइनस अभी सिखाऊंगी बेटा है ना अभी सिखाऊंगी हाँ अभिनव बोलो नहीं नहीं धारवी हमेशा एनएसएल प्लस माइनस नहीं करेंगे अब अगले दस मिनट में तुम एकदम अगर अटेंशन पे करोगे ना तो तुमको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे करना है हाँ अभिनव बोलो भाई जल्दी जल्दी थैंक यू अनुजा थैंक यू, यू सो मच बेटा सो वेरी मच कुलराज अंकल ने कहा लाइक कर देना सचिन को <laughs> अब कुलराज अंकल की बात तो मान लो बच्चों हाँ ओके okay, वैद्य ही बेटू कुलराज अंकल की बात तो मान लो सौ छह सौ थैंक यू बोलना बनता यार चलो आंसर भी क्या शाबाश अब देखो कुछ बच्चे नए जुड़े ना हमारे साथ उनको मुझे ढंग से समझाना पड़ेगा जिनको आ गया ना

परिवार के सदस्यों के कॉन्ट्रीब्यूशन के सम के बराबर परिवार का कॉन्ट्रीब्यूशन आता है यानी कि लिमिटिंग आयोनिक कंडक्टिविटीज के सम के बराबर लिमिटिंग ओला कंडक्टिविटी आती है अब तुम्हारे लिए एक ट्रिक बता रही हूँ एन OH, तुम्हें क्या पता क्या ऐड करना है क्या सब ट्रैक्ट करना है एनएच फोर OH, ओ एच काटो एन एच फोर एन एच फोर यहाँ से कॉमन जहाँ काट दो OH ये रहा काट दिया अब कौन सी चीज़ है जो बेटा बच गई ये ट्रिक है ये मोनिका मैम की ट्रिक है मेरे बच्चों को आती है इनको मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ क्या बचा NaCl बच गया ये एड और सबट्रैक्ट होगा तरीका समझे NH4OH को मैंने NH4 यहाँ काट दिया रिपीट द मेथड OH माइनस यहाँ काट दिया दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट में से एक-एक चीज कट गई है तो मेरी एक ट्रिक है कि जो चीज बिल्कुल नहीं कटी ना वही होती है जो एड और सबट्रैक्ट होती है तो एड और सबट्रैक्ट करेंगे NaCl λ0 Na+ आ रहा है मजा क्या प्लस λ0 Cl- माइनस λ0 Na+ जोड़िया क्या बनानी जोड़ी है और एन ए सी एल तीसरी है अब मैं इतना लैमडा लैमडा नहीं लिख रही एक बार को या लिखती हूँ यार बच्चों को गलत नहीं सिखाना चाहिए डेल नॉट अब मैं इन दोनों को कंबाइन ना स्मॉल ऑफ एन एच फोर प्लस एन एन ए प्लस को तो क्या बन जाएगा कैपिटल फॉर एन एच फोर सी एल बन जाएगा प्लस एन एच को कंबाइन करूंगी छोटे को combine करूंगी तो बड़ा लैमडा बन जाएगा को combine करूंगी, तो बड़ा लैमडा बन जाएगा तो हुई है पुट करके आंसर निकालना और मेरे पास जो आंसर रिपोर्टेड है वो है टू फिफ्टी वन साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स टू फिफ्टी वन साइमन सेंटीमीटर इनवर्स समझे थम्स अप अगर समझ में आ गया है तो थैंक यू केमिस्ट्री मतलब एनदी नाम अगला करो मोलर कंडक्टिविटी था क्या पहले वाला नहीं अलग अलग अब तुम्हें अगेन एसिटिक एसिड निकालना है एसिटिक एसिड जो तुम्हें निकालना है ना पहले उसको दिमाग में रखो सी एच थ्री सी को काटा h को काटा बेटा जिस जिस को नहीं आता था उसको मेरे ख्याल से अब क्लियर हो रहा होगा

सी एच थ्री सी डबल ओ एच इजिकल टू स्मॉल लैमडा सी एच थ्री सी डबल ओ माइनस प्लस स्मॉल लैमडा एच प्लस इसमें तुम्हें क्या एड और सब करना है एन ए सी एल एन ए सी एल तो बचा कटने से वार से कौन बच गया एन ए सी एल तो एन ए प्लस एड होगा छोटा लैमडा एन ए प्लस छोटा लैमडा सी एल माइनस एड कर दिया

एच प्लस और सीएल करोगे तो बनेगा बड़ा <coughs> N और CL के छोटे को कंबाइन करोगे तो बनेगा बड़ा वैल्यूज कर दो तीनों की गिवन है फाइनल आंसर क्या आ रहा है कितना आ रहा है थ्री नाइनटी ही शाबाश बहुतों का होगा मेरी नजर में वैदही का कैलकुलेट डेल एम नॉट फॉर एन एन एच फोर ओ एच दिस थोड़ा ऐसे लिखा मैं लिख देती हूँ सही से बी ए सी एल टू एन एच फोर सी एल एंड बी ओ एच टू अब निकालना किसका एनएच फोर से ये भी मैं यहाँ लिख देती हूँ बी एच का होल्ड वाइस किसका निकालना है वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है एनएच फोर ओ एच है वीक इलेक्ट्रोलाइट एनएच फोर ओ एच है ये कट है एन एच फोर और ये घटा हो एच मतलब कौन बार से बच गया बीएसीएल2 बच गया यानी ऐड और सबट्रैक्ट इस बार कौन होगा बीएसीएल2 मतलब हर बार NaCl ऐड और सबट्रैक्ट नहीं होता है तुम तो जो वीक वाला इन इलेक्ट्रोलाइट्स में कॉमन हो कॉमन काट दिया करो जो तुम्हारे बार से बच जाए वही वो, वो है जो ऐड और सबट्रैक्ट होगा ये किसी किताब में नहीं लिखा ये एक्सपीरियंस से आती है चीजें ठीक है हां चढ़ गई आंसर आ रहा है बोलो फटाफट है ना अब यहाँ पे पंगा एक और पड़ेगा का पंगा पड़ेगा जो कॉमन सेंस से रिलेटेड होगा चलो अब आंसर निकालना शुरू करते हैं ठीक है इज इक्वल टू छोटा लैम्डा एन एच फोर प्लस प्लस छोटा लैम्डा ओ एच माइनस ये तो हमने वीक को तोड़ दिया अब हमें पता है ना बी एस टू एड और सब होगा वी नो विल बी तो ट्रायल करते हैं प्लस ए सी एल टू है बी ए सी एल टू है तो एक बी ए के पीछे दो क्लोरीन आएंगे माइनस छोटा लैमडा बी ए टू प्लस माइनस टू छोटा लैमडा सीएल माइनस लेकिन अब ना तुमको स्टोक्योमेट्री के लिए थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा तुमको जो जोड़ियां बनानी है वो कौन कौन सी है एक तो है बेरियम क्लोराइड बी ए सी एल टू तो बी ए सी एल टू बन रहा है क्या ऐसे ही बन रहा है एक तो है बी ए सी एल टू दूसरा है तुम्हारा बी एच टू और एनएच फोर सी एल तो अगर मैं एन एच फोर ध्यान से देखना एन एच फोर और सी एल की जोड़ी बनाती हूँ तो मेरे स्टोक्योमेट्रिक रेशियो जो है ना वो बर्बाद हो जाता है बर्बाद हो जाता है पता है कैसे एक NH4+ प्लस और दो क्लोरीन है इन दोनों को मिलाकर तुम NH4Cl कैसे बनाओगे NH4Cl कैसे बनाओगे क्योंकि NH4 तो एक ही है क्लोरीन तो दो है ना तो NH4Cl2 बन जाएगा तो NH4Cl कैसे बनाओगे सुनो ध्यान से हम्म, इसके लिए तुमको ये सब डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा इसको भी डिवाइड बाय 2

छोटा लैमडा छोटा मिला के बन गया बड़ा लेकिन हाफ बनेगा हाफ बड़ा लैमडा बी एच टूर माइनस बी ए सी एल टू सारे वैल्यूज पुट करने पे आंसर आएगा वही जो इसका है एसिटिक एसिड का 251 फिफ्टी वन साइमन सेंटीमीटर इनवर्स अभी भी अगर क्लैरिटी नहीं आई है कॉन्सेप्ट में एक और सवाल चलो नेक्स्ट भैया लॉन्च हो चुका है सवाल नेक्स्ट सवाल लॉन्च थैंक यू कुशाल आया ना मजा ये बात तुम्हारे चेहरे पे खुशी जो तुम एक्सप्रेस करते हो थ्रू योर कमेंट्स मैम की लाइफ सेट एकदम मस्त जो मजा मतलब बच्चों को पढ़ा के और बच्चों को चीजें समझा के उनके दिमाग में हिट हो जाए बस चीज उससे ज्यादा सुखी नहीं है एक हार्ड कोर टीचर के लिए स्टूडेंट समझ में आ जाए स्टूडेंट को एकदम हार्ड कोर टीचर को इससे ज्यादा बड़ा जिंदगी में सुख नहीं मिल सकता चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के लिए प्रैक्टिस ढेर सारी है डोंट वरी थैंक यू राजेश गुप्ता हाँ फिर से समझा रही बेटा एग्जाम्पल बदल बदल के बार बार समझा रही हूँ सबको हार्ट चलो भाई खुशहाल सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सब सब लोग ना क्या करें हार्ट टाइप कर दें हार्ट सी हार्ट से एक बार यार हाँ। मैम भी थकी पड़ी है दो घंटे तो मैम स्पेशल क्लास लेके आई है अभी और वन एंड हाफ आवर तो खैर बच्चे भी हो जाए थोड़ा सा हार्ट हाँ। शाबाश ये बात

अब इसको देख लो इसमें क्या करना है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वीक वाला पूछा है देखो MGI2 का पूछा है तो पहले तो एम जी आई को ब्रेक कर लेते हैं बड़ा वाला MGI2, ब्रेक करेंगे, छोटा लैमडा एम जी टू प्लस प्लस टू छोटा लैमडा आई माइनस क्योंकि दो है ना अब क्या करें अब एमजीआई टू को उनमें से काटा पिटी करते हैं मैग्नीशियम ये काटा आयोडीन ये काटा कौन बच गया ये बच गया यार इसमें नौ पाया बार यानी कि यही वो है जो ऐड और सबट्रैक्ट होगा तो प्लस CH3 CWO माइनस प्लस Na प्लस माइनस CH3 CWO माइनस माइनस Na प्लस अब वो लैम्डा लुम्डा में लगाऊं क्या बार-बार Na प्लस ठीक है अब इनको जरा जोड़ियां बनाते हैं और जोड़ियां सामने गिवन है सोडियम आयोडाइड बनेगा NaI अरे पंगा सोडियम दो है क्या करोगे सोडियम एक है आयोडीन दो है जबकि तुम्हारे मोलर टू 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 पिछली बार क्या था सबको हाफ कर दिया था टू से मल्टीप्लाई करते खत्म हो जाएगा देखो तुम सोडियम और आयोडीन बराबर हो गए तो दो छोटे मिला के बनेंगे बड़ा लैमडा लेकिन क्योंकि यहाँ पे टूल है और यहाँ पे भी टू है तो इधर भी टू लगा देंगे टू लैम नॉट एन आई अगली जोड़ी अगली जोड़ी है एस सी एच थ्री सी डब्ल्यू एन ए और सी एच थ्री सी डब्ल्यू होल्ड वाइस एम जी सी एच थ्री सी डब्ल्यू होल्टवाइ तो है ही बेटा ये दो ही मोल है और ये मैग्नीशियम है तो कुछ तो पंगा हुआ क्या मैग्नेशियम टू आई माइनस एम जी आई टू का ही निकालना था ना हाँ तो ये माइनस वो प्लस कैसे एम जी प्लस टू आई माइनस सोडियम एसिटेट और ऐड किया सोडियम एसिटेट ही अपन ने सबट्रैक्ट किया टू टू अपन ने लगा ही दिया है अभी एन बन गया है सी एच थ्री सी डब्लू होल टू वाई एम जी कर दिया है गड़बड़ क्या पकड़ो जरा क्या गड़बड़ हुई है करेक्ट हाँ, आंसर अरे वाह प्रियंका वेरी गुड बट देखो इसमें क्या प्रॉब्लम हुई है थक गए सबा हाँ तो कर लो मुझे लग रहा है मैं थक गई फिर मैं थक गई ठीक है हाँ नहीं नहीं कुछ अलग नहीं है थोड़े थोड़े क्वेश्चंस अलग हैं वैल्यूज अलग है फाइनल आंसर इसका आ रहा है मेरे पास जो रिपोर्टेड है रिपोर्टेड है ट्वेंटी फाइव पॉइंट नाइन सिक्स रिपोर्टेड है ठीक है और आपको क्या बनाने हैं आपको पेयर्स बनाने हैं प्लस और माइनस के इनको ज्वाइन करके बनाने हैं सी एच थ्री सी डब्ल्यू एन ए का बनाना है सी एच थ्री सी डब्ल्यू एन ए हाँ देखो ना थक गई ना मैं ये वाला सी एच थ्री सी पकड़ में ही नहीं आया इसको लेके बैटरी में इनका माइनस बस का क्या होगा पता लग गया चलो प्लस टू मोल्स ऑफ मतलब सी एच थ्री बड़ा वाला लैमडा नॉट सी एच थ्री सी डब्लो होल्टवाइ एम जी माइनस टू मोल्स ऑफ सी एच थ्री सी डब्लू एन ए बड़ा वाला लैमडा सी एच थ्री सी डब्लो एन ए वैल्यूज पुट कर दो फाइनल आंसर आ जाएगा ट्वेंटी फाइव पॉइंट नाइन सिक्स साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इन वर्स यूनिट नहीं भूलना बेटा करो देखते हैं इसका आंसर सही कौन निकालता है लास्ट क्वेश्चन धारवी आया बेटा धारवी बिटू आप आ, वो है ना unacademylivemeet चैट जो मैंने यहाँ पे ग्रुप लिखा था शुरू में उसमें ऐड हो जाओ सारी अपडेट्स मिलती हैं आ गया बिटू इंशा हाँ पल्लवी ये 9:00 बजे डेली होते हैं ये सेशंस अब इसका आंसर निकालो देखें ये लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद सेशन स्टॉप करेंगे ये लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद फटाफट 2 मिनट में सेशन 5 मिनट में स्टॉप करेंगे डी सबका आ रहा है डी वाह सॉल्व करके बताऊं सॉल्व करके बताऊं कि हो जाएगा फॉलोइंग लिमिटिंग एसिड निकालना है तो पहले तो इसको बड़ा लैमडा सी एच थ्री सी डबल ओ एच इसको ओपन करो यह आएगा छोटा लैमडा सी एच थ्री सी डबल ओ माइनस प्लस छोटा लैमडा एन ए प्लस अब इसमें से काटो सी एच थ्री सी डबल ओ एच थ्री सी डब्लो और एच यहाँ से कटेगा बचा कौन के टू एसओ फोर तो यही ऐड होगा और यही सब्ट्रैक्ट होगा ठीक है यानी कि टू नॉट के प्लस प्लस नॉट सल्फेट आयन माइनस टू नॉट माइनस हम माइनस टू नॉट के प्लस के प्लस माइनस अब इनकी तुम्हें बनानी जोड़ी हैं जो तुम्हें है थीके? और का रखना है ध्यान। क्योंकि अब H2SO4 बनाना है और तुम्हारे पास एच टू एसओ फोर जो है वो कितना कैसे आएगा वो देखो तुम एच टू एस फोर के टू एसओ फोर एंड सी एच थ्री सी डबलओ के तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा एक्स माइनस वाई अपॉन टू प्लस जेड क्लियर हाँ अच्छा समझ में आया हुआ है समझाना क्यों है ठीक है नहीं समझाओ फिर चलेगा हम्म चलो आगे बढ़ते हैं जस्ट अ सेकेंड ठीक है अब इसकी जोड़ियां बना लेना इजी मैथ्स के हिसाब से इजी है और ये अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो डेलेमसीट के फॉर्मुले से आ जाता है एंड ये हो गया तुम्हारा होमवर्क न्यूमेरिकल वाले बच्चे लेकिन बेटा आज कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट का आज बहुत स्ट्रांग यूटिलाइजेशन है बहुत जबरदस्त अच्छे से पढ़ेंगे आज ठीक है रोज ही अच्छे से पढ़ते हैं पर आज कॉन्सेप्ट है जो कि कंफ्यूजिव है तो और अच्छे से पढ़ेंगे ठीक है चलो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ रिडॉक्स रिएक्शन आज का टॉपिक है मैं बहुत ज्यादा लंबा सेशन आज नहीं लूंगी क्योंकि आज जो हम पढ़ने वाले हैं ना उसमें मैक्सिमम बच्चों को रहता है तो मेरा सिर्फ इतना ही टारगेट है कि मैं वो कन्फ्यूजन निकाल के फेंक आज चाहे वो आधे घंटे में काम हो जाए चाहे पौन घंटे में हो जाए चाहे एक घंटे में हो जाए ठीक है नॉन्ट इक्वेशन हम कल से स्टार्ट करेंगे आज हम पढ़ रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन नाउ लेट्स पे अटेंशन एवरी कॉपी पेन निकाल लीजिए और लेट्स पे अटेंशन एवरी वन रिएक्शन क्या होती है रिडॉक्स रिएक्शन में हमें सुनाई देता है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन ठीक है ये दो टर्म्स हमें सुनाई देती कि अगर तुम दो मेटल्स जिनकी रिएक्टिविटी uh, डिफरेंट है उनको कनेक्ट कर देते हो तो एक मेटल इलेक्ट्रॉन्स छोड़ने लग जाता है और दूसरा मेटल उन्हीं इलेक्ट्रॉन को गेन करने लग जाता है विच मीन्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्ट ठीक है तो इसको हम क्या बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है अब यहां आप देख सकते हैं कि जिंक और कॉपर को जब हमने कनेक्ट किया अभी मैं शुरू की हूँ बीच बीच में बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट आने वाले हैं इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे जिंक से कॉपर ऐसा हर उस एलिमेंट के साथ होता है जिनकी हर उन दो एलिमेंट को कॉम्बिनेशन पे ऐसा होता है जिनकी रिएक्टिविटी अलग अलग है जब भी दो डिफरेंट एलिमेंट जिनकी रिएक्टिविटी डिफरेंट है उनको आपस में कनेक्ट करते हो तो एक अपने आप इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम मोर रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव या फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्ट इसी को हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं एंड अगर हम बोले सेल कितने तरह के होते हैं तो कल मैंने आपको बताया था मोबाइल फोन के बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन से उत्पन्न एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में विच इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड जब मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है तो उस वक्त बैटरी की सारी रिएक्शंस डेड पड़ जाती हैं हम फिर से चार्जर से कनेक्ट करते हैं और वो रिएक्शंस को रीस्टार्ट करते हैं यानी इस बार हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से केमिकल रिएक्शंस करवा रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कन्वर्ट करता है केमिकल रिएक्शन की एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अब हम सीधा आते हैं सेल्स के ऊपर जो जिंक और कॉपर के कॉम्बिनेशन से मैं वो का सहारा ले रहे हूं, जो कॉपर बच्चों में पढ़ते थे ठीक है पढ़ते तो पता नहीं तुम तब, तब थे कि नहीं थे लेकिन जब तुम नाइन टेंथ में पढ़ते थे चाहे तुम नहीं भी पढ़ते थे लेकिन जब तुम नाइन टेंथ में पढ़ते थे

अब सुनिए यही मैंने किया जिंक और कॉपर को कनेक्ट किया जिंक और कॉपर को दो डिफरेंट टर्मिनल पे कनेक्ट किया ठीक है दो डिफरेंट टर्मिनल जिंक एंड कॉपर को हमने क्या किया बेटा मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं ये जो भी आप हो इतना स्पैम मत करो बिकॉज मैं पढ़ा रही हूं और मेरे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं यहां पे है ना प्लीज आई रिक्वेस्ट कि स्पैमिंग मत करो ये मेरी क्लास चल रही है यहाँ पे मैं बहुत मेहनत करके पढ़ाती हूँ बच्चे बहुत मेहनत से सीखते हैं चीजों को ठीक है बेटा चलो तो चलते हैं कि जिंक और कॉपर को हमने कनेक्ट किया और जिंक यहाँ पे बेसिकली ज्यादा रिएक्टिव है ऐसा हमें नाइन टेंथ में बताया गया था कि जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है और कॉपर जो है वो कम रिएक्टिव है इसलिए जिंक क्या होता है जिंक ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण ऑक्सीडाइज होता है देखो जेडन जेडन टू प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन अभी तुम्हें हो सकता है? कुछ बच्चों को शुरू करते हैं कहानी हम यहां से शुरू करते हैं कि जब हम जिंक और कॉपर को आपस में कनेक्ट करेंगे तो जिंक मीन्स विच इज द वन विच इज मोर रिएक्टिव एक शीट लगा ले हुँ. ये रिएक्शन देखा आपने जिंक कैन डिस्प्लेस कॉपर सल्फेट फ्रॉम इट्स सोल्यूशन एंड फॉर्म जिंक सल्फेट ठीक है एंड कॉपर डिड यू सी दिस रिएक्शन रिएक्शन ये reaction आप सबने देखा होगा ठीक है अब जरा इस इक्वेशन को बेस बना के मैं आगे से हट रही हूं इस इक्वेशन को बेस बना के क्योंकि ये इक्वेशन हमने इस तरीके से पढ़ी कि जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन हम जरा देखने की कोशिश करते हैं किसमें क्या चेंजेस हुए जिंक अपनी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में मैं बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रही हूँ कि जिंक जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में हो सकता है मेरी क्लास का कोई बच्चा बोले मैम हमें नहीं पता लगता ऑक्सीडेशन स्टेट का मेरा जवाब है कि एलिमेंट जब अपने न्यूट्रल स्टेट में होता है तो वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है यहाँ पे जिंक अपने प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसका मतलब जिंक जिसको हम मोर रिएक्टिव बता रहे थे मोर रिएक्टिव क्योंकि उसने कॉपर को खदेड़ करके जिंक सल्फेट बना लिया हमने उसे मोर रिएक्टिव बताया धीरे धीरे सुनना बेटा प्लीज फोकस एंड पे अटेंशन हमने ये पढ़ा कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण कॉपर को उसकी जगह से खदेड़ करके खुद सल्फेट के साथ बॉन्ड बना लेता है यही उसकी रिएक्टिविटी है तो जिंक में चेंजेस क्या आए जिंक जेड एंड टू प्लस में कन्वर्ट हुआ जेड एंड टू प्लस में जब जिंक अपने टू प्लस स्टेट में कन्वर्ट हुआ है तो उसने दो इलेक्ट्रॉन्स लूज किए होंगे और ये दो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाता है ऑक्सीडेशन कहलाता है मतलब जो मोर रिएक्टिव था वो ऑक्सीडाइज हुआ जो था था उसने दिए। अभी copper ने क्या किया? Copper reactant side पे अपने state में था, और copper अपने state में इन्हीं दो को accept किया और किस स्टेट में आ गया कॉपर न्यूट्रल की स्टेट में आ गया ठीक है Cu बना दिया दिस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टर्म एज रिडक्शन क्या बोलते हैं हम इसको रिडक्शन बोलते हैं रिडक्शन मीन गेन ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस जैसा कि हम देख पा रहे हैं इस रिएक्शन से स्टूडेंट्स जैसा कि हम इस रिएक्शन से देख पा रहे हैं कि जो ज्यादा रिएक्टिव है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और जो कम रिएक्टिव है वो रिड्यूस हो रहा है जो ज्यादा रिएक्टिव है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और जो कम रिएक्टिव है वो रिड्यूस हो रहा है जो ज्यादा रिएक्टिव है वो डोनर है अब लिखते जाओ चीजें एक पेज बना लो उसमें शॉर्ट में लिखो एक अलग से पेज में शॉर्ट में मैंशन करो

ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो रिडक्शन हो रहा है तो यहां ऑक्सीडेशन हुआ अब एक पेज पे लिख लो एक पेज पे लिख लो जो मोर रिएक्टिव है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और वो डोनर है यानी दाता है मोर रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन देता है इसलिए दाता है लेस रिएक्टिव बी विद मी विल डेफिनेटली फाइंड की कंफ्यूजन क्लियर हो गए हैं मैं पूरा कोशिश करूंगी बच्चों जो लेस रिएक्टिव है वो लालची कहलाएगा ना लालची क्योंकि उसने डोनर से दो इलेक्ट्रॉन्स लेकर एक्सेप्ट कर लिए रिडक्शन इज गेन तो क्या कहलाएगा लालची लिख लो मोर रिएक्टिव डोनर लेस रिएक्टिव लालची मोर रिएक्टिव दाता जो इलेक्ट्रॉन देता है लेस रिएक्टिव लालची जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेता है चलो जी अब इस सेल की तरफ बढ़ते हैं अब अब इस पिक्चर को देखने पे हमारे दिमाग में एक चीज क्लियर है कि भाई जिंक ज्यादा रिएक्टिव था तो डोनर बन गया दाता बन गया कॉपर कम रिएक्टिव था उन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स को छीन लिया और क्या बन गया न्यूट्रल कॉपर रिडक्शन हो गया तो यहां हुआ ऑक्सीडेशन और यहां हुआ रिडक्शन इधर हुआ ऑक्सीडेशन और इधर हुआ रिडक्शन जिंक जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है कॉपर के कांटेक्ट में आने पे वो दो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है तो देखो जिंक का क्या, क्या फेट हो रहा है ध्यान से देखना बेटा कि जिंक का ये मेटेलिक रॉड है ये धीरे-धीरे वक्त के साथ ना ऐसा पतला होता जाएगा क्यों क्योंकि इसी मेटेलिक रॉड में ये ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हुई थी सॉलिड जिंक की तो Zn2+ आयोनिक जो जिंक है Zn2+ तो सॉल्यूशन में आ जाएगा Zn2+ कहां आ जाएगा सॉल्यूशन में आ जाएगा बच्चों क्योंकि आयंस तो ऐसे जा नहीं सकते हैं तो वो तो सोल्यूशन में तैरने लगते हैं ना सॉलिड रहते हैं आय तो वो तो सोल्यूशन में आ जाएगा विल हैपन टू टू द विलेक्ट्रॉन वो निकलेंगे यहाँ से और से रास्ता नापेंगे अपना और इस तरफ चलेंगे कॉपर एंड पे क्या होगा कॉपर खुश हो जाएगा उन दो इलेक्ट्रॉन्स को देख के एकदम हैप्पी हैप्पी हो जाएगा क्योंकि कॉपर तो है ही लालची तो कॉपर जैसे ही उन दो इलेक्ट्रॉन्स को आते हुए देखेगा तो यहाँ पे कॉपर सीयूएसओ फोर में डिप्ड है तो यहाँ प्लस टू का कॉपर है और एसओ फोर टू माइनस है तो ये वाला जो सी यू टू प्लस है ना बच्चों ये Cu2+ वो इन जिंक के टर्मिनल के द्वारा आते हुए इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा और क्योंकि सॉलिड कॉपर डिपॉजिट होता है तैरता नहीं है आयोनिक मेटल्स तैरते हैं और न्यूट्रल मेटल कहीं ना कहीं जमते हैं सरफेस देखकर पकड़ लेते हैं मतलब चाहे बीकर में जम जाए चाहे रॉड पे जम जाए तो इस रॉड पे कॉपर डिपॉजिट होने लगेगा ठीक है अब इन दोनों डिफरेंट रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट्स को कनेक्ट करने से जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर शुरू हुआ तुमने एक लालची को एक डोनर के साथ कनेक्ट हुआ तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफर शुरू हुआ अपन ह्यूमन स्मार्ट इनफ है ना हम तो स्मार्ट तो हम लोगों ने इसका भी यूज निकाल लिया हमने सोचा जिंक ज्यादा रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन दे रहा है कॉपर कम रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन छीन रहा है इसका मतलब जिंक टर्मिनल से कॉपर टर्मिनल तक इलेक्ट्रॉन चल के जा रहा है तो जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी

ठीक है अब जिंक ने इलेक्ट्रॉन तो उधर भेज दिए और जिंक आयंस सॉल्यूशन में तैरने लगे जैसे ही जिंक आयंस एक्सेस हुए तो इस वाले टर्मिनल पे हल्का हल्का पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लगा Zn2+ की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज जाते हुए इलेक्ट्रॉन्स को रोकेगा प्लस माइनस के बीच में तो बड़ा मोहब्बत बड़ा रिश्ता होता है ना तो ये पॉजिटिव चार्ज जाते हुए इलेक्ट्रॉन्स को वापस पीछे खींचेगा तो इसका मतलब इस टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकलेंगे और थोड़ी देर में निकलते ही कि नहीं, 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 हम नहीं दे रहे क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन इधर इधर तो एक्सेप्ट करके यहाँ जमा हो लिए इनका क्या होगा सल्फेट सल्फेट आयंस यहाँ पे इकट्ठे होने लगेंगे जिसकी वजह से इस टर्मिनल पे नेगेटिव चार्ज आने लगेगा ये नेगेटिव चार्ज इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को जा यहां से वाला पोस्टर दे देंगे कि नहीं चाहिए तू कौन सा नेगेटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को जाने नहीं देगा और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को आने नहीं देगा हो गया ना मामला ठप शुरू हुआ इलेक्ट्रॉन का फ्लो पर रुक गया तो व्हाट इज सॉल्यूशन व्हाट इज द सॉल्यूशन मेरे बच्चों एक बार थम्सअप कर देंगे ताकि मैं तुम्हारी प्रेजेंस का मुझे पता लगे कि हाँ तुम सब लोग बैठे इधर नहीं नानसी वन शॉर्ट सेशन नहीं है बेटा बहुत अच्छे से पढ़ा रही हूँ डिटेल में पढ़ा रही हूं ठीक है हाँ विशाल कुमार अब सॉल्ट ब्रिज के बारे में ही तो बताने वाली हूँ हेलो देवेश चलो गुड 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 एक बार ही ना अपना बस वो क्या बोलते हैं स्माइलिंग फेसेस देखने का क्या तरीका है? मेरे पास तुम्हारे स्माइलिंग फेसेस देखने का यही तरीका है ठीक है हुँ. देखो जाते हुए इलेक्ट्रॉन्स को जाने नहीं दे रहा पॉजिटिव चार्ज जो जिंक वाले टर्मिनल पे इकट्ठा हो गया क्योंकि इकट्ठे हो गए आते हुए इलेक्ट्रॉन्स को आने नहीं दे रहा है सल्फेट आयन का नेगेटिव चार्ज क्योंकि माइनस और माइनस एक दूसरे को धक्का लगाते हैं रिपलसिव होते हैं यहां भी माइनस चार्ज यहाँ भी माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रुक जाएगा और भाई साहब कौन आ जाएगा एक्शन में सॉल्ट ब्रिज अब ये इन्वर्टेड यूट्यूब देख रहे हो तुम लोग इसका मुंह खुला हुआ है इदर, का। और इस, क्योंकि उल्टी इसमें कोई लिक्विड नहीं भर सकते हो तो टपक जाएगा ना नीचे तो हमने इसमें कोई जेली टाइप की चीज भर दी सेमी सेमी सॉलिड टाइप की चीज होती ना जेली वो भर दी तो वो जैसी हमने इसके अंदर भरी और फिर इसके अंदर केसीएल डाला तो धीरे धीरे जरूरत पड़ने पर उस जेली में से वो रिस रिस के निकलेगा अगार अगार टाइप की चीज ठीक है सेमी सॉलिड टाइप की चीज सॉलिड भरोगे तो भी फायदा नहीं है लिक्विड भरोगे नीचे टपक जाएगा क्योंकि उल्टी उल्टी बाल्टी में से तो पानी नीचे गिरेगा ना तो ये तो उल्टी बाल्टी है समझे बकेट उल्टी कर रखी है अपन ने तो के हमने इसमें डाल दिया अब जैसे ही जिंक आयन इकट्ठा होने लगेगा यहाँ से क्लोराइड आयन निकलेगा बेटा जैसे ही जिंक आयन इकट्ठा होने लगेगा तो इधर से कौन निकलेगा क्लोराइड आयन कौन निकलेगा क्लोराइड आयन और क्लोराइड आयन जिंक आयन के साथ कनेक्ट होके बोलेगा ठंड रख ठंड शांति रख जाने दे इलेक्ट्रॉन को इतना मत फैल हिजमत इलेक्ट्रॉन को वापस मैं सेटल करता हूँ ना तुझे ZnCl2 बना के ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन जा पाएगा इधर जैसे ही नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होने लगेगा कौन आएगा K+ आयन और क्या बना देंगे K2SO4 तो इस नेगेटिव चार्ज को भी क्या कर दिया सेटल कर दिया तो इस लिहाज से देखा जाए तो सॉल्ट ब्रिज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि वर्किंग के दौरान जो दोनों टर्मिनल पे चार्जेस इकट्ठे हो जाते हैं उनको न्यूट्रलाइज करने का काम सॉल्ट ब्रिज के अंदर पड़ा हुआ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट करता है इज दैट क्लियर टू एवरी इज दैट क्लियर टू तो अब ये इलेक्ट्रॉन आराम से बिना रोक टोक तो के कॉपर टर्मिनल तक ट्रांसफर हो पाएंगे और इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रो केमिकल सेल एक छोटी सी ट्रिक दे रही हूँ जो बच्चे रेगुलर आते हैं उन्हें मालूम है ये ट्रिक लेकिन मैं आप लोगों को एक छोटी सी ट्रिक दे रही हूँ ध्यान से देखिएगा उधार होता है ना उधार जो बच्चे नए आए हैं पोर्टल पे उनके लिए ज्यादा काम किए उधार जानते हो उधार वर्ड उधार है ना उधार होता है लोन एल ओ ए एन लोन लोन का मतलब होता है उधार ठीक है मतलब लेफ्ट साइड पे ऑक्सीडेशन होता है एनोड बनता है और नेगेटिव टर्मिनल बनता है हर एक चीज तुम सिर्फ ये उधार वर्ड याद रखना सिर्फ एक वर्ड याद रखना उधार उधार की इंग्लिश है लोन लोन की स्पेलिंग लिखना है एन अब लेफ्ट साइड पे ऑक्सीडेशन हो रहा था ना जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा था कौन सा टर्मिनल बनता है एनोड बनता है ठीक है और नेगेटिव टर्मिनल है क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है तो जिस चीज से इलेक्ट्रॉन का फुआरा निकलेगा सारे इलेक्ट्रॉन माइनस 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 निकल रहे हैं तो वो टर्मिनल तो नेगेटिवली चार्ज ही हुआ ना इधर देखो इसको उल्टा कर दो अब आर आर सी पी कैसे उल्टा किया हमने लेफ्ट का उल्टा राइट right. ऑक्सीडेशन का उल्टा रिडक्शनोड का उल्टा कैथोड एंड नेगेटिव का उल्टा पॉजिटिव ठीक है इसको तुम राजस्थान रॉयल क्रिकेट प्लेयर्स के नाम से याद कर सकते हो जो क्रिकेट प्रेमी है वो राजस्थान रॉयल क्रिकेट प्लेयर्स के नाम से जो प्रेमी है उधार लेने में विश्वास रखते हैं वो लोन ये याद करें और मतलब ये है राइट साइड पे इस पे होगा रिडक्शन गेन लालची है ना गेन करेगा कैथोड बनेगा ये और पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा आई होप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल समझ में आ गया है तो मैं आगे बढ़ू क्योंकि यहां तक ठीक है मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप थम्स अप करें तब तक मैं ये क्लैरिटी फटाफट से क्विक रिव्यू कर लेती हूँ मतलब एक दो तीन स्टेटमेंट में रिपीट कर देती हूँ बात को एनोड और कैथोड बेसिकली तु, तु, तुमने दो डिफरेंट रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट्स को कंबाइन कर दिया था कंबाइन करते ही हुए इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो गया कहाँ से जेली लाइक -like क्यों इंसर्ट करते हैं सॉल्ट ब्रिज में धारवी बेटा हाँ मैं बताती हूँ धारवी पूछ रही है, -like क्यों इंसर्ट करते हैं सॉल्ट ब्रिज में हमें ना पता है क्या चाहिए ऐसा कुछ इंसर्टेड चाहिए इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर जिसमें सिर्फ जरूरत पड़ने पर इलेक्ट्रोलाइट खींचा जा सके खींचा जा सके अगर तुम सपोज करो इसमें डायरेक्ट के फिल कर दोगे तो बेटा दोनों तरफ से ये जो ब्रिज का उन, के मुंह खुले हुए तो अगर किसी बकेट को उल्टा कर दोगे तो उसमें जितना भी कंटेंट है वो तो नीचे टपक जाएगा ना इट इज लिक्विड और मैंने ये पानी का मग लिया और इस पानी के मग को मैंने उल्टा कर दिया जो कि मैं करूंगी नहीं पीऊंगी मैं पानी तो जैसे उल्टा कर देंगे उल्टा करते क्या होगा वो टपक जाएगा तो इधर इनव्यूटिव भी इन्वर्टेड है दोनों टर्मिनल्स में डूबी हुई है तो इसको भी उल्टा करेंगे तो टपक जाएगा तो पूरा पूरा एक साथ टपक जाए तो उसका फायदा नहीं होता ना हमको मेंटेन करना पड़ता है कॉन्सेंट्रेशन तो हम ये चाहते हैं कि इसमें कोई सेमी सॉलिड मीडियम हो सेमी सॉलिड जिसको उल्टा करने से टपके नहीं नीचे वो और जरूरत पड़ने पर इसमें से इलेक्ट्रोलाइट जो है उसको निकाला जा सके इसके लिए इसको हम क्या लेते हैं अगारे लेते हैं ठीक है क्लियर चलो नहीं नहीं नर्मदा प्रसाद साहू ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा मैं तो क्या है बार बार पढ़ाती रहूंगी तुमको अच्छे से है ना हाँ चलो आगे बढ़ते हैं सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन समझ में आ गया एक तो ये न्यूट्रलिटी मेंटेन कर रहा है दोनों टर्मिनल्स की दूसरा ये सर्किट को भी कंप्लीट कर रहा है तुम देखो बाहर इलेक्ट्रॉन का फ्लो चल रहा है अंदर आयंस का बाहर इलेक्ट्रॉन का अंदर आयंस का तो इसका मतलब एक नंबर का ये क्वेश्चन आता है तुम्हारे बोर्ड में तो ये प्रिपेयर हो गया कि सर्किट को कंप्लीट करता है और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रिलिटी को मेंटेन करता है आई होप आपको ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल समझ में आ चुका है कि मोर रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन का स्त्रोत होता है जरिया होता है सोर्स होता है और लेस रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन पे लपकता है मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी तरफ और इसी तरीके से मोर रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो शुरू हो जाता है और इन बहते हुए इलेक्ट्रॉन से हम चालाक इंसान क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं आई ओपीएससी नोटेशन सेल की मैं तुम्हें सिखा दू पहले उसके बाद में बहुत शानदार चीज बताऊंगी आगे जैसे तुम्हें ऑक्सीडेशन रिडक्शन में कन्फ्यूजन नहीं हो आईओपीएससी तो हर जगह आता है बेटा तो कोऑर्डिनेशन में भी आ गया ऑर्गेनिक में तो आता ही है यहाँ भी फिजिकल में भी आ गया बताओ तो आई नोटेशन ये कहती है कि ये जो सेल तुमने अभी अभी सीखा इसमें एनोड लेफ्ट साइड में होता है और कैथोड राइट साइड में होता है तो नोटेशन में भी तुम्हें यही करना है कि एनोड लेफ्ट साइड में बनाना है और कैथोड राइट में और बीच में ऐसा डबल बार बनाना है ठीक है अब यहाँ हो क्या रहा है जिंक जेड एंड टू प्लस में बदल रहा है इस सेल को अच्छे से गौर करके देख लो मैं आगे से हट रही हूँ कॉपी में साथ साथ लिखो भी सही है ना साथ साथ लिखोगे तो फायदा होगा लिख लिख के पढ़ो एज एफ आई एम टीचिंग इन फ्रंट ऑफ यू ऑन द बोर्ड एंड यूर जस्ट राइटिंग डाउन ऑल द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जिंक किस में बदल रहा है एनोड टर्मिनल पे जिंक जेड एन टू प्लस में बदल रहा है so, तो मैं लिखूंगी जिंक में बदल रहा है किस जगह एनोड एनोड लेफ्ट में होता है ठीक है क्योंकि ये आयोनिक के पानी में गुला हुआ है तो या तो मैं एक्वस लिख दू और अगर मेरे पास इसकी कोई कॉन्सेंट्रेशन है तो मैं वो लिख दू कॉपर टर्मिनल में सी यू टू प्लस कॉपर में बदल रहा है प्रोसेस का डायरेक्शन देखो सी यू टू प्लस कॉपर में बदल रहा है तो इधर मैं पहले लिखूंगी सी टू प्लस फिर सिंगल बार लगा के लिखूंगी कॉपर और क्योंकि ये लिक्विड में होता है तो मैं आगे एक्स लगा दूंगी ठीक है या कंसेंट्रेशन लिख दूंगी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगल वर्टिकल बार ये रिप्रेजेंट कर रहा है फेज चेंज ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिंक जेड एंड में डूबा हुआ है डूबा हुआ है ना तो सॉलिड लिक्विड के बीच में जो फिजिकल स्टेट चेंज हुई है उसको ये सिंगल बार रिप्रेजेंट कर रहा है और सेम चीज ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है डबल बार क्यों है बीच में सेपरेटर डबल बार क्यों डबल वर्टिकल लाइन क्यों है इसलिए है क्योंकि दो बार फेस चेंज हो रहा है लिक्विड 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 ये देखो तुम सॉलिड सॉलिड तो दो बार फेस चेंज हुआ ना सोल्ट ब्रिज तो दोनों टर्मिनल्स में डूबा हुआ है जिसकी वजह से हमने डबल बार लगाया तो ये तुम्हारा आईयूपीएसी नोटेशन होता है ठीक है इसके अंदर यहां पे रिएक्टेंट लिखा जाता है अब देखो अगर तुम्हें इससे रिएक्शन बनानी हो तो कैसे बनाओगे अनलॉक uh, करना सिखा रही हूं कैसे इससे रिएक्शन रिएक्टेंट रिएक्टेंट प्रोडक्ट प्रोडक्ट ठीक है रिएक्शन लिखनी है रिएक्टेंट रिएक्टेंट प्रोडक्ट प्रोडक्ट ये लेबल करो कि किसी भी गिवन नोटेशन में हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे रिएक्टेंट प्रोडक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट अब रिएक्शन कैसे लिखेंगे बहुत जरूरी है कल वाले टॉपिक के लिए ये नहीं आया तो कल वाले टॉपिक का कुछ नहीं हो सकता रिएक्टेंट रिएक्टेंट एक साइड कंबाइन करो दे प्लस सीयू टू प्लस प्रोडक्ट प्रोडक्ट एक साइड कंबाइन करो बन गई ना रिएक्शन बन गई रिएक्शन स्टूडेंट्स तैयार हो गए आपकी रिएक्शन तो अगर रिएक्शन गिवन हो तो नोटेशन बन सके और नोटेशन गिवन हो तो रिएक्शन बन सके ये कला आपको अगले पांच मिनट में डेवलप करनी है जिन लोगों को नहीं आती है मैं रिपीट किए देती हूं एक बार जस्ट फॉर योर रेफरेंस कि हमने एनोड और कैथोड को एक डबल वर्टिकल लाइन से सेपरेट किया और वो डबल वर्टिकल लाइन क्या बताती है वो सॉल्ट ब्रिज बताती है सॉल्ट ब्रिज दो में डूबा हुआ है इसलिए दो हमने लाइंस बनाई है अदरवाइज इनके बीच में एक एक ही लाइन बना रहे हैं हम कॉपर और सीयू टू प्लस के बीच में ठीक है लेफ्ट साइड पे एनोड है राइट साइड पे कैथोड है लेफ्ट और प्रोसेस उसी डायरेक्शन में लिखनी है जिसमें हो रही है जिंक जेड एन टू प्लस बदल रहा है सी यू टू प्लस सीओ में बदल रहा है अब बच्चों करके देखो प्रैक्टिस प्रैक्टिस टाइम स्टूडेंट्स थम्स अप अगर आपको समझ में आ गया है तो जल्दी से अगर आपको समझ में आ गया है तो थम्स अप करके इंडिकेट कर दो कि यस मैम समझ में आ गया है क्विकली स्टूडेंट्स फटाफट से ओके hmm, okay.

तुमको उसको यूज करना आना चाहिए इक्वेशन के फॉर्म में रिएक्टेंट प्रोडक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट ये सेपरेटर है रिएक्टेंट प्रोडक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट अब रिएक्टेंट रिएक्टेंट ऐड कर दो सी यू प्लस ए जी प्लस प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऐड कर दो सी यू टू प्लस प्लस ए जी ठीक है बैलेंसिंग कर दो जब कॉपर दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है और सिल्वर एक ही इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है टू सिल्वर ठीक है ये हो गया तुम्हारा नोटेशन से रिएक्शन बनाना अब रिएक्शन से नोटेशन कैसे बनती है इसको नोट करो बेटा जो मैंने बोल्ड किया जो मैंने बोल्ड किया इसको फटाफट से अपनी कॉपीज में उतारेंगे जल्दी से क्या लिख लिख के मिटाई जा रहे हो संध्या प्रियंका वैद्य ही कह रहे हैं एबीसी पहले कम्स एनोड देन ब्रेज, देन कैथोड शाबाश बेटा ये हुई ना बिल्कुल मतलब मस्त क्लास वाली बात ए बी सी एनोड ब्रिज कैथोड एबीसी नोटेशन में एबीसी के फॉर्म में याद कर लो एनोड ब्रिज कैथोड चलो मूविंग अहेड हमने इसको अब नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करना है निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है ज दैट निकल अपने जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में था और वो बढ़कर के कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया स्टूडेंट्स प्लस टू में तो जीरो से प्लस टू का मतलब होता है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है बढ़ रही है ऑक्सीडेशन किस पे होता है -E एक, एक और तरीका बताती हूँ एक साथ रखना है ए और ओ वा एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है एनोड का ए और ऑक्सीडेशन का ओ वोवल्स को एक साथ रखना ध्यान रखना एनोड पे ऑक्सीडेशन होती, तो होती है तो निकल एनोड हो गया ठीक है तो अब मैं निकल निकल टू प्लस में बदल रहा है तो मैं लिखूंगी निकल सिंगल बार निकल टू प्लस कंसेंट्रेशन के लिए एक्वस लिख देते हैं डबल वर्टिकल बार जो है वो ब्रिज यानी सॉल्ट ब्रिज के लिए लगा लेते हैं और सिल्वर रिड्यूस हो रहा है तो एजी प्लस एजी में बदल रहा है ए जी प्लस किसमें बदल रहा है ए जी में समझ में आ गया सबको इस तरह से हम नोटेशन बना सकते हैं इज दैट क्लियर टू एवरी वन चलो प्रोसीड करते हैं इलेक्ट्रो अब यार अब थोड़ी सी कहानी में तेजी आएगी अब कहानी में तेजी आएगी हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ लिया हमने हम हम अब तक हम ये जानते हैं कि हाँ भाई जब हम दो डिफरेंट रिएक्टिविटी वाले मेटल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट से लेस रिएक्टिव एलिमेंट की तरफ इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद बहना स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि मोर रिएक्टिव डोनर होता है और लेस रिएक्टिव लालची होता है लिख लो मोर रिएक्टिव डोनर लेस रिएक्टिव लालची ठीक है अब बेटा हमें क्या पता था हमें तो बस बता दिया गया कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है एक तो आप ये रिएक्शन अभी के लिए याद करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है जिसको हम ईएमएफ कहते हैं विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनोड टू कैथोड इसको हम बोलेंगे ई e कैथोड माइनस ई एनोड ठीक है ये फॉर्मूला लिख लें अपनी कॉपी में ई कैथोड माइनस ई ठीक है आगे ये फॉर्मूला बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन हो जाएगा हमें एक स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा एक रेफरेंस स्केल चुनना पड़ेगा जिसके रेफरेंस में सभी एलिमेंट्स सभी एलिमेंट्स की क्षमता नापी जाएगी कि कौन इलेक्ट्रॉन दे ज्यादा सकता है कौन ले जा सकता है किसी एक के रेफरेंस में ही तो नापोगे अगर तुम वन सेंटीमीटर के रेफरेंस में ही तो सौ सेंटीमीटर और पचास सेंटीमीटर और छह सेंटीमीटर और आठ सेंटीमीटर तो तुम्हारे दिमाग में वो रेफरेंस स्केल क्या होता है किलोमीटर नापते हैं कि भाई पांच किलोमीटर का रास्ता है तो वो एक किलोमीटर एक नाप है ना एक रेफरेंस है जिसके पांच गुना को तुम पांच किलोमीटर बोलते हो दस गुना को तुम दस किलोमीटर बोलते हो सौ गुना को तुम सौ किलोमीटर बोलते हो तो यू ऑलवेज हैव अ रेफरेंस स्केल यहाँ पे भी हर मेटल जो भी एलिमेंट है या मेटल है हम जानना चाहते हैं भाई कौन किससे ज़्यादा रिएक्टिव कौन किससे कम रिएक्टिव उसके लिए हमें एक रेफरेंस स्केल चुनना पड़ेगा और वो रेफरेंस स्केल है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ठीक है एस एच ई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमने मान लिया कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल जीरो है ये हमने एस्यूम किया पॉइंट टू बी नोटेड शी का रिडक्शन पोटेंशियल जीरो हमने एस्यूम किया अब अपन ने क्या किया शी का वो बता देती हूँ क्या होता है शी में प्लेटिनम रहता है हाइड्रोजन गैस रहती है उसके अलावा आपका एच प्लस साइंस रहता है कोई ना कोई एसिड रहता है अब बेटा खेल खेलेंगे अब ना हम शी को जिंक से कनेक्ट करेंगे बारी बारी से सबके साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं शी को हम जिंक से कनेक्ट कर रहे हैं बेटा ध्यान दे रहे हो क्लास में क्या कर रहे हो मैं इतने एकदम मजे में पढ़ा रही हूँ या तो बातें चल रही आपस में हाँ हाँ देवेश मैं देख रही हूँ कि स्टूडेंट्स स्पैम कर रहे हैं कुछ लोग हैं जिनके पास बहुत सारा टाइम है बोर्ड्स उनके बहुत दूर हैं तुम्हारे तो चार मई से है ना हाँ पढ़ रहे तुम स्पैमर्स की तरफ ध्यान मत दो हाँ थैंक यू वेरी गुड अनुजा बेटा वेरी गुड वेरी गुड और कितने लेक्चर्स हो गए या तो एक या तो दो बस प्रोबेबली कल खत्म कर दूंगी नहीं तो फिर जो बच्चे का परसों ठीक है ठीक है तुम तो पढ़ाई की तरफ ध्यान दो काफी सारे बच्चे इधर सिर्फ पढ़ने आते हैं हाँ यस तो शार राइटली सेड फुली फोकस शाबाश बेटा सबा शाबाश अनुराग क्रिस्टल क्लियर शाबाश बेटा अभी मेरे दिखे मेरे सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं इसके लिए कुछ लिख नहीं रहे हैं एंड लेट द स्पेमर्स राइट एंड फिल द चैट बॉक्स एंड वी विल स्टडी है ऐसा हम्म चलो हाँ सेशन को लाइक किया कि नहीं किया चलो गुड गुड देखो सेशन को लाइक करो या नहीं करो लेकिन को को आज अच्छे अच्छे से से समझ समझ के के जाना जाना ठीक है को अच्छे से समझ के जाना। तो शी को कनेक्ट किसके साथ से चलो मैं वापस से बता देती हूँ क्या कर रही थी हमें पता था रिएक्टिविटी सीरीज में कि जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है हमें पता था कि जिंक में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही निकलेगा कॉपर तक जाएगा ही जाएगा लेकिन हमें यह कैसे पता लगाए कि बाकी और कोई मेटल्स आ जाए तो कौन ज्यादा रिएक्टिव कौन कम कम रिएक्टिव कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव लेकिन क्या जिंक किसी और से कम रिएक्टिव भी है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होने के नाते कॉपर को इलेक्ट्रॉन्स देता है पर क्या किसी और से कम रिएक्टिव होगा तो उससे इलेक्ट्रॉन लेगा भी सही तो ये तो बहुत बढ़िया पहेली सी बन गई इसको सुलझाने के लिए साइंटिस्ट ने एक रेफरेंस स्केल चुना और वो रेफरेंस था एस एच ई यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसकी ई नॉट रिडक्शन वैल्यू को क्या माना गया जीरो माना गया ठीक है अब अब e को जीरो माना गया गया, और जिंक के के साथ कनेक्ट कर दिया ठीक है? भी जो दो एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं रिएक्ट करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होता है तो तुमने इस एपरेटिस के जरिए तुमने इस एपरेटिस के जरिए ये फाइंड आउट कर लिया कि करंट के फ्लो का डायरेक्शन क्या है ठीक है करंट के फ्लो का डायरेक्शन किससे पता लगता है स्टूडेंट्स करंट के फ्लो का डायरेक्शन किससे पता लगता है करंट के फ्लो का डायरेक्शन किससे पता लगता है बेटा ये नहीं डिलीट हुआ है वो गैल्वनिक हर्षिता मौर्य बेटू ये तो मेन है इसके इसके बिना कुछ भी नहीं कर सकते अगर ये डिलीट हो गया तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिलीट हो जाएगी वो वो नहीं होते हैं जैसे एक दो एग्जाम्पल जो है वो वाले डिलीट हुए ये इलेक्ट्रोकेमिकल है, ये नहीं डिलीट हुआ है तो गैल्वेनोमीटर ठीक है बिल्कुल डिलीट नहीं हुआ किसी गलत फैमी में मत रहना ना यह बिल्कुल भी डिलीट नहीं हुआ तो गैल्वेनोमीटर के थ्रू अब प्लीज पे अटेंशन ना गैल्वेनोमीटर के थ्रू ये पता लगा लिया कि इलेक्ट करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में है करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में है जिसकी वजह से पता लगा क्योंकि कन्वेक्शनल करंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन फ्लो के डायरेक्शन से उल्टा होता है तो हमने ये पता लगा लिया कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिंक टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिंक से हाइड्रोजन की तरफ हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन का सोर्स कौन है जिंक ठीक है अनलॉक है? मतलब, कर मतलब, कौन है, है? तो कैथोड तो कौन है हाइड्रोजन टू जिंक तो पता लगा इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं जिंक टू कॉपर और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जहां से निकलते हैं वो एनोड बनता है ठीक है अब हम इक्वेशन लिखेंगे अपनी जो मैंने तुम्हें अभी अभी याद करवाई थी ना इक्वेशन वो क्या इक्वेशन थी जो अभी अभी याद करवाई थी वो इक्वेशन थी E नॉट सेल इज इक्वल्स टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड ठीक है E नॉट सेल अब हम बेसिकली वोल्ट मीटर रीडिंग पढ़ेंगे और हम देखने, देखने की कोशिश करेंगे कि जिंक से इलेक्ट शी uh, की तरफ जिंक से एसएचसी की तरफ जो इलेक्ट्रॉन बहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है दोनों टर्मिनल्स में वो पोटेंशियल डिफरेंस हम यहाँ लिख देंगे और वो पोटेंशियल डिफरेंस स्टैंडर्ड कंडीशंस में आया 0.76 वोल्ट ठीक है कैथोड कौन था कैथोड एसएचसी था एसएचसी को तो हमने जीरो मान रखा था और एनोड का हमको निकालना था सो दिस इज द इक्वेशन एक्स इज इक्वल्स टू जीरो माइनस एक्स एस टू पॉइंट सेवन सिक्स टू माइनस का जीरो पॉइंट सेवन सिक्स वोल्ट ये वैल्यू हमने नोट कर ली एज ऑफ जिंक टर्मिनल कि भैया विद रेफरेंस टू शी जिंक टर्मिनल का इनोट वैल्यू है माइनस का जीरो पॉइंट सेवन सिक्स वोल्ट अब सोचा चलो शी को कॉपर से कनेक्ट करके देखते हैं फिर से करंट के फ्लो का डायरेक्शन चेक किया इस बार करंट कहां से कहां बहा इस बार करंट बहा कॉपर टू शी करंट कॉपर टू शी दिख रही है सुई दिख रही है तुमको यहाँ पे करंट कहां से कहा ज्यादा हो रही थी मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन निकल करके कॉपर तक जा रहा था मोर रिएक्टिव कौन था जो डोनर था जो दाता था यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाज मोर रिएक्टिव वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा था और ये बन गया एनोड तो लो भैया गैलरोमीटर की मदद से अनलॉक हो गया कि एनोड कौन है और कैथोड कौन है ठीक है अब हमने एक इक्वेशन हमें पता है EMF का हमको पता है. E e e e e अब हमको तो पता है ना कि ये जो कॉपर है ये कैथोड है और जो शी है यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वो एनोड है तो एनोड की जगह मैं लिख देती हूँ जीरो क्यों क्योंकि शी का तो हमने एज्यूम किया हुआ है ना जीरो थर्ड कॉपर है जिसका हमको फाइंड आउट करना है निकालना है और तो एक्स तो की वैल्यू डायरेक्टली आ जाती है जीरो पॉइंट थ्री फोर वोल्ट और इसी को और इंच कर देते हैं हम रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड होता है जीरो पॉइंट थ्री फोर तो क्या ये वैल्यूज हम हर किसी के लिए नहीं निकाल सकते बारी बारी से सबको शी से कनेक्ट करो बारी बारी से सबको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करो पहले इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन चेक करो जिससे अनलॉक हो जाएगा कि कि कौन कौन है क्या कौन है फिर रीडिंग से ये चेक कर लो कि भाई कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस को यहां रख दो स्टैंडर्ड स्टैंडर्डीशन वाले को और शी का वैल्यू जीरो रख दो बच्चे वे जो इलेक्ट्रोड तुम्हारा एक्सपेरिमेंट वाला इलेक्ट्रोड है जिसके बारे में तुम जानना चाहते हो वो एक्स की तरह उसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी इज दैट क्लियर टू एवरीवन समझ में आ गया मैम पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बेटा दो टर्मिनल्स के बीच में चलो मैं इसको अच्छा सा समझाती हूँ इसको मैं अच्छा सा समझाती हूँ इसके बढ़िया एग्जाम्पल देखे मैं तुम्हें बताती हूँ व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस तो ये जो वैल्यूज हमारी निकल के आई ये सारी वैल्यूज हमने अरेंज कर ली इन द फॉर्म ऑफ सीरीज जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जिसको नाइन टेंथ में किस नाम से सुना था अभी नाइन टेंथ में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कोई बोलता है, पंचायती हो जाती क्या इलेक्ट्रॉन क्या केमिकल क्या, क्या है ये उतना पंचायती तुम्हारी सॉल्व नहीं कर पाते तो इसलिए तुमको क्या बता दिया रिएक्टिविटी सीरीज दिस इज एक्चुअली नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इसमें सारे एलिमेंट्स के रिडक्शन पोटेंशियल निकाल निकाल के उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा दिए गए हैं

कि जिंक से इलेक्ट्रॉन निकला और कॉपर की तरफ बढ़ा ऐसा क्यों हुआ कि जिंक से इलेक्ट्रॉन निकला और कॉपर की तरफ बढ़ा ये जो इनो रिडक्शन वैल्यूज है ना रिडक्शन वैल्यूज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, में, में है, इसको तुम इलेक्ट्रॉन्स की भूख बना सकते हो मतलब ये ये जो वैल्यू है वो इलेक्ट्रॉन्स की भूख है इलेक्ट्रॉन्स की भूख मान लो इसको भी लगी है और इसको भी लगी है इसको ये भी भूखा है ये भी भूखा है फिर भी फ्लो कहा से होएगा जो ज्यादा भूखा होगा वो खाएगा जो कम भूखा होगा वो देगा इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल माँ मा और बच्चा दोनों भूखे होते हैं ना माँ की थाली में भी एक रोटी है और बच्चे की थाली में भी एक रोटी है माँ को भी भूख लगी है बच्चे को भी एक भूख लगी है लेकिन माँ की थाली की रोटी भी कहां ट्रांसफर हो जाती है बच्चे की थाली में क्योंकि बच्चे को ज्यादा भूख लगी है तो तुम इलेक्ट्रोड तुम ये मान सकते हो कि दोनों को भूख लगी पर जिसको ज्यादा भूख लगती है अपने आप इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ से यहाँ होने लग जाता है ठीक है एक तरीका तो ये अगर तुम रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे नापना चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा जिसको ज्यादा भूख लगी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल इज द मेजर ऑफ द भूख ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के प्रति भूख का मेजरमेंट का पैरामीटर है रिडक्शन पोटेंशियल क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना आया था 0.34 और जिंक का आया था माइनस में मतलब कॉपर की भूख पॉजिटिव थी जिंक की नेगेटिव इसलिए जिंक से निकल के इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कहा आने लगे कॉपर की तरफ आने लगे इज दैट क्लियर सबको अच्छे से समझ में आया उसके अलावा अगर हम कहीं नहीं दोनों ही इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं सपोज तुम तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल टर्म्स में नापो कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं ठीक है दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स देना चाहते हैं लेकिन कौन ज्यादा देना चाहता है एक बच्चा माँ को कह रहा है माँ मेरी रोटी आप खा लो और माँ बच्चे को कह रही नहीं बेटा तू मेरी हिस्से खाना खा ले रोटी खा ले अब मुझे तुम ये बताओ फिर भी होगा क्या होगा तो वही ना कि वो रोटी माँ के से बच्चे की ही थाली में जाएगी समझ रहे हो बात को कि दोनों ही एक दूसरे को खिलाना एक बहुत अच्छी दोस्ती होती है ना नहीं मेरे हिस्से का तू ले बहुत अच्छे फ्रेंड्स वेरी गुड फ्रेंड्स मेरे हिस्से का तेरा है मतलब जो भी मेरे पास है वो तेरा है दूसरा का नहीं जो तो मेरे पास है वो तेरा है लेकिन नेट फ्लो से होगा जिसमें ये फीलिंग डोनर फीलिंग तो डोनर फीलिंग ज्यादा ज्यादा होगी होगी डोनर डोनर तो जिंक में ज्यादा थी कॉपर में कम ठीक है इसीलिए मैं इसका शॉर्टकट याद करवा देती हूँ कि जो ज्यादा रिएक्टिव है वो वो है जो डोनर है जो देता है और जो कम रिएक्टिव है वो वो है जो लालची है और इसी को मेजर हम इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की ये जो डेटा हमने निकाला ना ये सारा डेटा हमने प्रॉपर एक्सपेरिमेंट स्टैंडर्ड कंडीशन में कर करके निकाला है और फिर इनको अरेंज कर दिया अब मैं अगर ये बोल दूं कि ये जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज हैं ये इलेक्ट्रॉन के प्रति भूख का प्रतीक है इलेक्ट्रॉन के प्रति प्रति की स्पेलिंग गलत है भूख का मेजरमेंट है तो ये गलत नहीं होगा बेटा भूख का मेजरमेंट है ध्यान से सुनना बहुत मस्त कंक्लूजन पे आएंगे अपन इलेक्ट्रॉन के प्रति भूख अब तुम्हें पता है ना ये वैल्यूज बढ़ रही हैं यानी भूख बढ़ रही है यानी लालचीपन बढ़ रहा है यानी कैथोड बनने की टेंडेंसी नीचे की है यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिसकी वैल्यू ई नॉट वैल्यूडक्शन की ज्यादा पॉजिटिव होगी वो कैथोड बनेगा क्योंकि कैथोड तो भूखा होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और जिसकी वैल्यू लेसर होगी वो एनोड बनेगा क्योंकि एनोड को तो देना होता है इलेक्ट्रॉन तो उसकी बिल्कुल भूख नहीं होनी चाहिए उसकी तो माँ की ममता होनी चाहिए समझ में आया सबको क्लियरली Clear? समझ में आया तो हाँ, तो एनोड का डोनर नेचर बहुत अच्छा होता है और कैथोड का लालची नेचर बहुत अच्छा होता है एनोड यू मान लो एनोड माँ की ममता का प्रतीक है इलेक्ट्रॉन दे रहा है और कैथोड एक लालची का प्रतीक है ठीक है समझे बात को तो जिसकी भूख ज्यादा उसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी भी ज्यादा तो उसकी रिएक्टिविटी कम क्योंकि हम डोनर को मोर रिएक्टिव मानते हैं मैं तुम्हारे लिए थोड़े से एक शॉर्ट नोट्स बना रही हूं जो कि तुमको कंफ्यूज नहीं होने देंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले मैं लिख रही हूं जो मोर रिएक्टिव होता है ना बेटा जो मोर रिएक्टिव जिसको हम बोलते हैं इज इक्वल टू डोनर होता है ठीक है उसकी इलेक्ट्रॉन के प्रति भूख कम होती है इलेक्ट्रॉन के प्रति भूख कैसी होती है उसकी भूख कम होती है इसीलिए तो वो डोनर बनता है यानी कि उसका इनो रिडक्शन वैल्यू लेस होता है वैल्यू लेस <clears throat> होता है तो कैन आई राइट की मोर रिएक्टिव का इन रिडक्शन वैल्यू लेस है तो रिएक्टिविटी रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ इनोट कैन आई राइट दैट रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ ई नॉट देवेश बेटा पढ़ाई में ध्यान दो बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता मैं पढ़ा रही हूँ ना मैं सामने बार बार आ रही हूँ चैटबॉक्स पे फिर भी मैं पढ़ा रही हूँ हम पढ़ने आए हैं और हम पढ़ के जाएंगे सीख के जाएंगे समझ में आए बात को बेटा हुँ. तो ये हो गया तुम्हारा मोर रिएक्टिव रियक्टिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नॉट मतलब नॉट वैल्यू जितनी कम होगी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी जितनी नॉट वैल्यू कम होगी रिड्यू अच्छा व्हाट इज रिड्यूसिंग पावर रिडक्शन गेन होता है ना लेकिन रिड्यूसिंग पावर दूसरे को गेन करवाने की क्षमता होती है इसलिए जो मोर रिएक्टिव होता है उसकी रिड्यूसिंग पावर भी ज्यादा होती है तो मैं लिख रही हूँ रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग पावर इसको एक लाइन में लिखना रिड्यूसिंग पावर चलो मुझे आंसर दो जिंक और कॉपर में से किसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है Zink और कॉपर में से किसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है बोलो हाँ दूसरे को रिड्यूस करने की क्षमता वेरी गुड बेटा इशिका तो रिड्यूसिंग पावर किसकी ज्यादा है जिंक की ज्यादा शाबाश मेरे बच्चों धारवी अनुराग साहिल वेरी नाइस बच्चा वेरी गुड तो मेरे ख्याल से तुम्हें ये जस्ट नोट इट डाउन रिएक्टिविटी जिसकी ज्यादा है उसकी रिएक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू माकी ममता उसका ई नॉट वैल्यू कम होना चाहिए उसका लालच कम होना चाहिए ई नॉट वैल्यू तो वैसे भी इलेक्ट्रॉन के प्रति लालच को दर्शा रही है तो जिसका ई नॉट वैल्यू कम है जिसका ई नॉट वैल्यू कम है वो डोनर है और मोर रिएक्टिव है जिसका ई नॉट वैल्यू ज्यादा है उसका लालच ज्यादा है वो लेस रिएक्टिव है

चलो आगे बढ़ते हैं ये करके दिखाओ जरा अब अगर तुमको अच्छे से समझ में आ गया बेटा तो आई एम गोइंग टू टेस्ट यू मोनिका मैम बिना के तो छोड़ेगी नहीं तुमको तो यूजिंग द डेटा गिवन बिलो फाइंड आउट द स्ट्रॉगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट सबसे ज्यादा तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है अच्छा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट को ही हम सबसे ज्यादा रिएक्टिव भी बोलते हैं बेटा क्विकली बताओ क्विकली बताओ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है ज्योतिका कह रही है बी जबकि कुशाल कह रहे हैं सी वंशिका कह रही है क्रोमियम प्लस थ्री अंजलि बेटा ज्यादा देर नहीं चलेगी बस अब सवाल करा रही हूँ छोड़ रही हूं क्लास जितना पढ़ाना था आज मैंने पढ़ा दिया आज रिवीजन के लिए बोलूंगी सी या बी बी और सी में कंफ्यूजन हो रहा है ना बी और सी में कंफ्यूजन हो रहा है ना क्लियर करते हैं विल यू पे अटेंशन फॉर द नेक्स्ट वन मिनट ऑल द फेमस साइड आई यू रेडी टू पे अटेंशन तुमने ये तो पता लगा लिया मैम ये तो लालच की वैल्यूज हैं ये तो लालच के मेजरमेंट्स हैं अब जिसका लालच सबसे कम होगा वही तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट डोनर नेचर को बोलते हैं डोनर नेचर तो डोनर कौन होगा जिसका लालच सबसे कम होगा सबसे कम लालच कहाँ है इसको मैंने अब यहाँ तुम कंफ्यूज हो गए कि मैम सी आर थ्री प्लस को मार्क करें कि सी आर को मार्क करें बोलो सही बोल रहे हो ना यहां तुम हो गए क्या करना है Confusion दूर होने, करने के लिए एक बात बोलो क्रोमियम इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा कि क्रोमियम प्लस थ्री। क्रोमियम प्लस तो पहले ही लुटा पिटा है इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है ही ऑलरेडी क्रोमियम प्लस थ्री का मतलब है इसके तीन इलेक्ट्रॉन ले जा चुके हैं तो कौन अच्छा डोनर नेचर दिखाएगा तुमसे डोनर नेचर के बारे में पूछ रहे हैं रिड्यूसिंग नेचर मतलब डोनर नेचर क्रोमियम बी इज द करेक्ट आंसर समझे

स्ट्रांगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्विकली जल्दी से गौरव बेटू पढ़ाई करो प्लीज है ना अगर सच में मैम का रिस्पेक्ट करते हो सच में मैम से अटैच्ड हो तो अच्छे से पढ़ाई करो बेटू सब चीजें यहीं की ही रह जाती हैं हमारे साथ सिर्फ हमारी सक्सेस चलती है बेटा आपके साथ सिर्फ आपकी लिखी हुई कहानी चलेगी और उसी कहानी को लिखने में मदद कर रहा है हर वो एडुकेटर जिसकी तुम रिस्पेक्ट करते हो चाहे वो मैं हूँ चाहे वो कोई भी हो ठीक है सी ऑल राइट हम्म चलो फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो लालची को बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट अगर डोनर को बोला है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलेंगे लिख लो इन शॉर्टकट्स को ये मैम के शॉर्टकट्स तुम्हारे बहुत काम आएंगे बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल्स टू लालची अब लालची कौन होगा यार जिसका लालच सबसे ज्यादा चेक कर लो सबसे ज्यादा लालच किसका है सबसे ज्यादा लालच दिखाई दे रहा है मुझे इसका ठीक है अब इसमें भी दो स्पीशीज है सेम वही रगड़ा पीटी एम एन ओ फोर माइनस में एम एन टू एम एन सेवन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट है और एम एन टू प्लस में टू प्लस है अब मुझे बताओ यार कि सेवन प्लस ज्यादा लालची होगा कि टू प्लस सेवन प्लस जो है वो तो बहुत बौखलाया हुआ है उससे सात इलेक्ट्रॉन निकाल रखे हैं सेवन प्लस से सात इलेक्ट्रॉन निकाल रखे हैं और इससे तो दो ही निकाले हैं तो कौन ज्यादा तड़पा हुआ है इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो बताओ मुझे तुम कौन ज्यादा तड़पा हुआ है इलेक्ट्रॉन्स के लिए हाँ प्लस सेवन वेरी नाइस प्लस सेवन इज मोर तड़पा हुआ तो मोर लालची इसका मतलब सी इज द करेक्ट आंसर ना एम एन ओ फोर माइनस क्योंकि तुम्हें कंफ्यूजन क्या है तुम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब लालची है वो तुम जानते हो क्लियर लालच का प्रतीक है ये मैग्नीट्यूड्स ये भी तुम जानते हो तुमने नाप लिया कि भाई 1.33, 1.36 माइनस जीरो में सबसे ज्यादा लालच तो यही है अब कंफ्यूज हो गए कि इसको ज्यादा बताएं कि इसको ज्यादा बताएं तो लालची वो होगा जिसके पास ज्यादा कमी होगी जिसके जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही कम होंगे तो फिर वो एम एन प्लस सेवन होना चाहिए आपको दे रखे हैं सबसे ज्यादा हाइएस्ट रिड्यूसिंग कैपेसिटी किसकी है सबसे ज्यादा हाइएस्ट रिड्यूसिंग कैपेसिटी किसकी है क्विकली hmm? ज्योतिका कह रही है लिथियम सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिड्यूसिंग कैपेसिटी रिड्यूसिंग कैपेसिटी डोनर नेचर मां की ममता रिड्यूसिंग कैपेसिटी रिड्यूसिंग एजेंट ये कौन होते हैं ये होते हैं डोनर्स और डोनर्स का लालच सबसे कम होना चाहिए माँ का लालच तो सबसे कम होता है ना गुरु का लालच भी कम होता है माँ का लालच भी कम होता है तो क्योंकि उसका लालच बिल्कुल नेगेटिव है ही नहीं उसको कुछ चाहिए ही नहीं ठीक है अगला क्वेश्चन करें इन गैल्वेनिक सेल क्या होता है केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूसेस केमिकल रिएक्शन NOD, you, बेटा, प्रियांशु मैं मुझे पहले से डर खत्म हो गया बेटा फिजिकल में भी मेरे साथ कनेक्टेड है ना फिजिकल का भी डर खत्म हो जाएगा बिल्कुल खत्म हो जाएगा प्रॉमिस यू आई एम वर्किंग डे एंड नाइट्स फॉर यू एंड मेरा यही मतलब मेरा चस्का ही यही है मेरा पैशन ही यही है मेरे बच्चों का केमिस्ट्री का डर बिल्कुल खत्म कर देने का ऑल राइट तो केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड जीरो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बिकॉज नेक्स्ट फटाफट करो क्विकली Hmm. हाँ, तय किया था तो हमने मान लिया बस उसको तय कर दिया समझे बात को तो इसी तरह से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल भी हमने जीरो तय कर दिया ये वाला करो नेक्स्ट वाला द सेल देश जो मैंने फॉर्मूला बताया था वो अप्लाई करो बेटा मुझे नहीं पता है राघवेंद्र तिवारी प्लीज फैम नहीं करो जो तुम पूछ रहे हो मुझे नहीं पता है सी, ओके वेरी गुड बेटा नॉट इज इक्वल्स इक्वल्स टू नॉट, नॉट सेल इज़ ठीक है, है, है. है कैथोड right होता है तो कैथोड का पोटेंशियल डिफरेंस है 0.80 पॉइंट मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 0.80 और इसका है माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव तो दोनों चीज ऐड हो जाएगी और आ जाएगा वन चलो ये जो रिएक्शन तुम्हारे सामने इंडिकेटेड है इसका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कितना होगा करो क्विकली जल्दी जल्दी फटाफट फड़ से सी इज द करेक्ट आंसर ओके तो चलो देखते हैं कितना वॉट विल बी द द स्टैंडर्ड सेल सेल पोटेंशियल ऑफ अ विद फॉलोइंग रिएक्शन दिल पोटेंशियलोइ रियक्शन जीरो से प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में आया है और कैडमियम अपने प्लस टू से जीरो में आया है. मतलब ये तो इसका तो ऑक्सीडेशन हुआ है ऑक्सीडेशन कैसे पहचानते हो तुम ऑक्सीडेशन कैसे पहचानते हो जीरो से प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में आया है, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है प्लस टू से जीरो में गया है मतलब रिडक्शन हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया तो ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन नंबर घट गया तो रिडक्शन ठीक है ऑक्सीडेशन रिडक्शन अब तुम क्या करते हो नॉट से ना इनोट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड अब ए नॉट कैथोड क्या चीज है इसमें रिडक्शन वाला कैडमियम माइनस कॉपर कैडमियम माइनस क्रोमियम करना पड़ेगा तो कैडमियम कितना है कैडमियम में माइनस का जीरो पॉइंट फोर जीरो माइनस जीरो पॉइंट फोर जीरो माइनस क्रोमियम कितना है माइनस जीरो पॉइंट सेवन फोर यानी कि माइनस जीरो पॉइंट फोर जीरो प्लस जीरो पॉइंट सेवन फोर तो ये हो जाएगा जीरो पॉइंट थ्री फोर तो सी इज द करेक्ट आंसर हेलो स्टार्ट कर देते हैं हाँ तो चलो स्टार्ट कर देते हैं नास्ट इक्वेशन अभी कल एक वन शॉट तो आ रहा है फॉर श्योर sure. अब क्या आ रहा है सुबह कल इवेंट लग जाएगा देख लेना ठीक है तुम लोगों ने अपने दे, दे हैं। uh, यार, नंदन अभी तो दिया था लास्ट uh, फ्राइडे को वन शॉट भाई साहब फुल सिलेबस का तुम ये क्यों नहीं कह देते हो साफ साफ कि मैम बोर्ड का जो 2021 का क्वेश्चन पेपर है वो ही ले आओ कहीं से जुगाड़ करके और वो ही करा दो आप तो। मतलब ये हमको पढ़ना ही ना पड़े मतलब ऐसा शॉर्टकट ले आओ आप तो है भाई यही है ना तुम्हारा सब समझती हूँ तुम्हारी भावनाओं को सब पता है मुझे ठीक है तो चलो मैं कल बताती हूँ आपको किस चीज का वन शॉट ला रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी ले सकते हैं वैसे ठीक है तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इक्वेशन क्या पढ़ा था मैं फटाफट से रिव्यू करा रही हूँ क्योंकि तो कनेक्शन हमको वहीं से बिठाना पड़ेगा जो हम पढ़ चुके हैं बच्चों हमने ये पढ़ा अभी ध्यान देना पे, अटे, पे अटेंशन टू तो द क्लास प्लीज फोकस स्टूडेंट्स हमने ये पढ़ा था कि दो डिफरेंट कनेक्टिविटी वाले एलिमेंट्स को जब हम ज्वाइन कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम मोर रिएक्टिव टू तो लेस रिएक्टिव तो हमने जिंक कॉपर का एग्जाम्पल लिया तो हमने ये देखा कि जिंक मोर रिएक्टिव होता है और कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव होता है तो जिंक हमेशा मोर रिएक्टिव डोनर होता है और लेस रिएक्टिव एक्सेप्टर होता है मैंने कल तुम्हें बताया था जो मोर uh, रिएक्टिव होता है उसको तुम किस चीज से कंपेयर कर सकते हो कि वो हमेशा दूसरे को देता है और जो लेस रिएक्टिव होता है वो छीनता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये नियम है इसको कहीं लिख लेना ठीक है मोर रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव अब इसी इलेक्ट्रॉन के फ्लो का फायदा उठाते हैं। हम ह्यूमन बींग्स जो बड़े स्मार्ट है नेचर में होने वाली अपने आप जो चीजें हो रही हैं उनका फायदा उठा लेते हैं उनका किसी ना किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं ट्रांसफॉर्म कर देते हैं तो यहां हमने इस इलेक्ट्रॉन फ्लो को किस चीज में यूटिलाइज कर लिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में यूटिलाइज कर लिया तो ये था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बट किसने बताया कौन सी क्लास में बताया कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव कॉपर कम रिएक्टिव क्योंकि हम तो बचपन से ये चीज पढ़े हुए कि मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट सोल्यूशन विच इज मोर रिएक्टिवकोर्स मैम जिंक इज मोर रिएक्टिव टोल्ड यू दैट मैम नाइन टेंथ में पढ़ा था हमने रिएक्टिविटी सीरीज में, में, में था। अब हम 12th में ट भी खत्म हो रही है हमारी अब हम ये जवाब नहीं देंगे में पढ़ा था रिएक्टिविटी रिएक्टिविटी सीरीज सीरीज में जिंक इज मोर रिएक्टिव वी हैव टू नो की आई कहां से बनाई गई इज द तरीका वट इज द मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज एंड वॉट इज रिएक्टिविटी सीरीज एक्चुअली नेम्ड एज तो रिएक्टिविटी सीरीज का एक्चुअल नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इसको बनाने का तरीका ये था कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर स्टैंडर्ड प्रेशर एंड स्टैंडर्ड कंसेंट्रेशन यानी ऑल द कंडीशन आर स्टैंडर्ड यू हैव कंडीशन कंडीशन। कंडीशन सेम, यू चेंज द एक एक सिमिलर में मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स करते हो, तब सेट ऑफ रिजल्ट आता है सामने। तो तुमने तुमने स्टैंडर्ड 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 क्या रखी? प्रेशर, और तुमने ऐसे रेफरेंस बना लिया जिसका करते गए. तुमने पाया कि कुछ मेटल्स शी से थे, जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था कुछ मेटल्स शी से कम रिएक्टिव थे जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव में आ रहा था बट यू मेड श्योर कि सारे के सारे कैलकुलेशंस जो किए गए हैं सारे की सारी ऑब्जर्वेशंस जो हैं तुम्हारी वो सब स्टैंडर्ड कंडीशंस को ध्यान में रखती हुई की गई हैं मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर स्टैंडर्ड प्रेशर एंड स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये कहता है कि अगर कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं हो और इन कंडीशन को हम बदल दें

कंसेंट्रेशन बदल बदल के जो सेल पोटेंशियल वैल्यूज हैं वो नोट करने की एक्सपेरिमेंट्स uh, के एंड ही ऑब्जर्व कि यस yes, कंसेंट्रेशन बदल दिया जो हमने स्टैंडर्ड कंसेंट्रेशन लिया था ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के टाइम पे वन एम कंसेंट्रेशन लिया था सारे एक्सपेरिमेंट वन एम पे किए गए थे इन्होंने 1 मोलैरिटी कंसेंट्रेशन चेंज करके कुछ कुछ कंसेंट्रेशन करी बहुत साल लगाए और फाइनली ही केम अप विद द एक्सप्रेशन कि एक रिलेशन एक मैथमेटिकल रिलेशन पे ये कंक्लूड किया इन्होंने कि हाँ भाई ये रिश्ता है किस तरीके से जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में स्टैंडर्ड कंडीशंस में नापेगी वो किस फॉर्मूले के हिसाब से आप बदल सकते हैं तो पहिये का आविष्कार तो कर दिया नंस ने आपको बार बार नहीं करना आपको सिर्फ क्या करना है इक्वेशन को याद करना है इज दैट क्लियर टू एवरी आपको नंस इक्वेशन ये नहीं आप दोबारा से पहिए आविष्कार लेके बैठ जाओ वो उन्होंने कर दिया उन्होंने सालों लगा दिया अब हमें उस टाइम में नहीं जाना ठीक है हमें बोर्ड का एग्जाम देना है वी वी नीड टू लर्न कि वो एक्सप्रेशन क्या है और उसको कैसे अप्लाई करना है तो क्या है मैंने तुम्हें बता दिया Nance ने जो एक्सप्रेशन दिया था दो तरीके के सेल्स पे दिया था एक तो दिया था हाफ सेल पे और एक फुल सेल पे वट इज दिस हाफ एंड फुल सेल हाफ सेल एंड फुल सेल ठीक है हाफ सेल एंड फुल सेल अच्छा कल एक डाउट आया था कमेंट बॉक्स में आई थिंक आई इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली तो कि भाई मैम रिड्यूसिंग कैपेसिटी तो भाई उसकी ज़्यादा होगी ना जो जल्दी रिड्यूस होगा तो मैंने उसमें लिखा भी था आंसर कमेंट बॉक्स में कि रिड्यूसिंग कैपेसिटी खुद को रिड्यूस करने की कैपेसिटी नहीं होती रिड्यूसिंग कैपेसिटी दूसरे को रिड्यूस करने की कैपेसिटी होती है रिड्यूसिंग कैपेसिटी रिड्यूसिंग एजेंट के पास होती है अगर मैं एक रिड्यूसिंग एजेंट हूँ मेरे पास में ये जो स्मार्ट पेन है इसको मैं एक इलेक्ट्रॉन बना लेती हूँ तो मेरी रिड्यूसिंग पावर या मेरी रिड्यूसिंग कैपेसिटी किसने पूछा था ये सवाल बेटा कम फॉरवर्ड नैंसी ने पूछा था किसने पूछा था कम फॉरवर्ड इन द चैट बॉक्स कि मैं अगर एक रिड्यूसिंग uh, एजेंट हूं तो मेरी रिड्यूसिंग पावर या रिड्यूसिंग कैपेसिटी इस इलेक्ट्रॉन को मैं कितनी आसानी से डोनेट कर सकती हूँ इस पर निर्भर करती है मेरी रिड्यूसिंग कैपेसिटी ये नहीं कि मैं कितनी जल्दी रिड्यूस हो जाऊं मेरी है कि मैं दूसरे को कितनी जल्दी समझे reducing... अच्छा एक बात बताओ what is donor capacity? बताओ इलेक्ट्रो की एनसीआरटी में उसमें करवा दूंगी बेटा स्पेशल क्लासेस में इशू yes, का पवार आर एब्सोल्युटली करेक्ट तो व्हाट इज डोनर कैपेसिटी दूसरे को डोनर donor... जैसे डोनेट करते ना कोई कोई पैसे डोनेट करता है कोई मदद करता है एनजीओ वगैरह होता है ना तो कहते हैं इस, इस है. तो डोनर कैपेसिटी क्या होती है दूसरे को तो पैसे देने की कैपेसिटी या पावर होती है खुद लेने की थोड़ी होती है तो रिड्यूसिंग कैपेसिटी खुद रिड्यूस होने की थोड़ी होती है दूसरे को रिड्यूस करने की होती है तो आई थिंक यू हैव गॉट इट ठीक है समझ गए कैपेसिटी ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन यस रुचा पटेल एब्सोल्युटली करेक्ट ऑलराइट चलो मैंने डाउट सॉल्व कर दिया एंड लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन नॉन्स इक्वेशन नाउ दो तरह के होते हैं हाफ सेल एंड फुल सेल अभी मैं हाफ सेल की लिख रही हूँ मतलब वन टर्मिनल की कि कोई भी सेल जब कंस्ट्रक्ट होता है तो दो टर्मिनल्स के थ्रू होता है दो मेटल्स आपस में कनेक्ट होते हैं लेकिन एक बार हम हाफ सेल पे कॉन्सनट्रेट करेंगे हाफ सेल के लिए नॉन्स इक्वेशन लिखी जाती है ई इज इक्वल्स टू ई रिडक्शन लिख लो ई रिडक्शन इज इक्वल्स टू ई नॉट रिडक्शन प्लस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन कॉपी पेन लेके बैठना मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी लॉग ऑफ ऑक्ड स्टेट अपॉन रिड्यूज स्टेट इसको नोट कर लो बच्चा चाहे आपको कितने भी तरी अच्छे से आती हो कितने भी अच्छे से आती हो जस्ट नोट इट डाउन कितने से भी अच्छे से आती हो जस्ट नोट इट डाउन ऑल राइट हाँ इंशा बेटा पहले एक बार इस पे ध्यान दो so E E एक चीज मालूम है कि मैक्सिमम बच्चों को नॉट ऑल मैक्सिमम बच्चों को तो कंफ्यूजन होता है।, uh, हो है इधर लिख रही हूँ प्लस टू प्लस वन इलेक्ट्रॉन एफ ई प्लस टू बना रहा है एफ ई प्लस थ्री प्लस वन इलेक्ट्रॉन ठीक है सपोज ये एक इक्वेशन है एफ ई प्लस टू बना रहा है एफ ई प्लस थ्री प्लस वन इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीडाइज स्टेट कौन सी है ये है या ये है बताओ जरा पहले तुम मुझे बताओ फिर मैं हिंट देके करवाऊंगी जिनको नहीं आता जिनको ये आइडेंटिफाई नहीं करना आता उनको मैं हिंट देके करवाऊंगी मतलब एक तरीका बताऊंगी ट्रिक के थ्रू करवाऊंगी फिलहाल तो आप बताओ कितने को आता है जल्दी स yes, भाविनी धमीजा अमन खुशहाल वेरी गुड बेटा काफी बच्चों को तो आता है मेरा तो ऑब्जर्वेशन तुम लोगों पर गलत देख रहे हो तुम तो बड़े खुशहाल बच्चे हो प्लस थ्री तो प्लस थ्री इज द राइट आंसर अब तुम्हें मैं सिंपल सी ट्रिक दे रही हूँ अब इस स्ट्रिक के बाद में कोई कंफ्यूज नहीं होना लिख लो अपनी कॉपीज में ये पॉजिटिव चार्ज है ना ये ऑक्सीडेशन स्टेट है ना बहुत सिंपल बात बोलूंगी जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है वो ऑक्सीडाइज स्टेट है जिस पे ये न्यूमेरिकल वैल्यूज ज्यादा है ना वो ऑक्सीडाइज स्टेट है अगर मैं यहाँ एक लिखू कॉपर टू प्लस दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और बना रहा है कॉपर तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है तो प्लस टू और जीरो में से कौन ज्यादा होता है प्लस टू ज्यादा होता है ना तो प्लस टू इज ऑक्सीडाइज स्टेट अगर मैं लिखूं जेड एन प्लस टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन बना रहा है ठीक है अब तुम खुद देखो इसमें प्लस टू का चार्ज है और उसमें जीरो चार्ज है तो किसका ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन स्टेट वो नंबर है जो ऊपर पावर में लगा हुआ है जीरो बड़ा नंबर है कि टू बड़ा नंबर है टू बड़ा नंबर है ना तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है वही तो आइडेंटिफाई तो करना तो बहुत ईजी है और आइडेंटिफाई किया नहीं फॉर्मूला बन जाता है फॉर्मूला बन गया अब कैसे अप्लाई करना है सुनो फॉर हाफ सेल अगर तुम हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल निकालना चाहते हो तो एक्चुअल रिडक्शन पोटेंशियल इज पोटेंशियल प्लस जीरो पहचानना क्वेश्चन बनाई थी वॉट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू एक्चुअल रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिशन पोटेंशियल में क्या रिलेशन है वो इन्होंने इसके थ्रू बताया कि ये relation है भाई n अपॉन nf uh, ln mn अपॉन m ऑक्सीडाइज स्टेट अपॉन रिड्यूस्ड अब प्लस और माइनस में भी लोचा रहता है करेक्ट प्लस और माइनस में भी लोचा रहता है कि मैम प्लस लगाना है कि माइनस लगाना है जब तुम प्लस लगाते हो तो ऑक्सीडाइज स्टेट ऊपर ले आओ जब तुम माइनस लगाते हो ई नॉट रिडक्शन जब तुम माइनस लगाओगे कोई दिक्कत नहीं है रिड्यूस्ड स्टेट ऊपर ले आओ कितना सिंपल है रिड्यूस्ड स्टेट ऊपर ले आओ प्लस लगा रहे हो तो ऑक्सीडाइज स्टेट ऊपर माइनस लगा रहे हो तो रिड्यूस स्टेट ऊपर अब तुम देख लेना कि तुमको कैलकुलेशन किस चीज में इजी लग रहा है उस हिसाब से फॉर्मूला यूज कर लेना सिंपल मैथ्स है और कुछ भी नहीं है यह सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू हमने पुट कर दी इस फॉर्मुले में आर की टी की एफ की क्योंकि टेम्परेचर तो तुमने स्टैंडर्ड लिया हुआ है फैराडे नंबर कॉन्स्टेंट होता है गैस कॉन्स्टेंट की वैल्यू फिक्स्ड होती है तो जितनी भी कॉन्स्टेंट्स हैं सारे पुट किया आपके लिए आसान बनाने के लिए एंड वी हैव कम अप टू दिस फॉर्मूला हाफ सेल का रिडक्शन इज एबल टू नॉट रिडक्शन प्लस जीरो पॉइंटाइज और अब लॉग log एंटीलॉग -log आपको परेशान नहीं करेंगे क्योंकि log anti -log का वीडियो में बना चुकी हूँ तुमको अच्छे से सिखा चुकी हूं अब मत बोला मैम log -log में टकते हैं और जिन बच्चों ने नहीं देखा है ना वो मोनिका मैम लॉन्ग एंटीलॉग YouTube पर डालो मिल जाएगा ठीक है तो ये अब न्यूमेरिकल्स हमको सॉल्व करने सॉलिड्स की कंसेंट्रेशन वन लेना फॉर्मुले के अंदर अगर कोई सॉलिड आता है तो उसकी कंसेंट्रेशन क्या आएगी वन आएगी ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं फिर से लिख रही हूँ ईजिक्वल्स टू ई नॉट प्लस लिख लो वापस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए हैं लॉग ऑफ जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है वो ऊपर आएगा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम है वो नीचे आएगा ठीक है माइनस लगा दोगे तो रिवर्स हो जाएगा लेट अस स्टार्ट डूइंग यू बच्चों फटाफट से करो देखिए क्या आंसर लेके आते हो एंड टेक इट एज अ टेस्ट इवैल्यूएशन टेस्ट क्विकली स्टूडेंट्स, नहीं इसको बेटा सबा हाफ सेल रिडक्शन अभी मैं आधे ही सेल पे हूँ मैं अलग अलग टर्मिनल बहुत कॉन्सेप्चुअल डीप में जाएंगे आज जा अपन चिंता ना करो है ना ये आधे आधे सेल का है करो फटाफट आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करो मैं आगे से हट गई हूं मी सी हु इज़ हुई अभी तो बहुत डिटेल में जाना है अपन को अभी तो आधा सेल पढ़ रहे फिर पूरा सेल पढ़ेंगे फिर उसके बाद में इक्विलिब्रियम में सेल आएगा फिर उसके बाद में काम निकालेंगे सेल से सारे फार्मुल्स पढ़ने आज क्लास चलेगी मिनिमम टेन फिफ्टीन टेन थर्टी तक भी चल सकती है हेलो आंसर स्टूडेंट्स हेलो शिवानी टफ लग रहा है दीक्षा अभी मैं सॉल्व करवाऊंगी बिटू बहुत ईजी लगेगा कैसे हटू आगे से आगे से हटना पड़ेगा डिटेल्स देखने के लिए खुशहाल को भी टफ लग रहा है अरे नहीं यार इजी तो है ऋषभ कह रहे हैं जीरो पॉइंट टू सेवन वन अमन कह रहे पॉइंट थ्री वन जीरो टा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, के रेड्यू सिलेबस के बारे में तुम लोग को कंफ्यूजन हो रहा है गोइंग टू मेक अ वीडियो मैं एक वीडियो बना दूंगी बेटा फॉर्मूले में वैल्यूज तो डाल लो योगेश तुषार तो शार्ट टू एट वन और साहिल मंजू कह रही है पॉइंट टू एट अंजलि को टफ लग रहा है अभी बिल्कुल सॉल्व मैं करवा देती हूँ देखो टफ नहीं लग रहा कुछ भी टफ नहीं है एक है स्टैंडर्ड कंडीशंस में नापी गई वैल्यू एक है स्टैंडर्ड कंडीशन बदल देने पर नापी गई वैल्यू और इन दोनों में क्या रिश्ता है वो है नॉन स्टिक्वेशन क्या टफ है इसमें एक है जिसमें हम कंसेंट्रेशन को फिक्स कर देते हैं वन एम एक है जिसमें हम कंसेंट्रेशन बदल देते हैं कुछ भी बदल देंगे तो मैथ्स के फॉर्मूले बनाते हो ना तुम मैथमेटिक्स में फॉर्मूले बनाते हो ना बहुत सारी चीजें पढ़ते हो तो एक दूसरे की रिलेशन को ही तो पढ़ते हो ये पता लग एक्स पता हो तो, वो कैसे, find out, X पता हो तो y कैसे निकाल सकते हैं y पता हो तो X कैसे निकाल सकते हैं तो तो कंसेंट्रेशन तो e है मतलब है, तो जो तुमने बदली वन एम तो स्टैंडर्ड थी अभी तुमने बदल दी तो रिडक्शन पोटेंशियल में क्या बदलाव आएगा वो इस फॉर्मुले से कैलकुलेट होगा जो मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ e कहते हैं ये निकालने के लिए आए

अपॉन क्या हो रहा है यहाँ पे सी टू प्लस हो रहा है. दो एक्सेप्ट कर रहा है और बना रहा है ये तो सब कोई में आ रहा है इसमें ऑक्सीडाइज तो ये, ये स्टेट, स्टेट कैसे पहचान ने सिखाया जिसके ऊपर है वो ऑक्सीडाइज स्टेट है तो चार्ज सी टू प्लस पे ज्यादा है और सी यू टू प्लस की कंसेंट्रेशन है टेन की पावर माइनस टू भैया अब क्या दिक्कत है इज इकुल्स टू जीरो पॉइंट थ्री फोर प्लस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन अपॉन टू लॉग एम रेस टू पावर एन इज इक्व टू एन लॉग एम मतलब माइनस टू इधर गिर जाता है इधर ये मैंने किसमें सिखाया था लॉग एंटी लॉग वाले सेशन में सिखाया था लॉग एम रेस टू द पावर एन इज इक्व टू एन लॉग एम तो ये आ जाएगा माइनस टू लॉग टेन लॉग टेन तो वन होता है तो मैं नहीं लिख रही लॉक टेन की वैल्यू टू से टू कट जाएगा इट विल बिकम जीरो पॉइंट थ्री फोर ठीक है तो जिन जिन बच्चों का ये सही हुआ तो वो बच्चे अपने को टू मार्क्स दे, दे देंगे और राइट सेल्फ इवेलूएशन साथ साथ करेंगे अगला सवाल आप लोगों के लिए आ चुका है बोर्ड पे फटाफट से सॉल्व करना शुरू करें सेम फॉर्मूला लिख के जल्दी से स्टूडेंट्स देखते हैं कि कौन इसका सही आंसर निकालता है इजी लगा ट्राई करो बेटा। बेटा। थैंक थैंक यू यू खुशबू, सो मच लॉग एक चीज लिखना लौक लौक बस। लौक लौक मैंने वो सेशन कर दिया है और वो बहुत बढ़िया सेशन उसको देख लेना अच्छे से आ जाएगा टू मार्क्स डन शर्मा टेन की पावर माइनस टू कहाँ से आया मैम ओके okay. इसको क्या बोलोगे बेटा जीरो पॉइंट जीरो वन को टेन की पावर माइनस टू ही तो बोलोगे बेटू जीरो hmm. पॉइंट डबल जीरो वन को क्या बोलोगे टेन की पावर माइनस थ्री थैंक यू वैष्णवी रियल ह्यूमन समझ में आ गया बिल्कुल क्लियर है योगेश जहाँ पे यूट्यूब वीडियो चल रहा है वहां राइट साइड में टॉप पे तुम्हें मैं थ्री डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे उन उनपे क्लिक करो रेजोल्यूशन सेवन ट्वेंटी कर लो तुषार तो का आंसर आ गया है एंड इवन प्रियंका का भी आंसर आ गया है माइनस टू पॉइंट फोर टू माइनस टू पॉइंट थ्री वन तो लेटमी सी की कि किसका सही है माइनस इंशा का माइनस टू पॉइंट फोर फोर एट फाइव आ रहा है और मंजू का भी माइनस टू पॉइंट फोर फोर एट फाइव आ रहा है तो चलो देखते हैं कि किसका सही है लेट मी चेक पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगी एज यूजल ताकि जिन बच्चों को अभी भी नहीं समझ में आया उनके लिए एकदम अच्छे से क्लैरिटी हो जाए ई रिडक्शन इज इक्वल्स टू ई नॉट रिडक्शन प्लस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन अपॉन एन लॉग ऑफ ऑक्सीडाइज स्टेट अपॉन रिड्यूज स्टेट ऑल राइट क्या हो रहा है इधर मैग्नीशियम का रिएक्शन हो रहा है एम जी प्लस टू दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके मैग्नीशियम बना रहा है रिडक्शन इक्वेशन हो रही है ये एन की वैल्यू आ गई हमारे पास टू है अब फॉर्मूले में डालो ई नॉट रिडक्शन कितना माइनस टू पॉइंट माइनस टू पॉइंट प्लस जीरो ऑफ ऑक्सीडाइज स्टेट एम जी टू प्लस हुई ना जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है वो ऑक्सीडाइज स्टेट हुई ठीक है तो ऑक्सीडाइज स्टेट की कंसेंट्रेशन टेन की पावर माइनस थ्री और रिड्यूस स्टेट मैग्नीशियम है तो मैंने बताया था सॉलिड्स के केस में आपको वन लिखना है तो ये क्या हो जाए माइनस टू पॉइंट थ्री सिक्स प्लस जीरो पॉइंट जीरो टू नाइन फाइव देखो बेटा ये मोस्टली एन की वैल्यू टू होती है तो मैंने तो ये याद किया हुआ है पॉइंट जीरो फाइव नाइन डिवाइडेड बाई टूस टू पॉइंट जीरो टू नाइन फाइव एग्जाम्स में टाइम वेस्ट नहीं होता इससे क्योंकि नाइनटी परसेंट क्वेश्चन में ये वैल्यू टू होता है तो मेरे को ये याद रहता है पॉइंट जीरो टू नाइन फाइव तो आप भी याद कर लेना ठीक है और ये इधर गिर जाएगा इसका क्या है ये तो इधर गिर जाएगा ये क्योंकि log m रेस टू द पावर n इज इक्वल टू n log m माइनस थ्री इधर गिर जाएगा और लॉग टेन तो वन होता है तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इसको थ्री से मल्टीप्लाई कर दो इसको माइनस में दोनों फाइनल आंसर माइनस में आएगा एंड फाइनल आंसर इज टू पॉइंट तो जिन बच्चों का सही गया है वो बड़े मस्त तरीके से अपने आप को टू मार्क्स और दे दें ठीक है एंड जिन बच्चों का गलत गया है वो कॉन्फिडेंस लूज नहीं करेंगे वो सीखेंगे कि हमने क्या गलती करी है और नेक्स्ट क्वेश्चन में उसको अप्लाई करेंगे ठीक है

इलेवेंथ जिसमें फैला के आए मैं वही वाली क्लास है तो आयन क्या हो टेन की पार माइनस पी एच मैम ये कैसे हो गया ये मैथ्स इसमें भी फैलाया लेकिन इसमें भीवंथ में नहीं फैलाया ऐसे एक्सप्रेशन डेवलप करने नाइन टेन से फैला के आए ठीक है तो एच प्लस इज इक्वल्स टू टेन की पार माइनस पी एच करो भाई इक्वेशन में लिख देती हूँ एच प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन बना रहा है हाफ एच टू करो स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी फिफ्टीन क्वेश्चन से अभी हम सिर्फ थर्ड क्वेश्चन पे ही हैं मैम अगर डेसिमल्स में थोड़ा गलती हो जाए तो चलता है क्या थोड़ा मतलब कितना थोड़ा मतलब कितना उतना ही गलती नंबर में भी होगा फिर मतलब अगर जैसे सेकंड थर्ड डिजिट तक हो रहा है तब तो चलता है क्या आंसर आया अनिशा का आ गया माइनस जीरो पॉइंट फाइव नाइन बिल्कुल सही बेटा किस किस का आ गया खुशहाल का आ गया वेरी नाइस बच्चों हाँ तो ज्योति बेटा लॉग एंटी लॉग कभी प्रॉब्लम होती है तो लॉग एंटी लॉग मोनिका मैम लिखो ना एक वीडियो आ जाएगा मैंने बना दिया है वीडियो माइनस पॉइंट फाइव नाइन शाबाश 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 तो देखो आ, यहां हम लिखेंगे ई रिडक्शन इज इक्वल्स टू ई नॉट रिडक्शन प्लस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन अपॉन वन क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक है ना इनकी वैल्यू वन है लॉग ऑफ ऑक्सीडाइज्ड स्टेट एच प्लस है और एच प्लस एंड कंसेंट्रेशन का फॉर्मूला होता है टेन की पार माइनस पी एच पी एच कितना है टेन है तो टेन की पार माइनस टेन ठीक है इज इजिकल्स टू इनॉट रिडक्शन हाइड्रोजन का कितना होता है जीरो होता है हटाओ उसको जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन इस ये इधर पटक दो इसको जो ये पावर होती है वो तो इधर गिर जाती है ना तो 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 हो हो जाता है है इसको भी हटा दो so, ये हो जाएगा clear? ठीक है? चलो अगले सवाल पे नहीं सवाल नहीं आगे अब हाफ सेल पे हमने तीन क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं ठीक है अब मैं फुल सेल करवाने जा रही हूँ चलो लेटस गेट स्टार्टेड पानी पी लू और मैं फुल सेल का डेरिवेशन करा देती हूँ बहुत छोटा सा है वन का, और फिर हम धड़ाधड़ उस पर भी न्यूमेरिकल्स करेंगे लाइक द सेशन बच्चों लाइक का चस्का तुमको ही है मुझे नहीं है, है? जल्दी से फटाफट से मैम इज दिस अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस हाँ बेटू संगीता इट इज अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस थैंक यू सिमर सिमरनजीत तो अब सुनो कि हमको अब क्या करना है लेट्स कॉन्सेंट्रेट अगेन वंस अगेन टू डिराइव अ फॉर्मूला नॉन्स ने कहा दो दो चैंबर होते हो तो इलेक्ट्रॉन तो का फ्लो होता ना, तो ने ने का 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 है ना फ्रॉम वन टू ने तो यहां से शुरू करेंगे कि का क्या होता है? अब प्लीज बिल्कुल फोकस करके सुनोगे तो बात समझ में आएगी नहीं तो फिर ऊपर से जाएगी फिर सीधा फॉर्मूला रटा दूंगी और बस कुछ सेल इज इक्वल्स टू नॉट कैथोड

तो जिंक वाला रिएक्शन लिख रही हूं जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन जेड टू प्लस प्लस कॉपर ये हमको याद ही रहता है ये वाला तो कि हाउ जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन जिंक क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है कॉपर क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है देखो जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है एंड कॉपर रिड्यूस हो रहा है ठीक है आगे बढ़ते हैं ई सेल इज इक्वल्स टू क्या था फॉर्मूला ई कैथोड माइनस ई एनोड

है. E, e is to e not plus upon उसमें वैल्यू पुट की हैथोड के लिए अब मैं वैल्यू लिख रही हूँ माइनस एनोड कौन है जिंक है तो मैं सेम एक्सप्रेशन आधे सेल का निकवेशन में जिंक के लिए भी लिखूंगी क्या लिखूंगी ई नॉट एन टू प्लस

E not copper minus minus e zinc will be e not cell तो e equals to e not cell plus common common upon upon n तो n n log m minus log m क्या property होती है log m minus log n का क्या formula होता है log एम अपॉन एन ये formula होता है लॉग एम माइनस लॉग एन का तो वही formula हम इधर भी लगा रहे हैं में तो ऊपर कौन आयास डिनोमिनेटर्स में आयां टू प्लस एंड कॉपर जो कि प्रोडक्ट्स है ऊपर रिएक्टेंट्स आए हैं नीचे प्रोडक्ट्स आए हैं कैन आई राइट कैन आई राइट की ई सेल E इक्वल्स टू ई नॉट सेल प्लस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन अपॉन एन यहां तक हमको याद ही रहता है हाफ सेल में हम लिखते हैं E रिडक्शन इज इक्वल्स टू नॉट रिडक्शन फुल सेल में हम लिख रहे हैं E सेल इज इक्वल्स टू नॉट सेल प्लस पॉइंट जीरो फाइव नाइन अपॉन एन लॉग ऑफ रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन है ना लर्न हुआ प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन

अभय गुप्ता बेटा को क्या एक्सप्लेन करना, है? नेगेटिव को क्या करना है? C, है ना अगर ए अपॉन बी सी के बराबर है तो इज इक्वल्स टू बी इनटू टू सी के बराबर है उस लेवल का मैथ सही है अगर प्लस का माइनस करोगे तो ये उलट पलट हो जाएंगे बस प्लस करोगे तो रिएक्टन ऊपर आएंगे माइनस करोगे तो प्रोडक्ट्स ऊपर आएंगे ठीक है कहाँ कहा से रायता समीटू ये बताओ तुम तो मुझे हमें राइट मार्ट को प्री बोझा कुछ इंपॉर्टेंट बता दीजिए बेटा मैं जब जब पढ़ाती हूँ योगेश हर चैप्टर में बताती हूँ इंपॉर्ट क्या इलेक्ट्रो केमिस्ट्री का सबसे टॉपिक है चलो लेट्स प्रोसीड नाउ ये यही चीज जो है जो मैंने अभी प्रूव करके दिखाई है वो यहाँ लिखी हुई है एंड लेट्स डू दिस क्वेश्चन नंबर फोर राइट नॉन्स इक्वेशन कैलकुलेट द ईएमएफ मैं अब थोड़ा सा लिख रही हूँ बाकी जो बच्चों को आता है वो तो करे जिन बच्चों को नहीं आता वो इधर देखेंगे मैं सबसे पहले हर क्वेश्चन में फॉर्मुला लिखती हूँ दैट इज माई स्टाइल दैट शुड बी योर स्टाइल ऑल्सो क्योंकि फॉर्मुले के नंबर होते हैं और फॉमुला जब तक नहीं लिखोगे तब तक अपन न्यूमेरिकल में कंफ्यूज होते रहेंगे तो फर्स्ट राइट डाउन द फॉमुला ओके ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल प्लस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन अपॉन एन लॉग ऑफ रिएक्टेंट्स अपॉन प्रोडक्ट्स

इसका है पॉइंट थ्री फोर जीरो पॉइंट थ्री फोर ठीक है तो आंसर आएगा जीरो पॉइंट फोर सिक्स वोल्ट मतलब आंसर नहीं आएगा ई नॉट सेल की वैल्यू आएगी तो ज़ीरो पॉइंट फोर सिक्स वोल्ट प्लस जीरो पॉइंट ज़ीरो फाइव नाइन अपॉन एन की वैल्यू कितनी है एन की वैल्यू टू है इस इक्वेशन में एन की वैल्यू कितनी है कॉपर टू प्लस कॉपर कॉपर टू प्लस ए जी प्लस ए जी इसमें एन की वैल्यू टू है अच्छा एक चीज़ नहीं करी अपन ने इक्वेशन ये सेल uh, नोटेशन को अनलॉक नहीं किया सेल नोटेशन को अनलॉक नहीं किया तो ये करना आता है सेल नोटेशन को अनलॉक वो मैं करना सिखाती हूं देखो रिएक्टेंट प्रोडक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट ध्यान से देखना बच्चों सेल नोटेशन को कैसे अनलॉक किया जाता है रिएक्टेंट रिएक्टेंट एक साइड कॉपर प्लस ए जी प्लस बना रहा है प्रोडक्ट 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 की साइड सी टू प्लस प्लस ए जी क्योंकि अगर तुम अनलॉक नहीं करोगे तो फिर ऊपर नीचे लिखोगे क्या रिएक्टेंट्स में क्या लिखोगे प्रोडक्ट्स में क्या लिखोगे अब कॉपर दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ध्यान से देख लो बेटा यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कॉपर दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है सी यू सी टू प्लस सिल्वर में प्लस वन और जीरो तो इसको हम बैलेंस करने के लिए टू लगा देंगे ये सबको समझ में आ गया तो थम्स अप करेंगे कॉमेंट सेक्शन में थम्स अप करेंगे कॉमेंट सेक्शन में अगर ये सबको समझ में आ गया तो कि मैंने यहाँ टू क्यों लगाया है क्योंकि कॉपर दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है जबकि सिल्वर एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ऐसा नहीं पॉसिबल है रिडॉक्स में इक्वल एक्सचेंज होता है ये क्लास इलेवन रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ाया जाता है क्विकली आंसर आ गया क्या अंकित का पॉइंट फाइव वन नाइन देखते हैं वेरी नाइस क्लियर गुड 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 बेटा वीडियो ब्लर नहीं है वीडियो का रेजोल्यूशन बढ़ाओ बिल्कुल ब्लर नहीं है वीडियो के ऊपर जो ऊपर राइट हैंड राइट कॉर्नर में टॉप कॉर्नर में तीन डॉट्स उन पे क्लिक करो रेजोल्यूशन खुलेगा सेवन ट्वेंटी पे देखो अच्छा मैं दोबारा समझाती हूँ सिद्धांत बेटा कितना आंसर आ रहा है पॉइंट फाइव वन नाइन खुशहाल का आ रहा है पॉइंट थ्री सेवन लेट मी चेक मैं आंसर निकाल के देखती हूँ थैंक यू माही अधिकारी थैंक यू सो मच चलो लेट मी फाइंड आउट द आंसर प्रियंका का पॉइंट सिक्स सेवन आ रहा है चलो जी कोई नहीं निकाल के देखते हैं हाँ ये टू आ गया लॉग ऑफ रिएक्टेंट कौन है इसमें सिल्वर है सिल्वर का स्क्वायर कर दिया था बेटा टेन की पावर माइनस एट हो जाएगा ना क्योंकि टेन की पावर माइनस फोर एम कंसेंट्रेशन और ए जी प्लस का स्क्वायर लगाना पड़ेगा ना यहाँ टू लगा हुआ है इसको इग्नोर तो नहीं कर दिया था लिखो मैं फॉर्मूला ही ढंग से लिखती हूँ एक बढ़िया देखो एक बारी मैं रिएक्टेंट अपन प्रोडक्ट की जगह प्रॉपरली तुम्हें तो ये लिख के दिखाती हूँ कि क्या डालना है स्क्र अपॉन प्रोडक्ट है सी यू टू प्लस एंड टू ए जी तो सी यू टू प्लस एंड ए जी का स्क्वायर तो अब सॉलिड यूनिटी होते हैं तो इनको डिलीट मार दो होता है ना वन को क्या लिखना तो फॉर्मूला आएगा ए जी प्लस का स्क्वायर अपॉन सी टू प्लस ए जी प्लस टेन की पार माइनस फोर था इसका स्क्वायर हो गया टेन की पार माइनस एट अपॉन सी टू प्लस कितना है? की है, 10 की पार माइनस टू अब कितना होगा ये इज इक्ल्स टू जीरो पॉइंट फोर सिक्स प्लस जीरो पॉइंट जीरो थ्री जीरो पॉइंट जीरो सिक्स का आधा कर लो वैसे जीरो पॉइंट जीरो टू नाइन फाइव होता है लॉग ऑफ टेन की पार माइनस सिक्स ठीक है इस इधर गिरा लो इस पावर को इधर गिरा लो तो जीरो पॉइंट फोर सिक्स प्लस जीरो पॉइंट जीरो थ्री माइनस सिक्स लॉग टेन लॉग टेन की वैल्यू कितनी होती है वन होती है तो अब इसको कैलकुलेट करो इजिक्वल्स टू जीरो पॉइंट फोर सिक्स प्लस माइनस थ्री इससे मल्टीप्लाई करो जीरो पॉइंट जीरो थ्री को इससे मल्टीप्लाई करो कितना जीरो पॉइंट वन एट आ जाएगा जीरो पॉइंट वन एट फाइनल आंसर कितना आ रहा है फाइनल हाँ. आंसर <coughs> कितना आ रहा है पॉइंट फोर सिक्स को पॉइंट वन एट से ऐड करो जीरो पॉइंट सिक्स फोर ठीक है हाँ सिक्स थ्री सेवन परफेक्ट है सिक्स थ्री सेवन परफेक्ट है ठीक है और वो जरूर लिख देना, हाँ सिक्स थ्री सेवन परफेक्ट है माइनस करना था ना नहीं नहीं प्लस ही तो करना था प्लस किया है तो रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट लिखा है ना अपन ने प्लस किया है तो रिएक्टेंट अपन लेकिन ये यहाँ माइनस हो जाएगा ना बेटा माइनस करो एक सेकेंड एक गलती हो गई है रुको बच्चों एक ये मिस्टेक हो गई है कि माइनस होगा बच्चों माइनस होगा एक करेक्शन करो फटाफट फड़ से ये माइनस का साइन भूल गए अपन माइनस सिक्स था ना ये ये मैम ने नहीं लिखा तो ये माइनस में आएगा इधर माइनस करोगे तो सिक्स ऐड नहीं करना है इसको सब करना है सो सॉरी

हाँ, या cell, कि जब तुम बदल देते ना, तो एक और बदली हुई कंसेंट्रेशन की के बीच के एक्सप्लेन करने वाला एक एक्सप्रेशन है बी सी डी तीन वेरिएबल्स है तो तुमको नर्नस्ट ये बता रहा है कि बी प्लस सी माइनस डी करके तुम ए निकाल सकते हो सिंपल फंडा है कि अगर तुमको स्टैंडर्ड कंडीशन में नापा गया तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में है जिसको हम ई नॉट वैल्यू से जानते हैं नॉट नॉट मतलब standard. तो सिंपल बात है ना नंस ने, ने कहा कि अगर कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं होगी तब रिडक्शन पोटेंशियल बदलेगा तो वो बदला हुआ रिडक्शन पोटेंशियल आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के थ्रू कैसे निकाल सकते दैट इज व्हाट ही हैज डेवलप्ड इट इज नोन एज इक्वेशन ठीक है तो चलो मूविंग अहेड हम ध्यान देते हैं आगे हम अब एक सेल है उसका एक इलेक्ट्रोमोटिव तो फोर्स है एक पोटेंशियल डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन तो फ्लो कर रहा है कहां से कर रहा है एनोड से कर रहा है कहां को जा रहा है कैथोड को जा रहा है नेचुरली फ्लो कर रहा है जब तुम दो डिफरेंट रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट्स को आपस में कनेक्ट करोगे तो नेचुरली इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम डोनर टू लालची या फिर फ्रॉम मोर रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव स्टार्ट हो जाएगा ठीक है अब ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हुआ है तुम इसमें अपोजिंग एक्सटर्नल पोटेंशियल लगा रहे हो मतलब एक ऐसा पोटेंशियल जो इसको अपोज करेगा इसके आते इलेक्ट्रॉन को रोकेगा अब सपोज करिए जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है अगर तुम्हारा अपोजिंग एक्सटर्नल पोटेंशियल इस फोर्स से कम है भाई तुम्हारी तरफ कोई दीवार बढ़ रही है बढ़ती जा रही हो तुम डर रहे हो बढ़ रही है बढ़ रही है, बढ़ रही रही है है वो दीवार मेरी तरफ क्या करोगे फोर्स रुक रुक ठीक है तो जैसे ही उसको रोकोगे लेकिन तुम्हारे द्वारा लगाया गया फोर्स कम है उसके द्वारा लगाया गया फोर्स ज्यादा है तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी पर फिर भी वो तुम्हारी तरफ ही बढ़ता रहेगा तो सिमिलरली अगर ईएमएफ ज्यादा है सेल का और अपोजिंग पोटेंशियल कम है तो इलेक्ट्रॉन इसी तरफ बढ़ेगा सेम तो यहां ये लिखा हुआ है कि अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 होता है ना जिंक कॉपर का जिंक कॉपर का इन सेल की वैल्यू होती है 1.1 वोल्ट स्टैंडर्ड कंडीशंस में तो 1.1 से कम है तो इलेक्ट्रॉन्स सेम डायरेक्शन में फ्लो करेंगे जिस डायरेक्शन में वो कर रहे थे लेकिन अगर तुम्हारी तरफ कोई ऑब्जेक्ट बढ़ रहा है और तुमने भी फोर्स लगा दिया और वो फोर्स बराबर है वो तुम्हारी तरफ एक फोर्स से बढ़ रहा है तुमने अपोजिंग अपोजिट फोर्स लगाया और वो फोर्स बराबर है वो ऑब्जेक्ट वहीं रुक जाएगा जहां था कभी पंजा लड़ाया है पंजा लड़ाया किसी के साथ जब पंजा लड़ाते हैं तो जब सामने वाली पार्टी अपनी जितनी मजबूत होती है तो क्या हो जाता है टाई हो जाता है वही टाई हो जाएगा तो यहाँ इस टाई को हम क्या कहते हैं जब तुम एक्सटर्नल एक्स पोटेंशियल इक्वल टू द नेचुरल पोटेंशियल लगाओगे मतलब उस सेल का जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसके जितना एक अपोजिंग पोटेंशियल लगाओगे 1.1 वोल्ट से इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की तरफ बह रहा है और तुम क्या कर रहे हो ये 1.1 पॉइंट वोल्ट तो पता है ना क्या होता है कि एक्सप्लेन करना है बोलो वन पॉइंट वन वोल्ट का पता है कि एक्सप्लेन करना है फटाफट से बताया चैटबॉक्स में क्विकली हाँ ये सब सिलेबस में है शिक्षा कुमारी बेटा हाँ, पता है ओके थम्सअप कर दो ना हाँ ये लास्ट लेक्चर है भी बेटा आज खत्म कर देंगे अगर कंसंट्रेशन कुछ और होगी तो भी सौरभ कश्यप बेटा फॉर्मूला तो वही होगा ना बदली हुई कंसंट्रेशन को रख देना उस फॉर्मूले में ऑक्सीडाइज स्टेट की जगह जो जहां लिखते हो ना इज टू रिड्यूस्ड तो वो बदली हुई कंसंट्रेशन ही तो रखनी है स्टेट में मर्जी है जो कंसंट्रेशन रखो और निकालो कि उस कंसंट्रेशन पे क्या रिडक्शन uh, पोटेंशियल होता है ठीक है अनीशा कह रही है बता दो एक बार मैंने क्या बोला था दो डिफरेंट मटेरियल्स हैं जिंक और कॉपर जिंक की और कॉपर के सपोज करो जिंक को भी भूख लगी कॉपर को भी भूख लगी ये भूख क्या है उनकी रिडक्शन पोटेंशियल है भी इलेक्ट्रॉन्स की भूख लगी है कॉपर को भी इलेक्ट्रॉन्स की भूख लगी है माँ भी भूखी है बच्चा भी भूखा है लेकिन एक बात बताओ फिर भी रोटी किसकी थाली से किसकी थाली में जाती है माँ की थाली से बच्चे की थाली में जाती है ना रोटी अगर माँ को भी भूख लगी हो बच्चे को भी भूख लगी हो दोनों को भूख लगी हो रोटी कहाँ ट्रांसफर होती है माँ से बच्चे की थाली में ठीक है तो तुम यू मानो जिंक भी भूखा था कॉपर भी भूखा था लेकिन जिंक का लालच माइनस जीरो पॉइंट सेवन सिक्स था वाई कॉपर का लालच प्लस जीरो पॉइंट थ्री फोर था कॉपर जिंक से कितना अधिक लालची था जिंक का लालच पॉजिटिव में जीरो पॉइंट थ्री फोर तो दोनों के लालच में कितना डिफरेंस है कॉपर का लालच जिंक के लालच से कितना अधिक है 1 .1 volt, ना इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो वन पॉइंट वन वोल्ट आएगा ना समझे नोड e तो वो वन पॉइंट वन ही तो वो लालच है जिस लालच की वजह से रोटी इधर से निकलती है और उधर जा पड़ती है यानी इलेक्ट्रॉन जिंक से निकलता है और कॉपर में घुस जाता है ये यही तो वो डिफरेंस है दोनों के लालच का डिफरेंस दोनों की भूख का डिफरेंस ठीक है 1.1 1.1 वोल्ट वोल्ट का डिफरेंस हुआ अभी तुम जो इलेक्ट्रॉन नेचुरली के से के जिंक टर्मिनल से कॉपर के टर्मिनल की तरफ बह रहा था अपोजिंग पोटेंशियल लगाना शुरू किया जब तक अपोजिंग पोटेंशियल इतने जोर से कम था इलेक्ट्रॉन वही फ्लो किया जहां कर रहा था जैसे ही एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल वन वन वोल्ट के बराबर हो गया इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक गया नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मिकल no रिएक्शन और जब तुम्हारी तरफ बढ़ती हुई दीवार से ज्यादा फोर्स लगाओ तो दीवार पीछे जानी पड़ेगी पीछे जाने लगेगी सिमिलरली तुमसे कोई पंजा लगा रहा है वो फोर्स लगा रहा है तुम भी फोर्स लगा रहे हो और तुम्हारा फोर्स उसके फोर्स से अधिक है ज्यादा है वॉट विल है तुम उसे हरा दोगे तो वही किया ना अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल इस नेचुरल फोर्स से ज्यादा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन उल्टे बहने लगेंगे ये इलेक्ट्रॉन कॉपर से निकलने लगेंगे और जिंक की तरफ जाने लगेंगे क्योंकि वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को जिंक से कॉपर भेज रहा है और तुम एक अपोजिंग पोटेंशियल लगा रहे हो जो इस आते हुए इलेक्ट्रॉन के फोर्स से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन तो फिर उधर जाने लगेंगे कॉपर टू तो जिंक तो उल्टा हो जाएगा सिस्टम और ऐसे में हम कहते हैं ये सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा होप यू हैव अंडरस्टूड इट क्लियरली ठीक है होप यू हैव अंडरस्टूड इट क्लियरली इलेक्ट्रोलिस सिलेबस में नहीं है कुछ हाल बेटा मैं इसका रिड्यूस सिलेबस पे वीडियो कर दूंगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है यस yes, रुद्र चलो आगे बढ़ते हैं ये भी हो गया अब इसको करो विथ सेल विल मेजर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड क्विकली स्टूडेंट्स हाँ गिब्स भी पढ़ेंगे सब पढ़ेंगे मैंने कहा ना साढ़े तक क्लास होगी टेन तक थैंक यू टेन थर्टी तक क्लास लूंगी मैं सी सिद्धांत बेटा आई रिक्वेस्ट यू तो स्टडी व्हाट आई एम टीचिंग व्हाटएवर आई एम टीचिंग इज इन द कोर्स ठीक है तो जो मैं पढ़ा रही वो तो पक्का कोर्स में उसको ध्यान लगा के पढ़ो सी इज द करेक्ट आंसर ऐसा सारे बच्चे बोल रहे हैं लेट मी जस्ट चेक स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब होता है वन एम कंसेंट्रेशन स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब होता है 1m कंसंट्रेशन 0.1m मतलब गलत 2m गलत पॉइंट वन एम गलत करेक्ट आंसर इज सी समझे नेक्स्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर एम इलेक्ट्रोड वेरी अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन ए बी सी डी करो बेटा मार्क फटाफट जल्दी जल्दी ये मौका बेटा रितेश बोर्ड एग्जाम में नहीं मिलेगा तुमको बोर्ड एग्जाम में नहीं मिलेगा ये मौका धारवी कह रही है बी अमन कह रहे हैं बी दर्शिका कह रही है बी हर्ष कह रहे है right, हैं ए एल राइट मी जस्ट चेक व्हाट इज द करेक्ट आंसर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड वेरी अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन अब इसने माइनस लगाया लेकिन इसने जो ग्राफ खींचे है ना वैसे मैं ग्राफ पे भी एक वीडियो लाने वाली हूँ क्योंकि ग्राफ में प्रॉब्लम आती है ई मैग्नीशियम टू प्लस मैग्नीशियम एंड लॉग लॉग एमजी वर्से इसको प्लस में बदलना पड़ेगा तुमको मतलब यू हैव टू टर्न अप दिस इक्वेशन इनटू ई सेल ई सेल नहीं हाफ सेल का है ना तो ई मैग्नीशियम में लिखेंगे अपन मैं ई e लिख देती हूँ ई इज इक्वल्स टू ई इज इक्वल्स हम्म रुको एक सेकेंड ई इज इक्वल्स टू ई नॉट प्लस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन अपॉन एन लॉग ऑफ एम जी टू प्लस क्योंकि मैंने साइन बदल दिया ना बेटा देखो मैंने यहाँ पे साइन माइनस का लगा था इस इक्वेशन में मैंने प्लस कर दिया ताकि मैं इसको उल्टा कर दिया सिंपल मैथ्स हमने इसको रिवर्स कर दिया तो लॉग एम जी टू प्लस हो गया अब ये इक्वेशन किस में टर्न हो गई ये इक्वेशन टर्न हो गई ये तुम्हारा दिस है है ना तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लॉग करना आता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी तो व्हाट इज दिस पॉजिटिव स्लोप तुम्हारा ये आ जाएगा ठीक है ये पॉजिटिव स्लोप आ गया और ये आ गया इंटरसेप्ट तो ये रहा पॉजिटिव स्लोप और ये ये सब में तो ये तो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है इसमें इंटरसेप्ट नहीं है इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता इसमें एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो रहा है ये भी आंसर नहीं हो सकता इसमें नेगेटिव स्लोप है जबकि हमारी इक्वेशन में पॉजिटिव स्लोप है तो करेक्ट आंसर है बी ठीक है आगे करो वैन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बिहेव लाइक इलेक्ट्रोलिटिक सेल वैन अभी अभी बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह कब बिहेव करता है फटाफट पत से क्विकली माई डेयर स्टूडेंट्स कीप योर एनर्जीज इन हाई मोड एंड डू इट थकना नहीं है थकना नहीं है जो थक रहे हैं फिर वो वो सपना छोड़ दो फिर ये सौ में से सौ नंबर लाने का सपना देखा है तो थकना नहीं है बोर्ड्स पास आने वाले हैं चार चार घंटे बिठा के पढ़ाऊंगी तब भी पढ़ना पड़ेगा ठीक है बोर्ड्स आ रहे हैं ना और कल तो वैसे भी मैं दो ढाई घंटे का सेशन लूंगी कल सिंगल सेशन में चैप्टर खत्म करेंगे सी 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 चलो लेट्स लेट्स वेदर और नॉट एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन बिहेव लाइक इलेक्ट्रोलिटिक सेल वेन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह कब बिहेव करता है जब एक्सटर्नल पोटेंशियल पंजे में हरा देते हो ना सामने वाले को पंजे में सामने वाले को हरा देते हो तो इलेक्ट्रोकेमिकल से इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो है यानी एक्सटर्नल पोटेंशियल अगर ज्यादा होगा ई सेल से तो वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो जाएगा अगला करो अगला आप न्यूमेरिकल है फटाफट से सॉल्व करो जल्दी से वैल्यूज नोट कर लो बच्चों जल्दी से वैल्यूज नोट करो हाँ बेटा धारवी नौ बजे ही रहेगी कल भी और कल एक क्लास में पूरा एक चैप्टर होगा इसलिए क्लास लंबी भी चलेगी <coughs> क्लास लंबी चलेगी बिकॉज कल हम एक क्लास में एक चैप्टर खत्म करेंगे फ्राइडे है ना कल फिर परसों तुम्हारी क्लास में नहीं लूंगी और संडे को भी नहीं लूंगी सैटरडे संडे नहीं लूंगी लेकिन कल तो लूंगी मैं ठीक है कितना आंसर आ रहा है टेल मी दर्शिक का, का आ रहा है जीरो पॉइंट टू फाइव चलो जरा देखते हैं कितना आंसर आएगा अब मैं करना शुरू कर रही हूं सॉल्व इसको कैलकुलेट दफ ऑफ द सेल बेटा नॉन्स्ट इक्वेशन क्या होती है ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल प्लस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन अपॉन एन लॉग ऑफ रिएक्टेंट्स अपॉन प्रोडक्ट्स ठीक है प्लस लगाना है तो रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट्स को माइनस है तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट याद रखोगे ना 3.17 ऋषभ तिवारी का आ रहा है खुशाल का 3.11 आ रहा है ई नॉट सेल कितना है ई नॉट सेल है 3.17 3.17 प्लस 0.059 अपॉन एन की वैल्यू कितनी है एन की वैल्यू 2 है लॉग ऑफ रिएक्टेंट अपन प्रोडक्ट यहाँ ये रिएक्टेंट यानी एजी प्लस का टेन की पार माइनस टू तो एजी प्लस हो जाएगा टेन की पार माइनस फोर अपॉन प्रोडक्ट कौन है प्रोडक्ट है आपका एम जी टू प्लस एमजीट्रेशन है टेन की पार माइनस टू तो टेन की पार माइनस टू टेन की पार माइनस टू में से माइनस टू कैंसिल हो जाएगा यह आएगा थ्री पॉइंट वन सेवन प्लस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन लॉग ऑफ टेन की पार माइनस टू विल भी इक्वल टू माइनस टू लॉग टेन ठीक है -2, 10. अभी -2, 10. अच्छा ये, 2 भी था. इससे ये हो जाएगा और 3 जितना भी आ रहा है इसको कैलकुलेट कर लो टेन की पार माइनस टू है ना माइनस टू इधर गिरेगा और ये भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा थ्री पॉइंट वन वन आ रहा है क्या हाँ ठीक है जो भी आ रहे है दिस इज द फाइनल आंसर चलो नेक्स्ट वाला करो फटाफट से क्विकली अब स्पीड बढ़ा लो क्योंकि दो टॉपिक्स बच रहे हैं पांच पांच मिनट के फटाफट कल किसकी क्लास है प्रॉबेबली डीएफ की लूंगी पर कल इवेंट लग जाएगा मॉर्निंग में कल सुबह एक बार कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लेना चैनल की सुबह लग जाएगा इवेंट ठीक है हेलो सृष्टि मंजू टेन की पार माइनस थ्री नहीं था ना माइनस फोर था देखो तुम की टू का स्क्वायर था तो 10 की पार -4 था और ये पॉइंट जीरो बन है तो यहाँ टेन की पार फिर माइनस टू हो जाएगा ना उसी माइनस टू को मैंने पीछे गिरा दिया ऋषभ बेटा प्रोडक्ट देखो ना ध्यान से देखो, ना. देखो. ये रिएक्टेंट एजी प्लस तो एजी प्लस का है ना अपन एमजी टू प्लस्यूमेट्री जो है उसको लिखते हो ना एजी प्लस का कंसेंट्रेशन कितना है टेन की पावर माइनस टू है तो ये कितना हो जाएगा टेन की पावर माइनस फोर अप ऑन एमजी टू प्लस का टेन की पावर माइनस टू ये रहा अभी समझ में आ गया तो थम्स अप करेंगे समझ में आ गया तो थम्स अप करेंगे फटाफट थैंक यू सृष्टि कोई बात नहीं इंशा कोई बात नहीं अगले वाले का आंसर करो प्रियंका का नेक्स्ट का आंसर आ गया क्या जीरो पॉइंट टू थ्री फाइव फाइव जीरो पॉइंट टू थ्री फाइव फाइव नेक्स्ट का आंसर आ गया क्या अब सब बस टीप लेना एक का आंसर आ गया सारे बच्चे कॉपी मार लो फटाफट एक सेकेंड जरा चार्जिंग पे लगा दूं बेटा फिर तुम क्विज़ के लिए बोलोगे और इसमें बैटरी नहीं होगी तो क्विज कैसे बनेगी जस्ट ओके okay. हाँ गलत हो गया लो भैया प्रियंका का गलत हो गया अभी सारे बच्चों ने तो टीप तो लिया था कहीं कई कही बच्चों ने एक आध तो लिख रहे हैं ना प्रियंका का लिख दो मैम सेम एस प्रियंका सेम एस प्रियंका पॉइंट थ्री सिक्स नाइन चेक करें चलो चेक करते हैं ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल प्लस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन अपॉन n फॉर्मूला लिखने की आदत डालिए है ना बेटा रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट वैल्यूज पुट करेंगे इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल कितना है गिवन कॉपर निकल एंड कॉपर का है ना तो इफ द सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल ये क्या हुआ कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ निकेल इलेक्ट्रोड इफ द सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल इज इतना ओह स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो ई सेल तो दे रखा है 0.59 ई नॉट सेल कैलकुलेट करना है फिर ये कॉपर क्यों ई नॉट सेल कैलकुलेट करना है प्लस 0.059 अपॉन 2 लॉग ऑफ रिएक्टेंट्स कौन है ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट तो रिएक्टेंट कॉपर है और कॉपर 0.1 हो जाएगा अपॉन प्रोडक्ट कितना है प्रोडक्ट है 0.01 समझे आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इफ द सेल पोटेंशियल इज 0.59 हम hmm. कितना आ रहा है अब अपने आप करो इस वाले सवाल को इस पूरे इसको सॉल्व करके या तो इधर ले आओ पहले या तो सॉल्व कर लो पार माइनस वन अपॉन टेन की पार माइनस टू यानी टेन की पार क्या हो जाएगा वन हो जाएगा पूरा सॉल्व करती हूँ जीरो अपॉन टू लॉग ऑफ टेन की पार माइनस वन अपॉन टेन की पार माइनस टू माइनस टू ऊपर जाएगा तो टेन की पार टू हो जाएगा यानी yani कि माइनस वन से कैंसिल होकर क्या हो जाएगा टेन की पार वन हो जाएगा ठीक है टेन की पार वन अब ये क्या हो जाएगा वन लॉक टेन वन भी वन लॉक टेन भी टेन कट जाएगा ये चीज इसको इधर ले आओ और ई नॉट कैलकुलेट कर दो यानी कि सेल इज़ इक्वल्स टू नॉट सेल ठीक है ये कितना आ रहा है कितना आ रहा है बच्चों कितना आ रहा है लक तो को मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करती हूँ पॉइंट जीरो अरे वो आएगा ना पॉइंट कैसे आ रहा है ठीक है कैलकुलेट कर लेना अभी कैलकुलेशन में कोई गलती हो गई होगा इस तरह से क्योंकि उसने आपको स्टैंडर्ड पोटेंशियल कैलकुलेट करने बोला है तो करने का तरीका यही है ठीक है कैलकुलेशन अब आप अपने आप देख लेना ठीक है अनुराग कौशल का सही लग रहा है मुझे इसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का होल स्क्वायर नहीं करेंगे बेटा नहीं इसमें नहीं करेंगे देखो धारवी मैं समझाती हूँ तुमको कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है मैं समझा देती हूँ मेरी चैट्स यहाँ बंद हो गई एक सेकेंड मेरे को टाइम दो ये चैट्स बंद हुई है चैट करनी बंद कर दी तुम लोगों ने रुको 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 एक सेकेंड का टाइम दो बस धारवी मैं क्लियर कर रही हूँ बेटा आपका डाउट ओके, okay. right, चलो, तो कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ निकल पूछा उसने अब अपने पास क्या चीज आ गई है अपने पास में ई नॉट सेल आ चुका है, ई नॉट सेल तक अपन कर चुके हैं अब ई नॉट सेल कर चुके हैं और इधर इसने कॉपर का दे रखा है तो हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड अभी प्रोसीड करना है अभी रुका नहीं अभी तो तुम यहीं तक आंसर बता रहे हो वो तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ निकल पूछ रहा है, पूछ है।, तो हम निकाल चुके है। जो भी और कॉपर कैथोड था कॉपर का इसने दे रखा है पॉइंट थ्री फोर तो जीरो पॉइंट थ्री फोर माइनस ये एक्स तुम्हें निकालना है यहां से वैल्यू किधर जाएगी इधर पुट हो जाएगी समझे कुछ समझे स्टूडेंट्स एक बार फिर एक्सप्लेन कर दू हे hey भगवान देखो तुम उसने क्या पूछा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ निकल इलेक्ट्रोड पूछा है उसने और इसीलिए हमको कॉपर का वैल्यू इसमें दिया हुआ है आंसर वहां खत्म नहीं हुआ था वो तो हमारा इनोट e सेल आया था ठीक है इनोट e सेल उधर डालोगे कॉपर की जगह कैथोड की जगह कॉपर का वैल्यू डालोगे तो एनोड का वैल्यू यानी निकल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका निकल जाएगा आई होप यू गॉट इट एंड धारवी को एक डाउट था कि इसमें स्क्वायर नहीं करेंगे क्या इसमें नहीं करेंगे बेटा कब स्क्वायर करना होता है कब नहीं करना होता उसको ठीक से समझो रिएक्टेंट प्रोडक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट आप रिएक्शन लिखो रिएक्टेंट रिएक्टेंट को कंबाइन करके एक जगह लिखो येलो से लिखते हैं अपन रिएक्टेंट रिएक्टेंट को कंबाइन करके एक जगह लिखो निकल प्लस सीयू टू प्लस प्लस सॉरी बना रहा है प्रोडक्ट है एनआई टू प्लस प्लस सी यू अब बेटा चेक करो बच्चे जितना जितने भी बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है

ठीक है समझ आ गया क्लियर बेटा मेरे पास इसका आंसर नहीं है बट मैंने तुम्हें मेथड बता दिया ठीक है ना पॉइंट थ्री फोर का क्या करेंगे अरे भाई वो निकल का पूछ रहा है तुमसे निकल का वो तुमसे पूछ रहा है कॉपर का दे रहा है ई नोट से यहां से निकल के आ रहा है

हाँ फाइनल आंसर देख लो बेटा जो भी आया हो है ना हम एक इक्वेशन लिखते हैं प्लस देखो धारवी बेटा इसमें भी देखो टू प्लस नहीं लगाया था ना जेड एन टू प्लस प्लस जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज बराबर होता है ना जिंक दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है और कॉपर दो इलेक्ट्रॉन ले रहा है वहां पे हमको स्टोईकोमेट्री में कहीं टू वो नहीं लगाना पड़ा था और इसी वजह से जो फॉर्मूला बनेगा उसमें भी कोई स्क्वायर वगैरह नहीं होगा लेकिन सपोज इसकी जगह मैं सिल्वर रख देती ध्यान से समझना मैं हर डाउट क्लियर करती हुई चल रही हूँ सपोज करो इसकी जगह में सिल्वर रख देती ए जी प्लस तो क्या करते बैलेंसिंग करते ना जिंक दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है सिल्वर एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो फिर भाई एक जब जिंक दो दे रहा है तो सिल्वर एक कैसे लेगा तो तुमने बैलेंसिंग के लिए यहां टू लगा दिया तुमने बैलेंसिंग के लिए क्या लगा दिया यहां पे टू लगा दिया अब टू लगाते ही जब तुम्हारी नॉन्स्ट इक्वेशन आएगी तो वो क्या आएगी बेटा ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल प्लस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन अपॉन एन लॉग ऑफ रिएक्टेंट सिल्वर है तो सिल्वर का स्क्वायर लग जाएगा अपॉन जेड एंड टू प्लस आई बात समझ स्क्वायर कहाँ लगाना है स्क्वायर देखो बेटा नर्स इक्वेशन बनाने के लिए इक्वेशन लिखना बहुत जरूरी होता है नर्स इक्वेशन बनाने के लिए इक्वेशन लिखना बहुत जरूरी होता है बिना इक्वेशन के यहाँ बिल्कुल लोचा हो जाएगा समझे ना हम्म तो एनीवेज अब हम करते हैं नंस्ट इक्वेशन इन कांस्टेंट कॉन्स्टेंट इक्वेशन इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए मैं एक इक्वेशन लिख रही हूँ जेड एन प्लस टू बना रहा है Zn plus 2 plus Cu. ठीक है देखो अब इसके लिए मैं माइनस वाला लिख रही हूँ ई सेल इज इक्वल्स टू इ नॉट सेल माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन अपॉन एन लॉग ऑफ

ओ oh. हम्म mm -hmm. रुको 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 प्रेजेंटेशन पे आते हैं वापस वो तो बैठा नहीं सिस्टम कोई बात नहीं हम्म तो इक्विलिब्रियम uh, कांस्टेंट में मैं तुमको एक चीज बता रही थी जस्ट अ मिनट हम्म ऑल पेन चालू कर लेती हूँ हां जी मैं सोची थी क्लास के बच्चों को मैं डिजिटल बोर्ड पे ले पर वो सिस्टम तो बैठा नहीं है ना दो बजे की क्लास टाइमिंग रखी है नेटवर्क प्रॉब्लम होती है शाम में अनुराग ऐसा क्या सिद्धांत कब से कह रहा है हाफ सेल वापस बता दो सुनो अब मैं मस्त चीज समझाने वाली हूँ इसको बस तुम ध्यान से सुनना बहुत ध्यान से सुनना तुम्हें तो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तुम्हें तो मजा आएगा चीजें रटने नहीं पड़ेंगी ये जिंक है ये कॉपर है जिंक में से कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा था जिंक में से कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा था वॉट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फ्लो दोनों टर्मिनल्स के इलेक्ट्रॉन के प्रति भूख का डिफरेंस हमने कहा कॉपर का इलेक्ट्रॉन के प्रति भूख है 0.34 वोल्ट वाइल जिंक का इलेक्ट्रॉन के प्रति भूख है -0.76 वोल्ट इन दोनों के डिफरेंस ही फोर्स बना इलेक्ट्रॉन को भेजने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड था वो इन दोनों के उस भूख के डिफरेंस से जनरेट हुआ ठीक है यहां तक हम समझ गए लेकिन जो जिंक है उसके इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाते हैं बट सॉल्यूशन में क्या घुलता जाता है बेटा सॉल्यूशन में घुलता जाता है सॉल्यूशन में क्या घुलता जाता है सॉल्यूशन में घुलता जाता है जिंक आयन Zn2+ 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 ये सॉल्यूशन में घुलता रहता है जब जिंक आयन इतने ज्यादा हो जाते हैं तो इसकी जो बुक माइनस का 0.76 वोल्ट थी उतनी कम भी नहीं रहती

अब कॉपर में कॉपर सल्फेट में डूबा हुआ था और ये कम वक्त लालची आते हुए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर से हमने स्टार्ट किया था यह कंसेंट्रेशन कम होने लगी क्योंकि सी टू प्लस तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर करके करके कर इलेक्ट्रोड कर 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 पे जमा हो रहा था ना रिड्यूस हो रहा था तो ये भूख जो जीरो पॉइंट थ्री फोर वोल्ट के बराबर थी

है ना बहुत सारे लोग खाने पे आए खाना शुरू नहीं हो रहा शुरू नहीं हो रहा तो लग रहा है जल्दी खाना भूख लगी का खाते जा रहे इधर डिपॉजिट होते जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन को खाते जा रहे इधर डिपॉजिट होते जा रहे हैं कॉपर टू प्लस वक्त के साथ क्या हो जाएंगे कम तो उस भूख का मेजरमेंट भी तो कम हो जाएगा तो जीरो पॉइंट थ्री फोर से वैल्यू गिरने लगेगी बच्चों और

जल्दी से समझ में आया इक्विलिब्रियम क्या चीज है जिममनवार हाँ कुशल थैंक यू था आरवी आया ना कॉन्सेप्ट समझो किताबों में क्या लिखा होता है इक्विलिब्रियम आ जाता है अब अपने तो इक्विलिब्रियम क्या आते-पते नहीं है क्लास इलेवेंथ में इक्विलिब्रियम कैसे-तेसी करा के, के आए थे इक्विलिब्रियम का का चैप्टर नाम पढ़ते ही उसके साथ ऐसे वाला कर दिया था कौन पड़ेगा? तो समझो कि क्या है? दोनों फॉर इलेक्ट्रॉन देन जिंक सो खींच के जिंक में से वो कॉपर इलेक्ट्रॉन निकाल लेता था लेकिन जैसा कि हम जानते नर्न ने यही तो एक्सप्लेन किया है नर्न एक्सप्लेन एक्सप्लेन दिस ओनली फैक्ट कि बेटा ये जो हंग्रीनेस है ना इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये

भरते 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 हम ओवरऑल मेजरमेंट करेंगे तो ये जो हंगर है वो डिक्रीज होगा और यहाँ बढ़ेगा जब कैथोडिक हंगर डिक्रीज होगा और एनोडिक हंगर बढ़ेगा तो एक स्टेज आएगी जब दोनों का हंगर सेम हो जाएगा और जब वो सेम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा दिस परिस्थिति दिस सिचुएशन इज नोन एज कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम तो एट इक्विलिब्रियम हम क्या लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम व्हाट विल बी राइट वी विल राइट कि ई e सेल

माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन अपॉन एन लॉग केसी के टाइम पे प्रोडक्ट मतलब इक्विलिब्रियम के टाइम पे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट को अपन क्या कहते हैं केसी कहते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों ये बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ अब क्या करेंगे हम इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं इधर ले जाती हूँ यानी कि जीरो अपॉन एन लॉग के e नॉट सेल है ना इज इक्वल टू ई नॉट सेल ठीक है अब लॉग के क्या हो जाएगा लॉग के सी इज इक्वल टू ई नॉट सेल इनटू टू एन अपॉन जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन ठीक है ये आ गया तुम्हारा फॉर्मूला लॉग के निकालने का इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर दो फिर के कैसे निकलेगा एंटी लॉग ऑफ दिस क्लियर बच्चों नोटेड डाउन क्विकली आ गया समझ हाँ बेटा प्रियंका मैं देखती हूं है ना बेटू पहले अब समझ में आ गया फॉर्मूला लिख लिया चलो सवाल करेंगे अब करो इसको फटाफट -फड़ से सॉल्व सेशन खत्म होने वाला है ओनली वन कॉन्सेप्ट इज लेफ्ट क्लियर नहीं क्रिस्टल क्लियर अरे वाह सोनिया भी है सोनिया को मैंने नोटिस नहीं किया थी देर से आई थिंक चुपचाप पढ़ाई कर रही थी इसका मतलब बजे का टाइम रखें चलो आई विल ट्राई सबा क्या कह रही है ऐसा रात को क्या नेट स्लो हो जाता है क्या तुम लोग का ड्रॉप ईयर में इलेवेंथ का बेसिक हां बेटा मैं तो ट्वेल्थ में भी इलेवेंथ का बेसिक अभी नहीं पढ़ाया तुमको इलेवेंथ का बेसिक जहां जहां इलेवेंथ का बेसिक रिक्वायर्ड होता है वहां तो पढ़ाते ही है ना धार भी कह रही है मैम प्लीज टाइमिंग मत चेंज करिएगा चलो पहले तो ये समझ में आ गया तो ये सवाल लगाओ फटाफट से खुशहाल सही पकड़े हैं बेटा बिल्कुल सही पकड़े हैं हम्म करो फटाफट सॉल्व कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दसवां सवाल आगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी का फॉर्मूला है एंटी लॉग ऑफ एंटी लॉग ऑफ जीरो पॉइंट जीरो ई नॉट सेल इनटू एन ई नॉट सेल इनटू एन अपॉन जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन एंटी लॉग ऑफ एंटी लॉग ऑफ लॉकऑफ सेल की वैल्यू कितनी है निकल और कॉपर दे रखा है तो पॉइंट थ्री फोर माइनस माइनस पॉइंट टू फाइव कितना इनॉट सेल e निकालो फटाफट फड़ से अभी ये बस डायरेक्ट मैंने फॉर्मुला लिख दिया फटाफट फड़ से वैल्यूज निकालो क्या आंसर आ रहा है बताओ टेंथ वाले का टेंथ के पास थर्टी आ रहा है प्रियंका क्या टेन की पर थर्टी आ रहा है फाइव नाइन कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए टू अपॉन जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ हम्म क्या होगा एन की वैल्यू टू ही है ना कहीं वन वगैरह तो नहीं है हम्म एंटी लॉग ऑफ ट्वेंटी आ रहा है हम्म

Log of e into N upon ठीक है इज इक्वल्स टू लॉन्ग एंटीलॉग के लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है आप सिर्फ यूट्यूब पर टाइप करें लॉग एंटीलॉग मोनिका मैम आ जाएगी वीडियो इनोट e की वैल्यू है जीरो पॉइंट एट एट फाइव इंटू ए वॉट इज द वैल्यू ऑफ एन बेटा फोर प्लस से टू प्लस में जा रहा है तो दो इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है देखो फोर और टू में दो का चेंज है लेकिन ऐसा थ्री कर रहे हैं तो थ्री इंटू टू वैल्यू ऑफ एन एंटी लॉग ऑफ वॉट लॉग ऑफ नाइनटी आएगा एंटी लॉग ऑफ नाइनटी सो एनी नंबर का एंटी लॉग होता है टेन की पावर दैट नंबर आंसर क्लियर वेरी नाइस ज्योतिका

तो ये पानी पड़े पड़े मैं गर्म लाती हूँ ये अपने आप ठंडा होता है दिस थिंग, दिस जो डेल्टा जी अभी थर्मोडाइनमिक्स में घुस रहे हैं डेल्टा जी का साइन होना चाहिए वो माइनस होना चाहिए ये तो सबको पता होगा अभी गिपस्ट्री एनर्जी में और कुछ आते पता नहीं हो हमको ये तो पक्का से पता है कि गिब्स ट्री एनर्जी में डेल्टा जी का साइन जो होता है

मैक्सिमम उतना ही काम निकाल सकते हो जितनी गिप एनर्जी की कि जितना भी माइनस डेल्टा जी का मैक्सिमम वर्क इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन डू एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तुम्हें कितना काम करके दे सकता है वो माइनस डेल्टा जी के बराबर है उसके गिप्स एनर्जी चेंज की वैल्यू ठीक है अब वैसे इलेक्ट्रिकल वर्क का फॉर्मूला होता है

फिर भी तुमने आइडियली इमेजिन किया कि मैंने ही कर लिया तो जी की क्या वैल्यू हो गई क्या हो गया माइनस एनएफ और डेल्टा जी नॉट क्या हो गया माइनस एन एफ ई नॉट सेल तो ये दो फॉर्मुले हैं और इसमें वेस्ट क्वेश्चन आते हैं जैसा एक लास्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे आज की क्लास में फिर सेशन ओवर करेंगे

तुम ये सच में लिख रहे हो ना या ही आपकी मर्जी हो जो कोई भी टाइम रख लो सच में लिख रहे हो थैंक यू हिमांशु कुशवाहा टू वन टू थ्री डबल जीरो वेरी गुड ज्योतिका करेक्ट आंसर टू वन टू थ्री डबल जीरो वेरी गुड इंशा नाइस nice, नाइस nice, nice. तो बच्चो सिंपल सी चीज़ थी तुमने एक केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल वर्क करवा रहे हो तो इलेक्ट्रिकल वर्क का फॉर्मूला फिजिक्स में तुम पढ़ते ही हो एन ठीक है और यहाँ हम केमिस्ट्री से ऐसे लिंक कर रहे हैं कि जितने भी उसके नेगेटिव डेल्टा जी की वैल्यू उसको पूरा का पूरा हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं वर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आई होप यू हैव गॉट इट हाँ यस प्रियंका तो यहाँ ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नहीं द फंक्शन ऑफ द सॉल्ट ब्रिज इज टू फटाफट बताओ द फंक्शन ऑफ द सॉल्ट ब्रिज इज टू लास्ट लास्ट फिर सेशन एंड करते हैं इंशा है सी अरे वादि इवन मी कैन नॉट इमेजिन माय डे विदाउट यू गाइस कुछ बाकी मतलब सबकी बात नहीं कर रही हूँ बहुत सारे आजकल इस टाइम पे फैमर्स आ जाते हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ बट जो मेरा क्लास के रेगुलर बच्चे हैं उनके बिना मैं भी अपना दिन नहीं इमेजिन कर सकती तो आंसर इज सी वेरी नाइस और बाकी का होमवर्क में करना एंड इट्स ओवर है ना और मैं अभी फिलहाल डेली नौ बजे आ रही हूँ कल मैं नौ बजे एक वन शॉट लेके आऊंगी पूरा चैप्टर रिवाइज करूंगी कोई एक चैप्टर होगा मस्त होगा सुबह कम्युनिटी पोस्ट में आ जाएगा ठीक है प्लस पे हम लोग डेढ़ महीने का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं बेटा तो प्लस वाली क्लासेस में जरूर आइए सिक्स टू सेवन थर्टी इवनिंग टाइम है सिक्स टू सेवन थर्टी दैट वुड बी अमेजिंग बिकॉज हम लोग अपना पूरा जोर लगाने वाले हैं हम कम से कम समय में स्मार्ट एक्ट करते हुए कैसे स्टूडेंट के मार्क्स निकलवाने वो वी एडुकेटर्स पूरा -पूरा में डेढ़ महीने में नहीं होगा लेकिन वो सब चीजें पढ़ाई जाएंगी आंसर कैसे लिखने बताए जाएंगे केस स्टडी रीजन रिविजन वो टॉपिक्स मार्क करवाना वो टॉपिक्स नोट्स बना के देना वो सब चीज होगी डेढ़ महीने में तुम जितना स्कोर कर सकते हो उतना स्कोर करवाने की कोशिश करेगी हमारी ये टीम एंड फटाफट -फड़ से प्लस प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लो उसी के अलावा पर्सनल uh, ट्यूटर चाहिए डाउट क्लैरिटी के लिए अनैडमी की लर्निंग ऐप पे आप अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हो फॉर फ्री हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन मिलेगा आपको इंग्लिश में एज वेल एज हिंदी में आपको क्या करना है सिर्फ क्लियर पिक्चर खींच के आपको अन अकेडमी की लर्निंग ऐप पे जाके आज का डाउट में भेजनी है लाइक like दिस ठीक है क्वेश्चन वन एट ए टाइम पूछना भरमार मत पूछ लेना ऐसे दस डाउट पूछने पे अच्छा इसको अनलॉक करने के लिए आपको एमबी लाइव यूज करना बता चुकी हूँ एमबी लाइव इज द चाबी टू ओपन एनी ताला विच इज लॉक्ड At an academy, okay? Whether it is a referral.

कहीं पे भी, भी कोड मांगे एमबी लाइफ खुल जाएगा स्पेशल क्लास हो कुछ भी हो क्विज किसकी क्विज़ ऑर्गेनिक की कर लें ऑर्गेनिक की कर लें क्विज ओके okay. चलो मैं क्विज बना रही हूं मैं ऑर्गेनिक पे बना रही हूँ बेटा मॉलिक्यूल्स इंक्लूड कर रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है पांचों चैप्टर के बना रही हूँ है ना टेन क्वेश्चन है दस सवाल हैं चालीस सेकेंड एक क्वेश्चन को दे रहे हैं जस्ट मिनट

93, 61, तब तक मैं बाकी की चीज एक्सप्लेन कर देती हूँ बेटा जो हमारे प्लेटफॉर्म वो स्पेशल क्लास इन सारे चैप्टर्स की रिकॉर्डेड आप जरूर आके देखें और अगर आपको स्पेशल क्लास अच्छी लग रही हो आपको इन्वायरमेंट अच्छा लग रहा हो आपको लग रहा हो टीचर्स एफर्ट लगाते हैं तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जो दो टाइप्स का है प्लस एंड आइकॉनिक प्लस सब्सक्रिप्शन इज 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 मेकिंग एजुकेशन डेमोक्रेटिक लॉट ऑफ फ्री कंटेंट अवेलेबल ऑन एज एज वेल इन स्पेशल क्लासेस बट अगर आप डिसिप्लिन के साथ पढ़ना चाहते हैं अगर आप किसी बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं जिसमें टेस्ट भी प्रॉपर होते हैं क्विजेस भी प्रॉपर होती है तो आपको ज्यादा नहीं थोड़ा सा पे करना पड़ेगा अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन खरीदने के लिए जैसे मैं बता देती हूँ अभी ट्वेल्थ के जो ट्वेंटी है वो थ्री मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले लें सिर्फ सिक्स थाउजेंड का पड़ता है ठीक है कॉइन्स वॉइन्स सब रिडीम करने के बाद टू मंथ टू थाउजेंड पर मंथ पड़ता है ऑल सब्जेक्ट्स जिसमें आपको ना केवल आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोजी मिलेगा आपको इंग्लिश एंड ऑल अदर सब्जेक्ट्स भी मिल जाएगा तो आपका सूरत कॉम्पो कॉम्बो पैकेज हो जाएगा एंड इट इज वेरी वेरी कॉस्ट फ्रेंडली आपका ट्रैवल का टाइम बच जाएगा कॉस्ट बच जाएगी और टीचर्स पूरी मेहनत से पढ़ाएंगे दट इज फॉर श्योर है ना एंड आइकॉनिक uh, फिर दूसरा सब्सक्रिप्शन है जिसमें एक बंदा आपका टेक केयर करेगा मतलब आप क्विजेस कितनी अटेम्प्ट करते हो आपका प्रोग्रेस का पूरा परफॉर्मेंस वगैरह सब ट्रैक करेगा और इसी के अलावा

सारे टॉप डिबेटर्स की एक्सेस मिल गए कॉम्बो पैकेज बन गया तो वो उस तरीके से इसके चार्जेस मैं जिन आप अपने जूनियर्स को भी रेकमेंड करें और जरूर करें ठीक है जो आपके नेक्स्ट कोई भी फ्रेंड हो स्कूल में कोई जूनियर्स हो उनको आप ये सब्सक्रिप्शन रेकमेंड कर सकते हैं तरीका क्या है आपको अन की लर्निंग ऐप इंस्टॉल करनी है फिर प्लस पे जाना है सब्सक्रिप्शन लेने का तरीका बता रही हूँ फिर अपना गोल गोल्सलेक्ट करना है मैनेज गोल्स में ला सीबीएसई क्लास ट्वेल्व जाना है फिर आपको गेट सब्सक्रिप्शन में जाना है और फिर आपके सामने ये पेज ओपन होंगे जिसमें आप जो भी ड्यूरेशन का टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं अच्छे से दिल लगा के पूरे स्टूडेंट्स का रिजल्ट निकलवाने में लगे हुए हैं तो डू ज्वाइन प्लस प्लेटफॉर्म एंड प्लीज देर नहीं करो जल्दी से ज्वाइन कर लो वी एश्योर यू कि सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे स्मार्ट वर्क करते हुए हम बोर्ड एग्जामिनेशन को कॉन्कर करेंगे आपके जूनियर्स को आप बड़ा ड्यूरेशन का बता सकते हैं जैसे एक साल या दो साल रेफरल कोड एमबी लाइफ को बिल्कुल नहीं भूलें इससे आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलेगा सेशन को लाइक कर दे शुड अच्छे से पढ़ाई करो मन लगा के पढ़ाई करो क्योंकि हमको आगे पढ़ाई के थ्रू ही बढ़ना है बारहवीं में अच्छे नंबर लाने ही लाने हैं ये इगो ले रखा है ईगो पे ले रखा है तुमने भी और तुम्हारी माम ने भी ठीक है बच्चा चलो बाय बाय